नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शरद कुमार सिंह सीयूडीएसटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों हमारे प्यारे गुरुजी अंकित भाटी सर के रोजगार वित्त अंकित का कि ये सामान्य हिंदी की बुक आती है दोस्तों, जो स्पेशल रूप से SSC GD के लिए बनाया गया है। यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इस एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे जो पहले एग्जाम हुई थी SSC GD का एग्जाम दोस्तों, सुनने को मिलता है कि इस बुक से दोस्तों 80 से 90% क्वेश्चन जो हिंदी का इसी बुक से रहा था दोस्तों। चलिए हम लोग इस बुक शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों आज कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल एक ही वीडियो में दोस्तों शुरू से अंत तक हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक सोहन लाल द्विवेदी जी का एक कोट्स है जिसे आप लोगों के बीच हम रखेंगे। इस कोट्स को हमेशा रखिएगा अपने मन में दोस्तों। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सोवार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। बढ़ता दोगुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक अंतिम पंक्ति है दोस्तों, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, वो सफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। यही बुक है दोस्तों अंकित भाटी सर के, ये सामान्य हिंदी है दोस्तों, जो स्पेशल रूप से SSC GD के लिए बनाया गया है। इसके लिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आज हम लोग शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट करेंगे। ये हमारे गुरुजी दोस्तों अंकित भाटी सर हुए दोस्तों। बिल्कुल देखिए ये स्पेशल रूप से दोस्तों SSC GD के लिए इसको तैयार किया गया है। मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको कई बार बताया है दोस्तों कि पहली बार ही हमें सिलेक्शन लेना है। एक पंक्ति जो प्रेरणादायक है इसको अच्छी तरह से सुनिए दोस्तों। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। याद रखिएगा, अगर आपकी सफलता में हम थोड़ा सा योगदान कर पाए यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य क्षण होगा दोस्तों। कभी हारने का इरादा हो ना दोस्तों, तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या तुमसे नहीं हो पाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, उसे बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देनी है दोस्तों, और बिल्कुल एग्जाम को पास करनी है दोस्तों। इस बुक का कंटेंट्स देख लीजिए दोस्तों। यही कंटेंट्स दोस्तों कुल मिला के दोस्तों 14 चैप्टर दिया गया है इसको। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक दोस्तों एक एक करके हम लोग सभी चैप्टर को कंप्लीट आज ही करेंगे दोस्तों। तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, पेशेंस के साथ बिल्कुल क्लास कीजिएगा। और एक बात आप लोगों से हम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों ये हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट थोड़ी सी बोरिंग होती है दोस्तों। बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल इसको पेशेंस के साथ कर लेते हैं दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक, तो ये तो हम कहेंगे दोस्तों कि हिंदी से क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस के साथ बिल्कुल करनी है दोस्तों, घबराना नहीं है दोस्तों, और बोरिंग नहीं होना है हिंदी में। बिल्कुल बोरिंग बहुत ढेर सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, खुद हम भी हो जाते हैं दोस्तों कभी कभी बोरिंग। बिल्कुल दोस्तों ऐसा सब्जेक्ट ही है तो, लेकिन आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल बोरिंग नहीं होना है दोस्तों, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, रोक रोक के इसको पूरी तरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, तभी तो आप एग्जाम पास कर पाइएगा दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, पेशेंस के साथ करनी है पूरी क्लास। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है वर्तनी शुद्धि, यानी सही को ढूंढना है। तो उन्नति कैसे लिखा जाता है? उन्नति दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, उन्नति, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी बिल्कुल सही है दोस्तों, उन्नति। नेक्स्ट, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। दुर्गम कैसे लिखा जाएगा? दुर्गम दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, दुर्गम, बिल्कुल दुर्गम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो अन्वेषण दोस्तों किस तरह लिखा जाता है? अन्वेषण, तो अन्वेषण जो है दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, अन्वेषण, अन्वेषण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए नंबर सही है दोस्तों, अन्वेषण। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। जहन्नवी कैसे लिखा जाता है दोस्तों? याद रखें, जहन्नवी कैसे लिखा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों कैसे, तो देखिए दोस्तों
जहनवी, इस टाइप से लिखा जाता है जहनवी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, जहनवी इस टाइप से लिखा जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें यानी क्या, अधपतन कैसे लिखा जाता है, अधपतन दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, अधपतन, पतन, अधपतन, पोतोनो पतन, अधपतन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करें, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या है, सृष्टि कैसे लिखा जाता है, याद रखिएगा सृष्टि जो लिखा जाता है दोस्तों, सृष्टि इस टाइप से लिखा जाता है, सृष्टि, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। सही वर्तनी वाले शब्द चुने, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। शारीरिकी कैसे लिखा जाता है, शारीरिक कैसे लिखा जाता है दोस्तों, शारीरिक देखिए सा री रिक, शारीरिक इस टाइप से लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, शारीरिक। नेक्स्ट है 8 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द दोस्तों सही है। क्या ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, देखिए दोस्तों ज्योत, ज्योत्सना, ज्योत्सना दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, ज्योत्सना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर दोस्तों सही है, ज्योत्सना। व्यवहारिक रूप से अपनी बात ठीक हो सकती है, व्यवहारिक रूप से अपनी बात ठीक हो सकती है, इसमें व्यवहारिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा व्यवहारिक, व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा व्यवहारिक ऐसे लिखा जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट 10 नंबर, उस कथन को अति अतिशयोक्ति मात्र है, अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, देखिए अतिशयोक्ति, अति सियोक्ति, अतिशयोक्ति इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, अतिशयोक्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी एल का इसका सही है दोस्तों, अतिशयोक्ति। 11 नंबर है, चालक सुवती की बंद का प्यासा होता है, चालक सुवती की बंद का प्यासा होता है, यहाँ स्वाति दोस्तों कैसे लिखा जाएगा, यहाँ सुवती लिखा गया है, स्वाति देखना है कैसे लिखा जाता है, तो स्वाति जो है दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता है, स्वाति दोस्तों, स्वाति ऐसे होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट 12 नंबर, साहित्य और समाज का अन्यान्याश्रित शब्द क्या है, अन्यान्याश्रित शब्द क्या है दोस्तों, ये अन्यान्याश्रित शब्द गलत है दोस्तों, इसमें ढूंढना है कि क्या दोस्तों बिल्कुल अन्योन्याश्रित क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, ऐसे दोस्तों अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 13 नंबर है, रहस्य रोमांच और व्यचित्र का समन्वय देवकी नंदन खेत्री के उपन्यास विशिष्ट है दोस्तों, तो इसमें विशिष्ट कैसे लिखा जाएगा, तो विशिष्ट जो लिखा जाएगा दोस्तों याद रखिएगा विशिष्ट, तो बिल्कुल वैशिष्ट, वैशिष्ट, वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सेनापति एक रहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सहस्त्र कैसे लिखा जाएगा, सहस्त्र जो लिखा जाएगा दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, सहस्त्र, सहस्त्र। नेक्स्ट 15 नंबर, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड की का रचयिता है, तो इसमें दोस्तों रचयिता कैसे लिखा जाएगा, तो रचयिता जो लिखा जाएगा दोस्तों याद रखिएगा रचयिता, रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। 16 नंबर है, क्या उपर्युक्त, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई है, उपर्युक्त पंक्तियां कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त, उपर्युक्त कैसे लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा उपर्युक्त जो लिखा जाता है दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, उपर्युक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त ये हुआ दोस्तों उपर्युक्त, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। 17 नंबर है, अपहरण के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगा, देखिए दोस्तों अपहरण, अपराहन है यहाँ, देखिए गलत लिखा हुआ, अपराहन के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगा, तो इसमें दोस्तों अपराहन कैसे लिखा जाएगा, याद रखिए ये जो अपराहन लिखा जाता है ये अपराहन, अपराहन ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, अपराहन याद रखें, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है दोस्तों इसका। मनुष्य को, मनुष्य को क्या है दोस्तों, परामुख उपेक्षी नहीं बनना चाहिए, इसमें दोस्तों क्या है याद रखिएगा, क्या परमुख, परमुखापेक्षी कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो ये परमुखा, परमुखापेक्षी ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, परमुखापेक्षी,
पर मुखापेक्षी इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, पर मुखापेक्षी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है क्या? क्या होता है दोस्तों? तो उत्प्रेक्षा कैसे लिखा जाता है? उत, देखिए उत हो गया ये, अप्रेक्षा, प्रेक्षा हो गया ये, उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, उत्प्रेक्षा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। बुढ़ापा, बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है, बुढ़ापा दुर्बल्य का सूचक है। इसमें दोस्तों क्या दुर्बल कैसे लिखा जाएगा? दुर्बल, याद रखिएगा दुर्बल ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, दौर बल, दौरबल, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दौरबल। नेक्स्ट, तानसेन महान संगीतज्ञ था, संगीतज्ञ कैसे लिखा जाता है दोस्तों? संगीतज्ञ याद रखिएगा, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ, संगीतज्ञ दोस्तों याद रखिए, संगीतज्ञ ऐसे लिखा जाता है, संगीतज्ञ, यानी इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी दोस्तों सही है, संगीतज्ञ। नेक्स्ट है 22 नंबर, बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाना चाहिए, या क्या दोस्तों? वजीफा, वजीफा कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा वजीफा जो लिखा जाता है, वजीफा, वजीफा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, वजीफा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, इसमें संदर्भ कैसे लिखा जाता है दोस्तों? संदर्भ बिल्कुल शुद्ध कैसे होगा? तो याद रखिएगा संदर्भ ऐसे होता है, संदर्भ, याद रखिए संदर्भ ऐसे लिखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है, इसमें प्रादुर्भाव कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा क्या प्रादुर्भाव जो लिखा जाएगा, प्रा ये हो गया प्रादुर्भाव लिख देंगे, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, प्रादुर्भाव, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। हिमालय की उतुंग चोटियां हमें बुलाती है, यहाँ दोस्तों जो है बिल्कुल क्या उतुंग कैसे लिखा जाएगा? उतुंग, याद रखिए उतुंग, उ तुंग यही हुआ दोस्तों, उतुंग मतलब उ हो गया और तुंग, उतुंग ये इस टाइप से लिखा जाएगा, उतुंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी है दोस्तों सही। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिकों ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है, अनुसंधान इसमें कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? अनुसंधान जो है याद रखिए ऐसे लिखा जाता है, अनु हो गया ये, संधान, सन धान, अनुसंधान दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, अनुसंधान, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी सही है दोस्तों। नेक्स्ट, 27 नंबर, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, इसमें मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, इसे मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाएगा? तो याद रखिए मंत्री, मंत्री हुआ दोस्तों, तो मंत्री, मंत्री हो गया, मंडल, मंडल ये हुआ, मंडल, मंत्रिमंडल, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है दोस्तों, मंत्रिमंडल इसी टाइप से लिखा जाता है। नेक्स्ट, वह इन सब तथ्यों से अनिभज्ञ क्या है? वह इन सब तथ्यों से अनिभज्ञ है दोस्तों, इसमें क्या, इसमें क्या अनिभज्ञ कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा अनिभज्ञ जो लिखा जाएगा, ये अनिभज्ञ याद रखिए, अनभिज्ञ है दोस्तों, याद रखिए अनभिज्ञ लिखा जाएगा कैसे? अन ये अन हो गया, भिज्ञ लिख देंगे, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ ये हो गया दोस्तों, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी दोस्तों सही है इसका। 29 नंबर है, स्वतंत्रीय, स्वतंत्रीय यहाँ गलती लिखा है, स्वतंत्रीय यहाँ लिखा हुआ है, संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणी की आहुति दी, इसमें स्वतंत्रीय कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल स्वतंत्रीय होगा, स्वतंत्र यहाँ स्वतंत्रीय लिखा हुआ है दोस्तों, स्वतंत्रीय कैसे होगा? स्व हो गया, अतंत्र, तंत्रीय, तंत्र ये इस टाइप से, अगर इस टाइप से नहीं है दोस्तों तो बिल्कुल इस टाइप से होगा, स्वतंत्रीय, स्वतंत्रीय, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, स्वतंत्रीय, स्वतंत्रीय, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, स्वतंत्रीय, स्वतंत्र, इसको ऐसे करके दोस्तों स्वतंत्रीय, ये बिल्कुल सही है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है, इसमें पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है दोस्तों? पुनरुत्थान जो लिखा जाता है, देखिए ये हो गया पुनरुत्थान, रुत्थान ये पुनरुत्थान,
क्या है दोस्तों? पुनरुत्थान, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। पश्चिमी देशों में क्या दोस्तों? निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। यहाँ दोस्तों जो लिखा जाएगा, याद रखिएगा बिल्कुल, क्या प्रतिद्वंदिता कैसे लिखा जाता है? प्रति हो गया ये दोस्तों, अब द्वंदिता लिखना है, ये हो गया प्रतिद्वंदिता, यानी दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रतिद्वंदिता, याद रखिएगा। नेक्स्ट 32 नंबर, नायिक उत्क्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही, इसमें उत्ग्रीव कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? उत्ग्रीव कैसे लिखा जाएगा? देखिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिल्कुल, उत्ग्रीव जो लिखा जाएगा ऐसे, उद हो गया ग्रीव, उद्ग्रीव इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, उद्ग्रीव, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे दोस्तों, याद रखिए युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे, इसमें युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है? युधिष्ठिर जो लिखा जाता है, याद रखिएगा ये यू हो गया युधिष्ठिर इस टाइप से होता है दोस्तों, युधिष्ठिर इस टाइप से होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है दोस्तों, युधिष्ठिर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उद्र श्रृंखलता आती है, यहाँ गलती लिखा है दोस्तों, उद्र श्रृंखलता आपको सही करना है, क्या दोस्तों? ये बिल्कुल यहाँ गलती लिखा है, उच्च श्रृंखलता होगा दोस्तों, कहने का मतलब इसको लिखा जाएगा कैसे वो देख लीजिए अच्छी तरह से, ये हो गया उच्छृंखलता, मतलब इस टाइप से लिखा जाएगा दोस्तों, उच्छृंखलता, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए बिल्कुल सही है दोस्तों, 34 का ए सही है। इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा शुद्ध करने के लिए दोस्तों, बिल्कुल अगर पास करनी है एग्जाम दोस्तों तो आपको करना ही होगा, हम समझ सकते हैं आपको थोड़ी बहुत बोरिंग लगता होगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी ऐसा है ही दोस्तों बिल्कुल। 35 नंबर देखिए, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों के विश्वसनीयता बढ़ रही है, इसमें दोस्तों आयुर्वेद कैसे लिखा जाएगा? आयुर्वेद दोस्तों इस टाइप से लिखा जाता, आयुर्वेदिक इस टाइप से होता है दोस्तों, आयुर्वेदिक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, आयुर्वेदिक इसी टाइप से होता है। नेक्स्ट, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं, इसमें जो है बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? अप्रत्याशित कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया अप्रत्याशित ऐसे होता है दोस्तों, अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट, उपनिषदों की गीता का स्रोत क्या है? स्रोत कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? तो याद रखिए स्रोत बिल्कुल इस टाइप से लिखा जाता है, स्रोत इसमें सही लिखा गया था दोस्तों, स्रोत इसी टाइप से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 38 नंबर, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं, यहाँ दंपति गलती लिखा है दोस्तों, यहाँ सही करना है बिल्कुल, दंपति ऐसे होता है दोस्तों, दो हो गया दंपति ऐसे होता है दोस्तों, दंपति बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्या दोस्तों? विक्रसी, देखिए लिखा ही है गलत है दोस्तों, विक्रसी संवत ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे रहता है, तो ये देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, संवत कैसे लिखा जाएगा? क्या विक्रसी संवत या विक्रम संवत दोस्तों होगा? ये तो 58 ईसा पूर्व होगा, ये गलती लिखा हुआ है दोस्तों, क्या है दोस्तों? विक्रसी संवत कैसे लिखा जाएगा? तो संवत जो लिखा जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, संवत तो पर जोर दिया जा रहा है इसीलिए हाइफन लगेगा दोस्तों, आधा तो होगा, संवत इसी तरह लिखा जाता है, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है, क्या दोस्तों? निरसता आ जाती है, अत्यधिक व्यवस्था से जीवन में निरसता आ जाती है, अत्यधिक कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये तो आसान है बिल्कुल, अत्यधिक यहाँ गलती लिखा है दोस्तों, ये हो गया अत्यधिक लिखना है, और क्या, यही हो गया दोस्तों अत्यधिक, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों अत्यधिक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 40 का ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा क्या है? संश्लिष्ट कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? ये संश्लिष्ट यहाँ बिल्कुल गलती है, सही करनी है बस, तो जो लिखा जाएगा दोस्तों संस, ये हो गया दोस्तों, देखिए संस
हो गया लिस्ट, संश्लिष्ट, ठीक है संश्लिष्ट ये हो गया दोस्तों संश्लिष्ट, ये तालव्य सो है क्या, संश्लिष्ट संश्लिष्ट यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल दोस्तों इसका जो है, हाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों 41 का ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है दोस्तों मंदाकिनी की जलधारा जस्सार, ये लिखा ही गलत है दोस्तों, जस्सर रूप से प्रभावित होता है, यहाँ दोस्तों ये अजसर रूप से प्रभावित रहती है, इसमें क्या होगा अजसत्र कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, अज हो गया ये अजशस्त्र, ऐसे लिखा जाता अजशस्त्र, बिल्कुल अजशस्त्र यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दोस्तों अजशस्त्र इसी टाइप से लिखा जाएगा। नेक्स्ट सभी भारतीय गीता के महा क्या दोस्तों, महात्म्य से परिचित है, महात्म्य से परिचित है तो इसका दोस्तों महा क्या दोस्तों महात्म्य कैसे लिखा जाएगा, महात्म्य है ना दोस्तों, महा हो गया अतम्य तम्य, ये महात्म्य यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार अथाह होता है, यहाँ दोस्तों ज्ञान कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए कैसे लिखा है ज्ञान, ये गलती है ना दोस्तों, बिल्कुल सही करना है इसको, तो ज्ञान तो आप लोग जानते हैं ज्ञान, ये हुआ दोस्तों ज्ञान यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट रोगी के उत्कट जिजीविका क्या है, यहाँ दोस्तों जिजीविका बिल्कुल जिजीविषा गलत लिखा गया है दोस्तों, इसे हम लोगों को सही करना है। देखिए जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, जी हो गया ये और जी फिर जी विसा विसा जी विसा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, जी विसा यानी जी विसा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, उज्जवल कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये जो उज्जवल लिखा जाता है देखिए उज्ज ये हो गया ये हो गया दोस्तों उज्जवल ऐसे होता है दोस्तों, उज्जवल याद रखिएगा उज्जवल कैसे होता है, इस टाइप से उज्जवल लिखा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्या दो, परक्रांत्र, परक्रांत्र से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, यहाँ ये जो परक्रांत लिखा है दोस्तों ये गलती हमें सही करना है, क्या दोस्तों परक्रांत्र कैसे लिखा जाएगा, ये हो गया प्रकार प्रकारांत्र, प्रकारांत्र होता है दोस्तों प्रकारांत्र, इस टाइप से लिखा जाएगा दोस्तों प्रकारांत्र रांतर प्रकारांतर बिल्कुल दोस्तों बी नंबर सही है प्रकारांतर। नेक्स्ट दोस्तों मनुष्य जिसके सामान्य समझता है, मनुष्य जिसके सामान्य समझता है वो उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त करता है दोस्तों, यहाँ सामान्य कैसे लिखा जाएगा बिल्कुल दोस्तों सही है, क्या सामान्य कैसे होगा दोस्तों वो देखिए, सामान्य सामान्य यहाँ है दोस्तों, सामान्य वो सामान्य नहीं है, वो जो बिल्कुल सामान्य नॉलेज होता है दोस्तों, सामान्य ज्ञान होता है वो तो ऐसे लिखा जाएगा सामान्य बिल्कुल, यहाँ दोस्तों क्या समान क्या दोस्तों सामान्य जो सम्मान दिया जाता है सम्मान, ये इस टाइप से लिखा जाएगा सम्मान्य, अब हो गया सम्मान्य बी नंबर सही है दोस्तों। नेक्स्ट दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका, इसमें अध्ययन कैसे लिखा जाएगा देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ गलती लिखा गया है आपको सही करनी है, अध्ययन होता है दोस्तों, अध्ययन होता है याद रखिएगा ये अध्ययन 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 इस टाइप से होता है दोस्तों, अध्ययन यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। 50 नंबर है दिनकर राष्ट्रीय भावधारणा के ओजस्वी कवियों में क्या अगर गण्य है, दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में क्या अग्रगण्य है, इसमें दोस्तों अग्रगण्य कैसे लिखा जाएगा याद रखिए, अग्र इस टाइप से होता है अग्रगण्य यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, अग्रगण्य ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तित्व कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की है, इसमें दोस्तों व्यक्तित्व कैसे लिखा जाएगा ये बिल्कुल दोस्तों कैसे लिखा जाएगा ये गलत है, सही करनी है हम लोगों को, तो कैसे लिखा जाएगा दोस्तों देखिए क्या व्यक्तित्व है ना दोस्तों, ये हो गया व्य और उसके बाद व्यक्ति लिखना यही ना, ठीक है दोस्तों व्यक्तिक बस हो गया व्यक्तिक इस टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, व्यक्तिक बिल्कुल व्यक्तिक इस टाइप से होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों 51 का। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, शुद्ध क्या है दोस्तों, अभी बिल्कुल सभी शुद्ध ही है, देखिए क्या है इसमें शुद्ध क्या है तो इसका मुंह कैसे शुद्ध क्या है दोस्तों, या मुंह बिल्कुल इस टाइप से मुंह लिखा जाता है मुंह,
मुंह इसी टाइप से ना होता है दोस्तों, बिल्कुल, जिससे हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। तिरपन में भी शुद्ध क्या है इसमें? शुद्ध दोस्तों सर्वोत्तम, ये सर्वोत्तम जो है इसी टाइप से बिल्कुल सर्वोत्तम होता है दोस्तों, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम सही है। नेक्स्ट बहुत, और ये इसमें 54 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? 54 में बल्कि, बल्कि कैसे लिखते हैं? इसी टाइप से ना बल्कि लिखते हैं दोस्तों, बल्कि बल्कि बल्कि, यानी ये सही है दोस्तों बल्कि। और उसके बाद 55 का सही ढूंढना है दोस्तों, 55 का सही क्या हो जाएगा? प्रणाली, बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रणाली इस टाइप से होता है दोस्तों, प्रणाली, प्रणाली इसी टाइप से ना होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट है 56 का शुद्ध क्या है दोस्तों, इसमें से सही क्या है 56 का? ऊंचाई, ऊंचाई बिल्कुल सही है दोस्तों, इसी टाइप से ऊंचाई होता है, ऊंचाई। नेक्स्ट है बिल्कुल सी नंबर सही है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें से शुद्ध वर्तनी क्या है दोस्तों 57 नंबर में? परीक्षा, परीक्षा इस टाइप से होता है, परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सही शब्द का चयन कीजिए, 58 का क्या होगा? संपूर्ण, 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 देखिए संपूर्ण कैसे होता है दोस्तों, सम ये हो गया सम, उसके बाद पूर्ण लिखना, यही ना, पूर्ण, संपूर्ण इस टाइप से होता है दोस्तों संपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 58 का बी नंबर, याद रखिएगा, एक बार देख लीजिए दोस्तों। हम समझ सकते हैं आप लोगों को थोड़ी सी बोरिंग लगता होगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी व्याकरण है दोस्तों, क्योंकि एक ही टाइप से हम लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल घबरानी नहीं है दोस्तों, एग्जाम पास करनी है तो धैर्य के साथ दोस्तों, बिल्कुल जो धैर्य रखते हैं दोस्तों वही बिल्कुल एग्जाम को क्रैक करते हैं। अक्सर सभी स्टूडेंट धैर्य खो देते हैं दोस्तों, जिसके कारण उसको पछतावा बाद में मिलता है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल धैर्य रखिए, हम बिल्कुल सभी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, हम आपके साथ हमेशा हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट सही वर्तनी छांटिए, 59 का सही वर्तनी छांटिए, सही क्या है दोस्तों, सही क्या है? तो याद रखिएगा सही इसमें ये ज्योत्सना दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए तो ज्योत्सना ऐसे होता है, ज्योत्सना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ज्योत्सना सही है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है 60 नंबर का? 60 नंबर दोस्तों क्या सुसुप्ति कैसे होता है दोस्तों? सुसुप्ति, यही ना, सुसुप्ति, सुसुप्ति, सुसुप्ति ऐसे होता है दोस्तों, सुसुप्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से? शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा 61 का? बिल्कुल दोस्तों सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, देखिए सच्चिदानंद होता है दोस्तों, सच्चिदानंद ऐसे होता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से एक विकल्प में शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है, आपको उस शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों, बिल्कुल देखिए प्रज्वलित कैसे होता, पर हो गया ये, जुआ ऐसे होता है दोस्तों, डबल होता है, ज्वलित, प्रज्वलित ऐसे होता है, प्रज्वलित, प्रज्वलित, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 63 नंबर में है, 63 का देखिए अनुसंकी कैसे होता है, अनु, ये अनु हो गया दोस्तों, और क्या है संगिक, अनुशांस क्या दोस्तों, अनुसंगिक, संगिक, संगिक, अनुशांस क्या, अनुसंगिक ऐसे होता है, अनुसंगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों, अनुसंगिक। नेक्स्ट है दोस्तों 64 का देखिए क्या है, सुषमा, 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 सुषमा ऐसे होता है दोस्तों, सुषमा, याद रखिए सुषमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है 65 नंबर देखिए क्या है, 65 का है दोस्तों, देखिए 65 का ठीक है, अंत्याक्षरी कैसे होता है देखिए दोस्तों, अंत हो गया ये, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी के मतलब अंतिम लेटर जो होता है, जो हम लोग खेलते हैं दोस्तों अंत्याक्षरी, बिल्कुल इसी टाइप से होता है, 65 का बी नंबर बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी। नेक्स्ट है 66 का ढूंढना है दोस्तों, ईर्ष्या कैसे होता है, ईर्ष्या, ईर्ष्या ऐसे होता है दोस्तों, ईर्ष्या, ईर्ष्या, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। 67 नंबर है दोस्तों, 67 का बिल्कुल पूजनीय, पूजनीय कैसे होता है दोस्तों, पूजनीय, पूजनीय, पू हो गया ये, जो, पूजनीय, पूजनीय इस टाइप से होता है दोस्तों, पूजनीय, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। उसके बाद है पुरस्कार, पुरस्कार कैसे होता है दोस्तों, पुरस्कार याद रखिए, पुरस्कार जो होता है, पुरस्कार जी, पुरस्कार ऐसे होता है दोस्तों, पुरस्कार, पुरस्कार बिल्कुल, पुरस्कार यानी ऑप्शन नंबर पुरस्कार का क्या होगा दोस्तों, डी नंबर बिल्कुल सही है, पुरस्कार। नेक्स्ट 69 नंबर, क्लेश कैसे लिखा जाता है दोस्तों, 69 का देखिए क्लेश कैसे लिखा जाता है, क्लेश ये हो गया क्लेश, क्लेश बस इसी टाइप से लिखा जाता है दोस्तों, क्लेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 70 का देखिए,
तिरसना कैसे लिखा जाता है, त्र, ये त्रसना, त्रिसना दोस्तों ऐसे होता है, त्रिसना, त्रिसना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 71 का देखिए दोस्तों, 71 का क्या है, उज्ज्वल, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में, उज्ज, ये हो गया उज्ज्वल, उज्ज्वल जो नाम होता है दोस्तों, उज्ज्वल, उज्ज्वल इसी टाइप से होता है दोस्तों, उज्ज्वल याद रखिए, उज्ज्वल। नेक्स्ट है दोस्तों, उज्ज्वल हो गया। 72 का है दोस्तों, 72 का क्या करना है देखिए, श्रृंगार कैसे होता है, श्रृंगार, श्रृंग, ये हो गया श्रृंग, श्रृंगार ऐसे होता है दोस्तों, श्रृंगार, श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल श्रृंगार सही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैसे होता है दोस्तों, 73 का, बिल्कुल राष्ट्रीय जो होता है, राष्ट्रीय, राष्ट्र, राष्ट्रीय, ये हो गया राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है दोस्तों, राष्ट्रीय। नेक्स्ट, सही वर्तनी शब्द का प्रयोग कीजिए, 74 का क्या होगा, श्रृंगार, सेम टू सेम है दोस्तों, श्रृंगार, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे, ये हो गया श्रृंगार, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, श्रृंगार ऐसे होता है, श्रृंगार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, श्रृंगार। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी का चयन करने, अशुद्ध, अशुद्ध को ढूंढना है दोस्तों, इसमें से अशुद्ध कौन है, देखिए अशुद्ध कौन है दोस्तों, साधु बिल्कुल सही है, शून्य भी इसी टाइप से होता है, मुश्किल भी दोस्तों सही है, देखिए साधु इसी टाइप से होता है दोस्तों, शून्य भी, मुश्किल, लेकिन मातृभूमि जो दोस्तों इस टाइप से नहीं होता है, यही गलत है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा ये गलत है। नेक्स्ट, 76 में, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है, अशुद्ध है वो, तो याद रखिएगा दोस्तों, क्या चर्मो उत्कर्ष बिल्कुल सही है, देखिए दोस्तों चर्मो उत्कर्ष सही है, और वांडमय सही है दोस्तों, और पुनस्थान सही है, हिरण्य कश्यप, क्या हिरण्य कश्यप होता है दोस्तों, यहाँ कश्यपु लिखा है, ये दोस्तों गलत है, बिल्कुल सभी सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द को ढूंढना है दोस्तों, इनमें से शुद्ध क्या है, तो याद रखें प्रतिदर्श, प्रतिदर्श ये सही है दोस्तों, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श इस टाइप से होता है, प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। 77 का, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है दोस्तों, तो अशुद्ध क्या है, तो वांड में सही है, उत्कर्ष भी सही है दोस्तों, और वेमनस्य सही है, और मिथिलेश कुमारी ये दोस्तों गलत है, ऐसे नहीं होता है। निम्नलिखित में एक शब्द अशुद्ध है, वो अशुद्ध को ढूंढनी है दोस्तों, बिल्कुल अशुद्ध कौन है, नौकरी, ये गलत है दोस्तों, नौकरी बिल्कुल डबल हो जाता है इसमें, इसलिए ये गलत है, बाकी सब सही है, देहिक सही है दोस्तों, प्रौढ़ सही है, और पुरुष सही है दोस्तों, याद रखिएगा इसी टाइप से होता है। निम्न में से अशुद्ध का शब्द क्या है, निम्न में से अशुद्ध का शब्द क्या है दोस्तों, तो अशुद्ध क्या है, यही ना ढूंढना है, अनुग्रहित यह सही है दोस्तों, महत्व सही है, पैतृक भी सही है, राहुल संक्रियायान ये दोस्तों गलत है, अनुग्रहित सही है देख लीजिए, महत्व भी और पैतृक भी इसी टाइप से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों, 81 का, तो याद रखिएगा, देखिए दोस्तों अशुद्ध ढूंढना यानी गलत को, पारलौकिक, पारलौकिक बिल्कुल सही है दोस्तों, पारलौकिक, दुर्घर्ष ये भी सही है दोस्तों, दुर्घर्ष भी सही है, आशीर्वाद ये भी सही है दोस्तों, आशीर्वाद भी सही है, आशीर्वाद भी सही है दोस्तों, और निश्चेष्ट ये गलत है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सी है, इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सी है दोस्तों, 82 का, अशुद्ध शब्द क्या है, देखिए दोस्तों 82 है ना, देखिए प्रादुर्भाव ये सही है दोस्तों, प्रादुर्भाव इसी टाइप से होता है, संश्लिष्ट इस टाइप से होता है दोस्तों, संश्लिष्ट, और क्या है अधिशासी, अधिशासी इसी टाइप से होता है, ये सन्यासी जो है दोस्तों ये गलत है, सन्यासी होता है ये दोस्तों गलत है, ऐसे नहीं होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है दोस्तों, 83 का क्या, तो शुद्ध क्या है, यही ना शुद्ध को ढूंढना है, तो बिल्कुल पर्यूष दोस्तों सही है, पर्यूष इस टाइप से होता है दोस्तों, पर्यूष, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 84 नंबर है, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, सच्चिदानंद दोस्तों यह सही है, सच्चिदानंद दोबारा आया है दोस्तों, सच्चिदानंद इसी टाइप से होता है दोस्तों, याद रखिएगा सच्चिदानंद। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसमें किस शब्द की वर्तनी दोस्तों शुद्ध है, तो ये अत्यधिक का दोस्तों सही है, अत्यधिक ऐसे होता है, अत्यधिक, अत्यधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है दोस्तों, अत्यधिक। नेक्स्ट है,
86 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है दोस्तों, गलती है। और नेक्स्ट है पुष्पांजलि, पुष्पांजलि दोस्तों सही है, भास्कर सही है, उज्ज्वल सही है दोस्तों, और निरपराध ये दोस्तों गलत है, निरपराध ऐसे नहीं होता है दोस्तों। पुष्पांजलि सही है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल भी दोस्तों सही लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, इसमें से शुद्ध क्या है दोस्तों 87 का, देखिए क्या तहसील दाढ़ी, तहसील दाढ़ी तह हो गया, सिल तहसील दाढ़ी, तहसील दाढ़ी ऐसे होता है तहसीलदारी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। 88 नंबर का क्या सही है इनमें से, क्या अपकृति, अपकृति दोस्तों ऐसे होता है, अप हो गया और कृति, क्री और ती हो गया, यही ना अपकृति, ऐसे होता है अपकृति, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अपकृति, अपकृति। नेक्स्ट इसमें से क्या सही है दोस्तों 89 का बिल्कुल छह ऐसे ही होता है दोस्तों, छह छह इसी टाइप से होता है, कैसे ऐसे ऐसे होता है छह, ये जो सिक्स जो लिखते हैं छह दोस्तों। नेक्स्ट है और 90 नंबर में देखिए शुद्ध क्या है, तरुण, तरुण ऐसे होता है तरुण, तरुण ये नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। 91 नंबर का देखिए क्या सही है, 91 नंबर का सही क्या है दोस्तों, तो बर्तन, 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 बर्तन ये बिल्कुल सही है दोस्तों, बर्तन। 92 नंबर का सही क्या है, 92 नंबर का प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ, प्रतिष्ठ ऐसे होता है दोस्तों, प्रतिष्ठ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रतिष्ठ। 93 नंबर का देखिए क्या सही है दोस्तों, 93 नंबर का सही को ढूंढना है बिल्कुल दोस्तों, मृत्युंजय कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मृत्युंजय पूछा गया है, मृत्युंजय, मृत्युंजय ऐसे होता है दोस्तों, मृत्युंजय यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मृत्युंजय। और 94 नंबर का देखिए क्या सही है दोस्तों, 94 नंबर का देखिए अस्पृश्यता कैसे होता है, जो अनुच्छेद 17 में दोस्तों अस हो गया, अपृश्यता, सीयता, अस्पृश्यता ऐसे होता है दोस्तों, अस्पृश्यता यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, अस्पृश्यता। नेक्स्ट 95 नंबर का देखिए शताब्दी, शताब्दी कैसे होता है, शताब्दी, शताब्दी ये हो गया दोस्तों, शताब्दी, शताब्दी यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर दोस्तों सही है, शताब्दी। नेक्स्ट है 96 नंबर, देखिए 96 में क्या सही है दोस्तों, 96 का त्रिदोष क्या होता है, त्रि ये हो गया त्रिदोष, त्रिदोष, त्रिदोष ऐसे होता है दोस्तों, त्रिदोष यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है, त्रिदोष। नेक्स्ट 97 नंबर में सही देखिए क्या है दोस्तों, 97 नंबर का सही क्या, क्या परिणति, परी, परिणति कैसे होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा परी, तो ठीक है परी हो गया, ये परिणति ये हो गया दोस्तों, परिणति, परिणति तो बिल्कुल दोस्तों ये नंबर सही है दोस्तों, परिणति। नेक्स्ट 98 नंबर का सही क्या है दोस्तों, अस्थाई, यही ना अस्थाई, अस्थाई ऐसे होता है अस्थाई दोस्तों, बिल्कुल अस्थाई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों। 99 का देखिए सही क्या है, जल्दी, जल्दी तो आप लोग तो जल्दी बता दीजिएगा दोस्तों, जल्दी ऐसे होता है, जल्दी हर्षिका नहीं दे दीजिएगा, जल्दी ऐसे होता है दोस्तों। और 100 का क्या होता है दोस्तों वो देख लीजिए, 100 का क्या है, प्राक, क्या दोस्तों प्राकथन कैसे, प्राकथन ये हो गया, प्राकथन ये इस टाइप से प्राकथन होता है दोस्तों, प्राकथन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और ये 100 क्वेश्चन में दोस्तों कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, हम एक जगह आंसर दे देते हैं सभी को, बिल्कुल दोस्तों चेक करने में आपको सुविधा होगी। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर है दोस्तों संधि, अब हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। पहला क्वेश्चन है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को दोस्तों संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, सिंधि संधि दोस्तों तीन प्रकार की होती है संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, दयानंद में प्रयुक्त संधि है दोस्तों दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, कपीस में दीर्घ संधि है दोस्तों दीर्घ संधि। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सदैव में स्वर संधि है, सदैव में स्वर संधि है। इनमें इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है दोस्तों, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो पवन स्वर संधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्धि संधि का दोस्तों उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा बिल्कुल ये क्या ग्रुप देश नहीं है, बाकी सब है। वृद्धि संधि, सदैव संधि वृद्धि संधि है दोस्तों, जलोद और परमोदार्य ये सभी वृद्धि संधि है, लेकिन ग्रुप देश नहीं है। निम्न में से
दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है दोस्तों? देत्यारी, देत्यारी ये दीर्घ संधि युक्त पद है। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र में प्रयुक्त संधि दोस्तों अयादि संधि है, याद रखिएगा अयादि संधि। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद दोस्तों तो याद संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि, इति प्लस आदि ये इत्यादि का सही सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों। नेक्स्ट निरर्थक, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो याद रखिए नि प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक बराबर होता है दोस्तों निरर्थक, याद रखिएगा। धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? धरेश का, धरेश का दोस्तों क्या दोस्तों, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? घरा प्लस ई, घरा प्लस ई, घरा प्लस इस दोस्तों धरेश होता है, याद रखिएगा। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निराशा का, निराशा का दोस्तों नी प्लस आशा, नी प्लस आशा ये निराशा का सही संधि विच्छेद है। नेक्स्ट मोहोष्ण, मोहोष्ण का सही या मोहोष्ण का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों? मोहोष्ण का तो याद रखिएगा बिल्कुल महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या है? आशीर्वाद का तो बिल्कुल आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद बराबर होता है दोस्तों आशीर्वाद। महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महेश का, महेश का दोस्तों याद रखिएगा महा प्लस इस बराबर महेश होता है दोस्तों, महा प्लस इस। नेक्स्ट है सन्मति, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति का दोस्तों तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सत प्लस मति बराबर सन्मति होता है। नेक्स्ट अनव्य का सही संधि विच्छेद क्या है? अनव्य का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल अनु प्लस अय बराबर होता है दोस्तों अनव्य, अनव्य। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? परोपकार में, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए गुण संधि है, परोपकार में गुण संधि है बिल्कुल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का दोस्तों याद रखिए भनवत्तर, भनवत्तर, भनवत्तर ये दोस्तों स्वर संधि का उदाहरण है भनवत्तर। निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है? निश्चल का, निश्चल का दोस्तों याद रखिएगा नी प्लस चर, नी प्लस चर बराबर निश्चल होता है दोस्तों। नेक्स्ट निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों? तो याद रखिएगा निश्चल में विसर्ग संधि है। सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है? सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्तर्षि होता है। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम दोस्तों विसर्ग संधि है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो स्वागत में दोस्तों यन संधि है, स्वागत में क्या है? यन संधि है, यन संधि है स्वागत में। नेक्स्ट दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो दिगंबर में दोस्तों याद रखिएगा दिगंबर में व्यंजन संधि है, दिगंबर में क्या है? व्यंजन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है दोस्तों? तो याद रखिएगा रजनीश में स्वर संधि है दोस्तों, रजनीश में स्वर संधि है। देखिए दोस्तों इसको बिल्कुल थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, किसी किसी को दोस्तों प्रॉब्लम होता होगा जो थ्योरी इसको अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं दोस्तों, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं आएगा दोस्तों, नहीं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग घबराइएगा नहीं। नेक्स्ट प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो बिल्कुल प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार बराबर होता है दोस्तों याद रखिए प्रत्युपकार। गायक का संधि विच्छेद क्या है? गायक का दोस्तों गे प्लस अक, गे प्लस अक बराबर होता है दोस्तों गायक, गे प्लस अक बराबर होता है दोस्तों गायक। नेक्स्ट अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? अभिषेक का याद रखिए अभिषेक का सही संधि विच्छेद दोस्तों क्या है? अभी प्लस सेक, अभी प्लस सेक। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों? यद्यपि में, यद्यपि में यन संधि है, यन संधि है। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तो याद रखिएगा सज्जन में स्वर संधि है दोस्तों, सज्जन में क्या है? स्वर संधि है। पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? पवित्र का सही संधि विच्छेद दोस्तों पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र बराबर पवित्र होता है दोस्तों, पो प्लस इत्र। नेक्स्ट है मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा मन प्लस योग, मन प्लस योग बराबर मनोयोग होता है। नेक्स्ट है 35 का प्रत्येक का, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का, तो प्रत्येक का होता है दोस्तों प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक। नेक्स्ट ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है? ग्रीस का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? ग्रीस का तो ग्री प्लस इस बराबर ग्रीस होता है। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो नायक में दोस्तों
या देखिए आयादि संधि है, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है आयादि संधि। नेक्स्ट है चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, चंद्रोदय में गुण संधि है दोस्तों, चंद्रोदय में क्या है गुण संधि है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम दोस्तों विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है उस शब्द का चयन करना है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो है तदोपरांत ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। याद रखिए बाकी तथेव तथेव तदापि और तदाकार ये सभी है, लेकिन दोस्तों क्या तदोपरांत ये गलत है दोस्तों। नेक्स्ट अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय शब्द में दोस्तों कौन सी संधि है, यन संधि है, अभ्युदय शब्द में यन संधि है, यन संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के दोस्तों 5 भेद होते हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल आप लोग थोड़ी थोड़ी बोर होते होंगे दोस्तों, जिसको थ्योरी पता नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को बोर नहीं होना है दोस्तों। अगर आप इससे नौकरी पा सकते हैं दोस्तों तो इससे अच्छा अब क्या हो सकता है दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता है। इसको अच्छी तरह से आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए दोस्तों, और आप लोग नौकरी लेके बिल्कुल फिक्स हो जाइए, अपने लाइफ को सेटलमेंट कीजिए। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो स्वर संधि का उदाहरण रत्नाकर है। क्या दोस्तों, रत्नाकर ये स्वर संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है दोस्तों, तो याद रखिए ई प्लस ओ बराबर व्यर्थ होता है दोस्तों। याद रखिए व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, ई हुआ है और ओ हुआ है, ई हुआ है और दोस्तों ओ हुआ है। घुड़दौर का सही संधि विच्छेद क्या है, घुड़दौर का, तो घुड़दौर का दोस्तों घोड़ा प्लस दौड़ बराबर घुड़दौर होता है। नेक्स्ट है महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है, महोदय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, महोदय का, तो याद रखिए महा प्लस उदय बराबर महोदय होता है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद तत् प्लस मय बराबर क्या होता है, तन्मय होता है। नेक्स्ट उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या है, उदाहरण का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो उत प्लस हरण बराबर याद रखिए उद्धरण होता है। नेक्स्ट तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा तेजा प्लस मय, तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है, तेजा प्लस मय। नेक्स्ट राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है, राकेश का सही संधि विच्छेद दोस्तों राका प्लस ई इस है, राका प्लस इस बराबर होता है दोस्तों राकेश। नेक्स्ट निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निरोग में, तो निरोग में दोस्तों याद रखिएगा विसर्ग संधि है, निरोग में क्या है विसर्ग संधि है दोस्तों। नेक्स्ट निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निर्जन में दोस्तों विसर्ग संधि है, निर्जन में क्या है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि या विसर्ग संधि। नेक्स्ट वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो ये वात प्लस अनुकूल बराबर वातानुकूल होता है दोस्तों। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है, ब्रह्मास्त्र का ब्रह्म प्लस अस्त्र बराबर होता है दोस्तों ब्रह्मास्त्र। नेक्स्ट उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, बिल्कुल उत प्लस श्वास बराबर उच्छ्वास होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखिए प्रति प्लस उत्तर बराबर प्रत्युत्तर होता है दोस्तों। नेक्स्ट नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या है, नमस्ते का दोस्तों नमः प्लस ते, नमस्ते का सही संधि विच्छेद नमः प्लस ते होता है। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या है, संतोष का दोस्तों सम प्लस तोष होता है, सम प्लस तोष बराबर संतोष होता है दोस्तों। नेक्स्ट उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है, उज्ज्वल का, तो याद रखिए उत प्लस ज्वल बराबर होता है दोस्तों उज्ज्वल। विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, विश्वामित्र का दोस्तों विश्व प्लस अमित्र बराबर विश्वामित्र होता है दोस्तों। नेक्स्ट संगम का सही संधि विच्छेद क्या है, संगम का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखिए सम प्लस गम बराबर संगम होता है दोस्तों। नेक्स्ट स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, स्वागतम में यन संधि है दोस्तों, स्वागतम में यन संधि है। नेक्स्ट भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, भानुदय में दोस्तों दीर्घ संधि है, भानुदय में दीर्घ संधि है। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सूर्योदय में दोस्तों गुण संधि है, क्या है गुण संधि है सूर्योदय में। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, हरिश्चंद्र में दोस्तों विसर्ग संधि है, हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, उच्चारण में दोस्तों व्यंजन संधि है, क्या है व्यंजन संधि है उच्चारण में।
उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा उत प्लस लेख, उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या है, उत प्लस लेख है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, अत्याचार का, अत्याचार का दोस्तों याद रखिएगा अति प्लस आचार होता है, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है, दिगंबर का, तो दिग प्लस अंबर होता है दोस्तों दिगंबर। नेक्स्ट क्या दोस्तों, उड्डयनम का सही संधि विच्छेद क्या है, उड्डयनम का, उत प्लस डैनम, उड्डयनम का दोस्तों उत प्लस डैनम होता है। नेक्स्ट निर्विकार का प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, निर्विकार का प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा विसर्ग संधि है, क्या है, विसर्ग संधि। सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, सत्याग्रह में दोस्तों दीर्घ संधि है, क्या है, दीर्घ संधि है सत्याग्रह में। नेक्स्ट है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है, श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल स्रो प्लस अन, स्रो प्लस अन बराबर श्रावण होता है। नेक्स्ट काव्योर्मी, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, काव्योर्मी का, तो याद रखिए काव्य प्लस उर्मी होता है, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है, काव्य प्लस उर्मी होता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है, सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल सत्य प्लस आगरा, सत्य प्लस आगरा बराबर होता है दोस्तों, आगरा बराबर सत्याग्रह होता है। नेक्स्ट निस्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, निस्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल नी प्लस उत्तर होता है, नी प्लस उत्तर बराबर निस्तर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट मनः प्लस भाव बराबर क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए मनः प्लस भाव बराबर जो होता है ये मनोभाव होता है, मनोभाव। नेक्स्ट नी प्लस विकार बराबर क्या होता है, नी प्लस विकार बराबर दोस्तों याद रखिएगा निर्विकार होता है, नी प्लस विकार बराबर निर्विकार होता है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, सज्जन का संधि विच्छेद दोस्तों सत प्लस जन है, सत प्लस जन है। नेक्स्ट सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि क्या है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि दोस्तों व्यंजन संधि है, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि व्यंजन संधि है। नेक्स्ट ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि क्या है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्वर संधि है ज्ञानोदय में, ज्ञानोदय में क्या है स्वर संधि है। निराधार, निराधार में प्रयुक्त संधि क्या है दोस्तों, तो याद रखिए विसर्ग संधि है निराधार में। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या अतएव, निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है दोस्तों, अतएव में विसर्ग संधि है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, तो व्यंजन संधि किसमें है दोस्तों, तो याद रखिएगा सत्कार में व्यंजन संधि है। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है, अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है दोस्तों, तो याद रखिए गुण संधि को व्यक्त करता है, गुण संधि को। नेक्स्ट सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है, सत प्लस चरित्र बराबर होता है सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, बिल्कुल व्यंजन संधि का ये उदाहरण है, व्यंजन संधि का। नेक्स्ट अधा प्लस गति, क्या अधा प्लस गति बराबर होता है अध्योगति, अध्योगति किस संधि का उदाहरण है, अधा प्लस गति बराबर अध्योगति होता है किस संधि का उदाहरण है दोस्तों, तो बिल्कुल विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो याद रखिए उद्धार बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा उद्धार। नेक्स्ट द्रांग जल, द्रांगा जल का सही संधि विच्छेद क्या है, द्रंगा जल का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों, तो याद रखिए दृक प्लस अंचल होता है, द्रंगा जल का सही संधि विच्छेद दृक प्लस अंचल होता है दोस्तों। नेक्स्ट पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है कौन सा, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होता है क्या, तो याद रखिएगा दोस्तों पर्यावरण का परि प्लस आवरण होता है, परि प्लस आवरण। पवन का संधि विच्छेद क्या है, पवन का संधि विच्छेद दोस्तों क्या है, तो याद रखिए पो प्लस अन बराबर पवन होता है, पो प्लस अन। नेक्स्ट यथार्थ, क्या दोस्तों यथार्थ में कौन सी संधि है, यथार्थ में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है दोस्तों, यथार्थ में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट महोदय में कौन सी संधि है, महोदय में दोस्तों गुण संधि है, क्या है गुण संधि है। नेक्स्ट मत्यक्त, मत्यक्य में कौन सी संधि है दोस्तों, मत्यक्य में कौन सी संधि है, तो याद रखिए वृद्धि संधि है दोस्तों मत्यक्य में। और ये 94 क्वेश्चन था दोस्तों ये संधि चैप्टर से, ये 94 में कितना आपका सही हुआ दोस्तों, कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक जगह आंसर दे देते हैं दोस्तों, आपको चेक करने में सुविधा होगी।
नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों क्रिया। अब हम लोग क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। परिभाषा है, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने की संज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। दोस्तों जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना अथवा किसी घटना के घटित होने का संज्ञान होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल संस्कृत का धातु होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, अबैठ, रो, ये सभी दोस्तों क्रिया का ही रूप है। क्रिया से भाववाचक क्रिया बनाने के लिए निम्न धातुओं में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है दोस्तों, जैसे पन, आ, वट, आस, आई, ता, ई, आहट, ये सभी लगा के दोस्तों। नेक्स्ट है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा देखिए कैसे बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, एक साइड है क्रिया, दूसरे साइड है भाववाचक संज्ञा। जैसे ये पढ़ना ये क्रिया है, लेकिन पढ़ाई ये भाववाचक है दोस्तों। खोजना क्रिया है, ये खोज भाववाचक संज्ञा है। सीना सिलाई, सीना देखिए एक साइड है क्रिया, दूसरे साइड है भाववाचक। सीना सिलाई, जीतना जीत, रोना रुलाई, लड़ना लड़ाई, चलना चाल चलन, खेलना खेल, ये भाववाचक का है दोस्तों संज्ञा, भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट थकना, थकना थकावट, थकना थकावट। लिखना ये क्रिया है और लेख भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया है दोस्तों, लेकिन हंसी भाववाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ भाववाचक संज्ञा है। लूटना क्रिया है दोस्तों, लेकिन लूट भाववाचक संज्ञा है। जोड़ना क्रिया है, लेकिन जोड़ दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। घटना क्रिया है, लेकिन घटाव क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। नाचना क्रिया है, लेकिन नाच भाववाचक है, बोल भाववाचक संज्ञा। बोलना क्रिया है, लेकिन दोस्तों बोल भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट है पूजना क्रिया है, लेकिन पूजन भाववाचक संज्ञा है। घबराना क्रिया है, लेकिन घबराहट दोस्तों क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सजाना क्रिया है, लेकिन सजावट भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। मारना क्रिया है, लेकिन मार भाववाचक संज्ञा है। भूलना क्रिया है, लेकिन भूल भाववाचक संज्ञा है। चुनना क्रिया है, लेकिन चुनाव भाववाचक है। थकना क्रिया है, लेकिन थकावट भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा। लेना देना क्रिया है, लेकिन दोस्तों लेन देन भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट हारना, हारना क्रिया है, लेकिन हार भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना, चढ़ना क्रिया है, लेकिन चढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। बनाना क्रिया है दोस्तों, लेकिन बनावट भाववाचक संज्ञा है। गुनगुनाना क्रिया है, लेकिन गुनगुनाहट भाववाचक है। खाना पीना क्रिया है दोस्तों, लेकिन खान पान भाववाचक है, याद रखिएगा। गलना क्रिया है, लेकिन गलन भाववाचक संज्ञा है। पूजना क्रिया है, लेकिन पूजा भाववाचक संज्ञा है। बहना क्रिया है, लेकिन बहाव भाववाचक संज्ञा है। सोचना क्रिया है, लेकिन सोच भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। नेक्स्ट जीना क्रिया है, लेकिन जीवन भाववाचक संज्ञा है। जागना क्रिया है, लेकिन जागरण भाववाचक संज्ञा है। मिलना क्रिया है, लेकिन मिलाप भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। बढ़ाना क्रिया है, लेकिन बढ़ोतरी भाववाचक संज्ञा है। कमाना क्रिया है, लेकिन कमाई भाववाचक संज्ञा है। कहना क्रिया है, लेकिन कहावत भाववाचक संज्ञा है। तनना क्रिया है, लेकिन तना भाववाचक संज्ञा है। फूकना क्रिया है, लेकिन फूक भाववाचक संज्ञा है। निकलना क्रिया है दोस्तों, लेकिन निकास भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट धोना दोस्तों क्रिया है, लेकिन धुलाई भाववाचक संज्ञा है। डरना क्रिया है, लेकिन डर दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। गाना क्रिया है, लेकिन गान भाववाचक संज्ञा है। और उड़ना क्रिया है, लेकिन उड़ान दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। उभरना क्रिया है, लेकिन उभार भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, शब्दों के बहुवचन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों के बहुवचन देखिए क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वचन की परिभाषा के बारे में देखिए, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है दोस्तों। क्या शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम दोस्तों वचन है। शब्दों के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन प्रमुख रूप से दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन वो देखिए। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं दोस्तों। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, गाय, बच्चा, स्त्री, और नदी, ठेला, गाड़ी इत्यादि, ये एक का बोध हो रहा है दोस्तों। बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। गाय बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है, स्त्रियां बहुवचन है, नदियां बहुवचन है, ठेले बहुवचन है, गाड़ियां बहुवचन है दोस्तों।
नेक्स्ट वचन संबंधी विशेष तथ्य, वचन संबंधी विशेष तथ्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। क्या है दोस्तों वो देखिए, आदर क्या है दोस्तों, क्या आदरार्थ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वचन संबंधी विशेष तथ्य है क्या है दोस्तों, पहला है क्या, तो आदरार्थ शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, जैसे जी, साहब, महाराज, महोदय, ये सभी दोस्तों आदर्थ या दोस्तों आदरार्थ शब्द है, ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। खुद के लिए एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है दोस्तों, मैंने किया, हमने किया, ये दोस्तों खुद के लिए एक वचन और बहुवचन का प्रयोग करते हैं। प्राण, भाग्य, लोह, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, दाम, अक्षत, ओठ आदि शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। प्राण, भाग्य, लोह, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, समाचार, दाम और अक्षत, ओठ आदि शब्द सदैव बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भाववाचक और गुणवाचक संज्ञा के प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग दोस्तों एक वचन में होता है, याद रखिएगा। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ दोस्तों, मैं उनकी सज्जनता पर बिल्कुल मुग्ध हूँ, ये दोस्तों बिल्कुल भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं के प्रयोग में एक वचन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। द्रव्यवाचक, उसके पास बहुत चांदी है दोस्तों, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है दोस्तों, देखिए ये द्रव्य है, ये द्रव नहीं है, ये द्रव का मतलब होता है दोस्तों पानी, ये द्रव का मतलब होता है दोस्तों, द्रव का मतलब होता है पदार्थ, क्या होता है, ये द्रव का मतलब होता है पदार्थ, जबकि इसका मतलब होता है दोस्तों पानी यानी लिक्विड। नेक्स्ट दोस्तों, और मेरे पास काफी सोना है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखिएगा। लेकिन द्रव्य के विभिन्न प्रकारों का बोध होने पर द्रव्यवाचक संज्ञा भी बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, यहाँ बहुवचन, वहाँ कई प्रकार के लोहे पाए जाते हैं। हर एक और प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। हर एक और प्रत्येक का प्रयोग दोस्तों सदैव एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति पागल नहीं होता है, प्रत्येक व्यक्ति पागल नहीं होता, और हर एक आदमी को यहाँ से जाना होगा, हर एक आदमी को यहाँ से जाना होगा। कभी कभी एक वचन का प्रयोग पूरी जाति का बोध करा देता है दोस्तों, कभी कभी एक वचन का प्रयोग पूरी जाति का बोध करा देता है। जैसे बंदर चंचल होता है, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है दोस्तों, कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है। नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या है दोस्तों, देखिए आकारांत पू संज्ञा में आ की जगह ए की मात्रा लगाकर, देखिए आकारांत पू संज्ञा में क्या आ की जगह ए की मात्रा लगाकर हम लोग बहुवचन बना सकते हैं दोस्तों। देखिए क्या, जैसे लड़का लड़के हो गया, कुत्ता कुत्ते हो गया, घोड़ा घोड़े हो गया, गधा गधे हो गया, ये है दोस्तों बहुवचन, ये है एक वचन। पंख पंखे, पहिया पहिए, कपड़ा कपड़े, छाता छाते, और रास्ता रास्ता रास्ते, बच्चा बच्चे, तारा तारे, कमरा कमरे, आईना आईने, भैंसा भैंसे, और बकरा बकरे, बछड़ा बछड़े, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अपवाद देवता, अपवाद देवता, भ्राता, काका, दाता, क्राता आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है। अपवाद क्या है, देवता, भ्राता, काका, दादा, कर्ता आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है दोस्तों। क्या अकारांत या आकारांत स्त्री संज्ञाओं में ए जोड़कर बनाए जाते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों, देखिए आकारांत या आकारांत स्त्री संज्ञाओं में क्या है दोस्तों, ये ए बनाकर जोड़कर हम लोग बहुवचन बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक साइड है एक वचन, दूसरी साइड है बहुवचन। रात रातें, माता माताएं, बहन बहने, गाय गाय, एक वचन है, ये है बहुवचन। बात बातें, सड़क सड़कें, याद रखिए दोस्तों ये बहुवचन है सड़कें। नेक्स्ट, आदत आदतें, पुस्तक पुस्तकें, किताब किताबें, कलम कलमें, मुछ मुछे, नाक नाके, बोतल बोतलें, बाँह बाहें। नेक्स्ट दोस्तों, टांग टांगे, टांग टांगे, पीठ पीठे, भैंस भैंसे, भेर भेरे, शाखा शाखाएं, कथा कथाएं, लता लताएं, कामना कामनाएं दोस्तों। नेक्स्ट,
खबर खबर खबरें, वार्ता वार्ताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, कक्षा कक्षाएं, पाठशाला पाठशालाएं, राह राहें, शिक्षिका शिक्षिकाएं। ये बहुवचन है दोस्तों, शिक्षिकाएं। नेक्स्ट है क्या, इकारांत। क्या दोस्तों, इकारांत में या और इकारांत स्त्री संज्ञा में ई को ई करके या जोड़कर दोस्तों बनाया जाता है। दोस्तों क्या बनाया जाता है, पुल्लिंग बना सॉरी बहुवचन बनाया जाता है। देखिए क्या है दोस्तों, जैसे तिथि तिथियां हो गया, लड़की लड़कियां हो गया, रीति रीतियां हो गया, नारी नारियां हो गया, गाड़ी गाड़ियां हो गया, साड़ी साड़ियां हो गया, और नाली नालियां हो गया, अंगूठी अंगूठियां हो गया दोस्तों। जैसे खिड़की खिड़कियां, कुर्सी कुर्सियां, दरी दरियां, छड़ी छड़ियां, हड्डी हड्डियां, नाड़ी नाड़ियां, सवारी सवारियां, बच्ची। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्ची बच्चियां, नदी नदियां, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, और छड़ी छड़ियां, बहु बहुएं। ये बहुवचन है। नेक्स्ट है चिड़ियां चिड़ियां। देखिए चिड़िया, ये इसको बोलते हैं चिड़िया चिड़िया चिड़ियां चिड़िया चिड़ियां, गुड़िया गुड़ियां, यहाँ का उच्चारण होगा दोस्तों, बुढ़िया बुढ़ियां, और बच्ची बच्चियां। नेक्स्ट है दोस्तों गण, चौथा में गण वृंद लोग सब जन आदि लगाकर भी कुछ संज्ञाएँ दोस्तों बनाए जाते हैं। गण वृंद लोग सब जन आदि लगाकर भी संज्ञाएँ बनाए जाते हैं दोस्तों, एक वचन से बहुवचन। देखिए कैसे, बालक बालक बालकगण, अध्यापक 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 वृंद या अध्यापक वृंद। नेक्स्ट ब्राह्मण ब्राह्मण लोग, नारी नारी वृंद नारी वृंद, नेता नेता लोग, सज्जन सज्जन वृंद, शिक्षक शिक्षकगण शिक्षक शिक्षकगण। नेक्स्ट दोस्तों बंधु बंधुगण, बच्चा बच्चा लोग या बच्चे लोग, गुरु गुरुजन, भक्त भक्तजन, भाई भाई लोग। ये दोस्तों क्या है, बहुवचन है, और ये क्या है, एक वचन है। नोट, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। लोग दर्शन प्रजा रोम प्राण बाल होश आंसू हस्ताक्षर दाम दर्शक घर समाचार साधु बालक गांव आदि। देखिए दोस्तों कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। लोग दर्शन प्रजा रोम प्राण बाल होश आंसू हस्ताक्षर दाम दर्शक घर समाचार साधु बालक गाँव आदि। नेक्स्ट सत्य सत्य बालू सोना पीतल जूट सेना कक्षा जाति क्रोध क्षमा प्रेम दल झुंड आकाश घी दही जनता वर्षा पानी दूध आग पुलिस भीड़ आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है दोस्तों। देखिए क्या है, बहुवचन के लिए लोग दर्शन प्रजा रोम प्राण बाल होश और आंसू हस्ताक्षर दाम दर्शक घर समाचार साधु बालक गांव, ये सभी बहुवचन में होता है दोस्तों। जबकि सत्य बालू सोना पीतल जूट सेना कक्षा जाति क्रोध क्षमा प्रेम दल झुंड आकाश घी दही जनता वर्षा पानी दूध आग पुलिस भीड़ आदि शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों के रूप में एक वचन और बहुवचन समान होते हैं। कुछ पुल्लिंग संज्ञा शब्दों में शब्दों के रूप में एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, कवि सेम होगा बहुवचन में, बालक सेम होगा बहुवचन में दोस्तों, गुरु सेम होगा बहुवचन में, योगी सेम टू सेम होगा दोस्तों बहुवचन में, गायक सेम होगा दोस्तों गायक, और विद्वान सेम होगा बहुवचन में। याद रखिए दोस्तों, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट, मुनि सेम टू सेम होगा दोस्तों बहुवचन में, हिंदू सेम टू सेम होगा बहुवचन में, गुणी सेम होगा गुणी, मनुष्य सेम टू सेम, शिक्षक बिल्कुल दोस्तों बहुवचन में भी शिक्षक ही होता है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, लिंग के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है लिंग के बारे में, देखिए लिंग 5 नंबर में दिया गया है लिंग। देखिए क्या है लिंग, शब्द के जिस लिंग के रूप में यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शब्द के जिस लिंग रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक यह चिन्ह
यह प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान होता है संज्ञाओं के, जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखें। दोस्तों पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, पेड़ पौधे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। गाय बछड़ा देती है, गाय बछड़ा देती है। दोस्तों क्या गाय बछड़ा देती है। और नेक्स्ट है पुल्लिंग, पुरुष पुक्त। देखिए दोस्तों हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, लड़का घोड़ा देश ये सभी क्या है दोस्तों पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं दोस्तों, जैसे लड़की देवी घोड़ी गायिका ये सभी स्त्रीलिंग है। देखिए क्या पुल्लिंग, अब हम लोग पुल्लिंग के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए क्या है पुल्लिंग अच्छी तरह से। पहला है देश के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों कोई भी देश है वो पुल्लिंग ही होंगे, जैसे चीन जापान भारत पाकिस्तान अमेरिका इंग्लैंड ये सभी क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। पर्वतों के नाम हिमालय कैलाश हिंदू कुश अरावली सह्याद्री सह्याद्री ये सभी दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग ही होते हैं, जैसे हिमालय कैलाश हिंदू कुश अरावली सह्याद्री आदि। अनाजों के नाम प्रमुखता दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, गेहूं चावल बाजरा चना जो आटा आदि ये पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है दोस्तों मक्का सरसों अरहर, मक्का सरसों अरहर ये पुल्लिंग नहीं है दोस्तों ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट पेड़ों के नाम पीपल बर आम जामुन नीम और गुलमोहर सफेदा आदि दोस्तों ये सभी पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों अपवाद में चंपा और बेकाइन ये दोस्तों स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट धातुओं के नाम सोना पीतल तांबा लोहा आदि ये सभी दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद चांदी है, चांदी एक स्त्रीलिंग है। ग्रहों के नाम मंगल शनि चंद्र सूर्य तारा ध्रुव आदि ये सभी दोस्तों क्या है पुल्लिंग है। मंगल शनि चंद्र सूर्य तारा ध्रुव ये सभी क्या है पुल्लिंग है। अपवाद में है दोस्तों पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। पहला है इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी रोटी टोपी उदासी बोली चिट्ठी पत्री लेखनी पोथी आदि ये सभी क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है। अपवाद में है दही घी पानी मोती ये सभी दोस्तों पुल्लिंग है। दही घी पानी मोती क्या है पुल्लिंग है दोस्तों। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी गुजराती मद्रासी हिंदी अंग्रेजी कश्मीरी असमिया इत्यादि। भाषाओं के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी गुजराती मद्रासी हिंदी अंग्रेजी कश्मीरी असमिया इत्यादि। दोस्तों लिपियों के नाम देवनागरिक रोमन ब्राह्मणी शारदा आदि दोस्तों ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं याद रखिएगा। नदियों का देखिए दोस्तों नदियों के नाम रावी गंगा कावेरी कृष्णा गोदावरी चंबल आदि तत्सम एवं विदेशत शब्द हिंदी में लिंग बदल चुके हैं दोस्तों याद रखिएगा, ये बिल्कुल लिंग बदल जाते हैं लेकिन ये सभी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए अनुज पुल्लिंग है और अनुजा स्त्रीलिंग है दोस्तों, अनुज पुल्लिंग है अनुजा स्त्रीलिंग है। छात्र पुल्लिंग है छात्रा स्त्रीलिंग है। आचार्य पुल्लिंग है आचार्या स्त्रीलिंग है। भव दिए पुल्लिंग है भव दिया स्त्रीलिंग है। शिष्य पुल्लिंग है शिष्या स्त्रीलिंग है। सूत पुल्लिंग है सूता स्त्रीलिंग है। कबूतर पुल्लिंग है कबूतरी स्त्रीलिंग है। चाचा पुल्लिंग है चाची स्त्रीलिंग है दोस्तों। नेक्स्ट है देव पुल्लिंग है देवी स्त्रीलिंग है। पहाड़ पुल्लिंग है पहाड़ी स्त्रीलिंग है। पुत्र पुल्लिंग है पुत्री स्त्रीलिंग है। बेटा पुल्लिंग है बेटी स्त्रीलिंग है। ब्राह्मण पुल्लिंग है ब्राह्मणी स्त्रीलिंग है। मामा पुल्लिंग है मामी स्त्रीलिंग है। रस्सा पुल्लिंग है रस्सी स्त्रीलिंग है। लड़का पुल्लिंग है लड़की स्त्रीलिंग है दोस्तों। नेक्स्ट सुअर पुल्लिंग है और सुवर्णी स्त्रीलिंग है। कुत्ता पुल्लिंग है कुतिया स्त्रीलिंग है। चीरा पुल्लिंग है चिड़िया स्त्रीलिंग है। डिब्बा देखिए डिब्बा पुल्लिंग है
ओडिबिया स्त्रीलिंग है, और क्या है बंदर स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, बंदर पुल्लिंग है, और बंदरिया स्त्रीलिंग है, बूढ़ा पुल्लिंग है, बुढ़िया स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है लोटा पुल्लिंग है, लुटिया स्त्रीलिंग है, चमार पुल्लिंग है और चमारीन स्त्रीलिंग है, नाती नाती दोस्तों पुल्लिंग है, नातीन स्त्रीलिंग है, जुलाहा पुल्लिंग है, जुलाहीन स्त्रीलिंग है, तेली पुल्लिंग है, तेलीन स्त्रीलिंग है, दर्जी पुल्लिंग है, दर्जीन स्त्रीलिंग है, और बाघ पुल्लिंग है, बाघीन स्त्रीलिंग है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है माली पुल्लिंग है, मालिन स्त्रीलिंग है, मालिक पुल्लिंग है, मालकिन स्त्रीलिंग है, ऊट पुल्लिंग है, उटनी स्त्रीलिंग है, जाट पुल्लिंग है, जाटनी स्त्रीलिंग है, मोर पुल्लिंग है, मोरनी स्त्रीलिंग है, राजपूत पुल्लिंग है, राजपूतनी स्त्रीलिंग है, भील भील दोस्तों पुल्लिंग है और भीलनी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट शेर पुल्लिंग है, शेरनी स्त्रीलिंग है, एकाकी पुल्लिंग है, एकाकिनी स्त्रीलिंग है, और गृहस्वामी पुल्लिंग है, गृहस्वामिनी स्त्रीलिंग है, यशस्वी पुल्लिंग है, यशस्विनी स्त्रीलिंग है, हाथी पुल्लिंग है, हथिनी स्त्रीलिंग है, इंद्र पुल्लिंग है, इंद्राणी स्त्रीलिंग है, जेठ पुल्लिंग है, जेठानी स्त्रीलिंग है। दोस्तों नेक्स्ट देवर पुल्लिंग है, देवरानी स्त्रीलिंग है, ठाकुर पुल्लिंग है, ठाकुराइन स्त्रीलिंग है, राक्षस पुल्लिंग है, राक्षसनी स्त्रीलिंग है, सेठ पुल्लिंग है, सेठानी स्त्रीलिंग है, और बनिया पुल्लिंग है, और बनियानी देखिए बनियायन बनियाइन बनियाइन स्त्रीलिंग है, लाला पुल्लिंग है, ललाइन स्त्रीलिंग है, नायक पुल्लिंग है, नायिका स्त्रीलिंग है। दोस्तों नेक्स्ट परिचायक परिचायक इस पुल्लिंग है, परिचायिका स्त्रीलिंग है, पुस्तक पुल्लिंग है और पुस्तिका स्त्रीलिंग है। दोस्तों बालक पुल्लिंग है और बालिका स्त्रीलिंग है, लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेवक पुल्लिंग है, सेविका स्त्रीलिंग है, अभिनेता पुल्लिंग है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, नेता पुल्लिंग है, नेत्री दोस्तों क्या स्त्रीलिंग है, वक्ता पुल्लिंग है, वक्त्री स्त्रीलिंग है, दाता पुल्लिंग है, दात्री स्त्रीलिंग है, धाता पुल्लिंग है, धात्री स्त्रीलिंग है, विधाता पुल्लिंग है, विधात्री स्त्रीलिंग है, गुणवान पुल्लिंग है, गुणवानी स्त्रीलिंग है, धनवान पुल्लिंग है, धनवती स्त्रीलिंग है, पुत्रवान पुल्लिंग है और पुत्रवती स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है, भगवती स्त्रीलिंग है। दोस्तों शक्तिमान पुल्लिंग है, शक्तिमती स्त्रीलिंग है, श्रीमान पुल्लिंग है, श्रीमती स्त्रीलिंग है, रूपवान पुल्लिंग है, रूपवती स्त्रीलिंग है। निम्न शब्दों वाले लिंग युग्म क्या है वो देखिए दोस्तों, अभिनेता पुल्लिंग है, अभिनेत्री स्त्रीलिंग है, कवि पुल्लिंग है, कवयित्री स्त्रीलिंग है, नर पुल्लिंग है, नारी स्त्रीलिंग है, पति पुल्लिंग है, पत्नी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट दोस्तों पुरुष पुरुष पुल्लिंग है, स्त्री ये स्त्री है दोस्तों, पुरुष पुल्लिंग है और स्त्री स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट पुत्र पुल्लिंग है और क्या पतोहु पतोहु या पुत्र बधु स्त्रीलिंग है, बेटा पुल्लिंग है, बहु स्त्रीलिंग है, मियाँ मियाँ दोस्तों पुल्लिंग है और बीवी स्त्रीलिंग है, मेढ़ा मेढ़ा पुल्लिंग है और भेड़ स्त्रीलिंग है, युवक पुल्लिंग है, युवती स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है, रानी दोस्तों स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, थोड़ी सी इधर उधर हो गया दोस्तों, एक मिनट रुकिए। हाँ नेक्स्ट दोस्तों युवक युवक पुल्लिंग है, युवती स्त्रीलिंग है, राजा पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग है, वर पुल्लिंग है, वधु स्त्रीलिंग है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट स्त्रीलिंग से पुल्लिंग निर्माण कैसे हुआ है वो देखिए, जीजी स्त्रीलिंग है, जीजा पुल्लिंग है, बहन स्त्रीलिंग है और बहनोई पुल्लिंग है, बुआ स्त्रीलिंग है, फूफा फूफा दोस्तों पुल्लिंग है, चाची स्त्रीलिंग है, चाचा पुल्लिंग है, सास स्त्रीलिंग है, ससुर पुल्लिंग है दोस्तों, और भाभी स्त्रीलिंग है, भाई पुल्लिंग है। नेक्स्ट स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम है दोस्तों, आ देखिए दोस्तों क्या आकारांत्र आकारांत संज्ञाएँ अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, आकारांत्र संज्ञाएँ अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कृपा लज्जा और अनुपमा क्या दोस्तों अनुपमा दया शोभा और क्या महीना महीना गरिमा लघिमा लालिमा पीरा आदि ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं। भावाचक संज्ञाओं में आई ता हट वट से अंत होने वाले संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होते हैं दोस्तों, आई ता हट
वट वट से अंत होने वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आई चतुराई हो गया, मुंह हो गया, दिखाई हो गया, और क्या छुआई या छाई हो गया इत्यादि। नेक्स्ट ता महता, या देखिए महता स्त्रीलिंग है, और कटुता स्त्रीलिंग है, चंचलता स्त्रीलिंग है दोस्तों लेकिन भाववाचक स्त्रीलिंग है, और कोमलता स्त्रीलिंग है, और हट चिकनाहट स्त्रीलिंग है, आहट स्त्रीलिंग है, घबराहट स्त्रीलिंग है दोस्तों। और वट वट क्या है, तरावट गिरावट ये स्त्रीलिंग है। और नेक्स्ट है पंडित, पंडित से पंडितानी या पंडिताइन ये स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट उर्दू के इकारांत्र और ताकारांत्र सकारांत्र हकारांत्र संख्या स्त्रीलिंग होते हैं। क्या दोस्तों, इकारांत्र ताकारांत्र और सकारांत्र हकारांत्र संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होते हैं। अकारांत्र सजा हवा दवा बाला बला, क्या दोस्तों सजा हवा दवा बला बला ये क्या दोस्तों स्त्रीलिंग है। तकारांत कसरत दौलत और हिकमत कीमत इत्यादि दोस्तों ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। और एकारांत नालिस कोशिश लाश बारिश ये दोस्तों क्या है स्त्रीलिंग है। हकारांत क्या है, आह करह सुलह वजह तरह सुबह ये सभी दोस्तों हकारांत में आता है, ये हकारांत में ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट देखिए स्त्रीलिंग शब्द आई, देखिए स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, एक साइड है शब्द दूसरे साइड स्त्रीलिंग। आई आई का देखिए क्या, आई से क्या क्या स्त्रीलिंग बना है, अगड़ाई पढ़ाई लिखाई धुलाई कढ़ाई मिठाई चिकनाई सगाई मिठाई धुनाई पिटाई इत्यादि ये सभी स्त्रीलिंग है दोस्तों। आ से देखिए भाषा कविता प्रजा दया विद्या इत्यादि ये सभी क्या है दोस्तों स्त्रीलिंग है। निष्ठा से निकटता समीपता घटता बढ़ता सरलता बढ़ता रेंगता सुंदरता सुंदरता मधुरता एकता मनुष्यता गीता ममता लता संगीता माता सुंदरता मधुरता इत्यादि ये सभी दोस्तों क्या है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट नी से देखिए कटनी जापानी चटनी छिलनी छलनी और कथनी करनी ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग है। आवट से बनावट रुकावट लिखावट थकावट, बनावट रुकावट लिखावट थकावट। आहट से हिचकिचाहट हिचकिचाहट जगमगाहट चिल्लाहट घबराई घबराहट और या देखिएगा दोस्तों सरसराहट और मुस्कुराहट इत्यादि दोस्तों ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। इसे भलाई अच्छाई खिड़की या खिड़की लड़की गर्मी सर्दी मजदूरी आदि दोस्तों स्त्रीलिंग है। री से बकरी परी कोठरी मोटरी ये दोस्तों क्या आदि स्त्रीलिंग है। आस से भड़ास प्यास खटास मिठास इत्यादि दोस्तों स्त्रीलिंग है। इया से चिड़िया गुड़िया पुड़िया पुड़िया बुढ़िया लुटिया कुटिया चिड़िया और बिंदिया डिबिया आदि थोड़ी अजीब सा लगता होगा दोस्तों ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। ईमा लालिमा गरिमा कालिमा महिमा इत्यादि दोस्तों ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट देवियों के नाम दुर्गा लक्ष्मी पार्वती काली रमा उमा इत्यादि दोस्तों स्त्रीलिंग है। महिलाओं के नाम शोभा पूनम निकी राधा जमुना इत्यादि दोस्तों ये सभी क्या है स्त्रीलिंग है ही। नेक्स्ट दोस्तों ओ देखिए ओ आ आव पा पन को त्व आवा तथा ओरा से अंत होने वाले संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। क्या ओ याद ओ आ आव पा पन को त्व आवा तथा ओरा से अंत होने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बारे में भी थोड़ा देख लीजिए क्या अस देखिए खेल रेल बाघ हार यंत्र इत्यादि ये सभी पुल्लिंग है। आ से लोट मोटा गोटा घोड़ा हीरा इत्यादि दोस्तों ये सभी पुल्लिंग है। आव से पुलाव दुराव बहाव फैलाव झुकाव ये सभी पुल्लिंग है। पा से बुढ़ापा मोटापा बुझापा इत्यादि दोस्तों ये सब पुल्लिंग है। पन से क्या लड़कपन अपनापन बचपन सीधापन ये दोस्तों क्या है पुल्लिंग है। को से क्या है लेखक गायक बालक नायक इत्यादि ये सभी पुल्लिंग है। तो से ममत्व ममत्व पुरुष क्या तो पुरुषत्व स्त्रीत्व मनुष्यत्व ये सभी दोस्तों पुल्लिंग है। आवा से भुलावा छलवा दिखावा चढ़ावा आदि दोस्तों ये सभी पुल्लिंग है। और से पकोड़ा हथौड़ा आदि पुल्लिंग है। मच्छर नेक्स्ट दोस्तों मच्छर मच्छर गेरा कौवा
कौवा भालू सदैव पुल्लिंग होते हैं दोस्तों, क्या है मच्छर गैरा गैरा कौवा भालू तोता गीदड़ जिराफ खरगोश जेबरा आदि दोस्तों सदैव पुल्लिंग होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द देखिए क्या है, नदी सदा स्त्रीलिंग रहेंगे, नदी भाषा लिपि तिथि बोली बर्तन आदि के नाम स्त्रीलिंग हमेशा होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट नृत्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ने से पुल्लिंग बनता है, नृत्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ने से पुल्लिंग बनता है दोस्तों, जैसे कोयल नर कोयल, गिलहरी नर गिलहरी, छिपकली नर छिपकली, मक्खी नर मक्खी, मछली नर मछली, लोमड़ी नर लोमड़ी, चिड़िया नर चिड़िया। नेक्स्ट दोस्तों चील नर चील, भेड़ नर भेड़, ये सभी दोस्तों स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनता है दोस्तों। नेक्स्ट नित्य, नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने से स्त्रीलिंग बनते हैं, नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़ने से दोस्तों स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खरगोश पुल्लिंग है मादा खरगोश स्त्रीलिंग हो गया, गेरा पुल्लिंग है मादा गेरा स्त्रीलिंग हो गया, भेड़िया मादा भेड़िया, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, भालू मादा भालू, खटमल मादा खटमल। नेक्स्ट उल्लू, क्या दोस्तों उल्लू मादा उल्लू, मच्छर मादा मच्छर, कौवा मादा कौवा, गीदड़ मादा गीदड़, कछुआ मादा कछुआ, जिराफ मादा जिराफ, ये सभी दोस्तों क्या है इधर बना है दोस्तों स्त्रीलिंग, मादा लगा दिया स्त्रीलिंग, ऐसे ये सभी पहले क्या था दोस्तों पुल्लिंग था, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 में दिया गया है अनेकार्थ शब्द, पहला क्वेश्चन है द्विज के अनाकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, तो याद रखिएगा दोस्तों विद्रेह ये द्विज के अनेकार्थी शब्दों में नहीं आता है, ब्राह्मण आता है, पक्षी आता है और दांत आता है दोस्तों। नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द नाक का निम्नलिखित में से एक अर्थ क्या है, नाक का निम्नलिखित में से अर्थ क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा नाक का अर्थ होता है हाथी, हाथी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है, गो का अर्थ नहीं है दोस्तों, तो गज ये गो का अर्थ नहीं है, बाकी सब है गा है इंद्रिया है नदी है दोस्तों। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन के, अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए, मेघ दोस्तों ये गलत है, अब्ज का मतलब नहीं होता है, शंख चंद्रमा और कपूर होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है, पतवार कौन सा अर्थ है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ पतवार भी है, तो याद रखिएगा कर्ण का पतवार होता है पतवार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का भी देता है, पानी का भी देता है दोस्तों, तो याद रखिए वन ये पानी का भी देता है, पान ये शब्द जो है दोस्तों पानी का भी देता है ये। इनमें से कोई शब्द, इनमें से कौन सा या कोई शब्द अंबर को अनेकार्थी है, इनमें से कोई शब्द अंबर का अनेकार्थी है दोस्तों, जी हाँ है गगन है, अंबर का अनेकार्थी में गगन आता है। अचल, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ, और दूसरा अर्थ क्या है दोस्तों निश्चल, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा अर्थ होता है निश्चल। कौन सा शब्द द्विज के अनेकार्थी नहीं है, द्विज के अनेकार्थी नहीं है सिंह दोस्तों, ये द्विज के अनेकार्थी नहीं है, चंद्रमा है दांत है पक्षी है, चंद्रमा है दांत है पक्षी है। निम्नलिखित विकल्पों में से मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप चुनिए, मत्सर, मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप क्या है, तो याद रखिए राग ये मत्सर शब्द का अनेकार्थी रूप है। नेक्स्ट सर्प मेघ ही, सर्प मेघ हरिन किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, सर्प मेघ हरिन किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बिल्कुल सारंग के अनेकार्थी हैं, सारंग के। स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं, स्वर्ग पृथ्वी सूर्य किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो याद रखिए गो के अनेकार्थी हैं स्वर्ग पृथ्वी सूर्य। प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं, प्रतिष्ठा जल चमक किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो याद रखिए पानी के ये अनेकार्थी है प्रतिष्ठा जल और चमक। नेक्स्ट विधि, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है उसे चयनित कीजिए, विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है उसे चयनित कीजिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पद्धति, पद्धति। इनमें अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, इनमें अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा पीयूष, पीयूष ये अमृत शब्द का समानार्थी शब्द है पीयूष। कौन सा शब्द कर्क का अनेकार्थी नहीं है,
कौन सा शब्द कर्क का अनेकार्थी नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आग का पेड़, आग का पेड़ ये कर्क अर्क का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सब है, सूर्य है, प्रकाश किरण है, ज्वाला है दोस्तों। कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? कौन सा शब्द पत्र ये पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है, कागज नहीं है दोस्तों, पत्ता है, चिट्ठी है और पुष्प है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है? फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, तो ये हल्का, ये फल का अनेकार्थी शब्द नहीं है, परिणाम है, प्रभाव है और रस युक्त है, परिणाम है, प्रभाव है और रस युक्त है ये दोस्तों फल का अनेकार्थी शब्द। जीवन का एक अर्थ है जिंदगी, दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? दूसरा अर्थ होता है पानी। क्या होता है दोस्तों? पानी। निम्नलिखित में एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा घनिष्ठ नहीं है दोस्तों, घन का अनेकार्थी शब्द बादल है, घना है और हथौड़ा है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, यह शब्द रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए पारा ये रस का अनेकार्थी शब्द नहीं है, रूप है, पानी है, स्वाद है दोस्तों, रस का अनेकार्थी शब्द। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्ग का अनेकार्थी नहीं है, निम्नलिखित शब्दों में एक वर्ग का अनेकार्थी नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए सुवर्ण ये वर्ग का अनेकार्थी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, निम्नलिखित शब्दों में एक अनेकार्थी है, तो याद रखिएगा दोस्तों गोली एक अनेकार्थी है, गोली एक अनेकार्थी है। निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, निम्नलिखित में एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पुस्तक अनेकार्थी नहीं है, पत्र है, दंड है और ये मुद्रा, ये शब्द अनेकार्थी है लेकिन पुस्तक ये अनेकार्थी में नहीं आता है दोस्तों। नेक्स्ट, भक्ति का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन भक्ति का अर्थ नहीं है दोस्तों? तो याद रखिएगा कविता ये भक्ति का अर्थ नहीं होता है, सेवा होता है, श्रद्धा होता है, पूजा होता है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अब अंजमा का दूसरा अर्थ क्या है दोस्तों? अब अंजमा का तो याद रखिएगा ईश्वर है, दूसरा अर्थ ईश्वर है। नेक्स्ट, परमत स्वेच्छाधारी का दूसरा अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा उन्मत्त। क्या परमत स्वेच्छाधारी का दूसरा अर्थ होता है, दूसरा शब्द उन्मत्त है। नेक्स्ट दोस्तों, कनक धतुरा का दूसरा शब्द क्या है? कनक धतुरा का, तो कनक धतुरा का दोस्तों सेना है, याद रखिएगा सेना है कनक धतुरा का। एसना का अर्थ क्या होता है? एसना का अर्थ दोस्तों अभिलाषा होता है, अभिलाषा क्या होता है दोस्तों? अभिलाषा। नेक्स्ट, देवज का अर्थ क्या होता है? देवज का अर्थ ज्योतिषी होता है, ज्योतिषी। निम्नलिखित शब्दों में एक अर्थ नौका है, निम्नलिखित शब्द में एक अर्थ नौका है दोस्तों, तरनी एक शब्द नौका है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, किसका अर्थ दोस्तों? स्त्री है, तो याद रखिएगा अंगना, अंगना का अर्थ स्त्री है दोस्तों, अंगना का। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है, तो याद रखिएगा आपत्ति का अर्थ ऐतराज है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आगे है दोस्तों, तिरछी नजर तथा आगे कटाक्ष का। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आगे है, तो कटाक्ष का तिरछी नजर तथा आगे है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण के लिए है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ धन मतलब कारण का के लिए है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिल्कुल सी अर्थ। नेक्स्ट, सकल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सकल का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों संपूर्ण और अंश, ये सकल का मतलब होता है संपूर्ण और ये सकल का मतलब होता है दोस्तों अंश, याद रखिए अंश, 36 का सी नंबर। नेक्स्ट, इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द कौन सा? इनमें मुख का अनेकार्थक शब्द क्या है दोस्तों? शांत। मुख का अनेकार्थक शब्द सब शांत होता है। जल प्राण पुत्र किस शब्द के में अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किस शब्द में अनेकार्थी हैं दोस्तों? तो याद रखिए कामदेव में अनेकार्थी हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल राजहंस, ये सारंग का अर्थ नहीं है। तग शब्द का अनेकार्थ क्या है? तग शब्द का तो पर्वत है, तग शब्द का अनेकार्थ पर्वत है। गयंद क्या है दोस्तों? तो याद रखिए गयंद बड़ा हाथी है, गयंद क्या है दोस्तों? बड़ा हाथी है। नेक्स्ट, कीर का अनेकार्थ शब्द क्या है? कीर का अनेकार्थक शब्द दोस्तों बिल्कुल तोता होता है, कीर का अनेकार्थक शब्द तोता होता है। नेक्स्ट, रसाल शब्द का अर्थ क्या है? रसाल शब्द का अर्थ दोस्तों आग है, क्या है? आग। नेक्स्ट, मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मूढ़ चेता का अर्थ याद रखिएगा
मूर्ख होता है। मूढ़ चेता का अर्थ मूर्ख होता है दोस्तों, मूर्ख क्या होता है, मूर्ख। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द अलगा का अनेकार्थी नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द अलगा का अनेकार्थी नहीं है, तो याद रखिए दुविधा ये अलगा का अनेकार्थी नहीं है, बाकी सब है, आगे है, सामने का है, आगामी, ये याद रखिए अलगा का अनेकार्थी शब्द है। नेक्स्ट, गृहविहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं, गृहविहीन बेघर किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो याद रखिए अगे का अनेकार्थी है, अगे का। पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी है, पाप पातक, तो याद रखिएगा दोस्तों अग के, क्या दोस्तों, अग के पात, पाप पातक किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो अग के। भोरा कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, भोरा कोयला कोयल सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो ये अली के अनेकार्थी है, अली के। नेक्स्ट है, कृष्ण कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी है, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों ये बिल्कुल क्या, अच्युत्य, अच्युत्य का दोस्तों अनेकार्थी हैं, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं, तो अच्युत्य के। चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी है, चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं दोस्तों, तो याद रखिए ये अब्ज के अनेकार्थी हैं, अब्ज के। नेक्स्ट दोस्तों, पानी किस शब्द के अनेकार्थी है, पानी, पानी दोस्तों याद रखिए प्रतिष्ठा का अनेकार्थी शब्द है दोस्तों, पानी। नेक्स्ट, विधि शब्द का अर्थ कानून दूसरा अर्थ क्या है, विधि शब्द का अर्थ कानून दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिए कानून होता है, क्या होता है, कानून। फन शब्द का अनेकार्थी नहीं है, फन शब्द का इनमें से अनेकार्थी नहीं है, तो अर्क दोस्तों अनेकार्थी नहीं है। गो का अनेकार्थी शब्द है, गो का अनेकार्थी शब्द है दोस्तों इंद्रिया, गो का अनेकार्थी शब्द है इंद्रिया। नेक्स्ट, सारंग का अनेकार्थी क्या है, सारंग का अनेकार्थी दोस्तों सिंह है, सिंह। रस का अनेकार्थी क्या है, रस के अनेकार्थी दोस्तों बादल है, बादल। अमृत का अनेकार्थी नहीं है, अमृत का अनेकार्थी दुल्हा दोस्तों नहीं है, स्वर्ग है, पारा है, जल है। अमृत का अनेकार्थी दुल्हा नहीं है, स्वर्ग है, पारा है, जल है दोस्तों। नेक्स्ट, धवल का अनेकार्थी क्या है, धवल का अनेकार्थी दोस्तों क्या, निष्कलंक है दोस्तों, निष्कलंक है। धवल का अनेकार्थी शब्द है दोस्तों निष्कलंक। पत्र का अनेकार्थी क्या है, पत्र का अनेकार्थी दोस्तों पत्ता होता है, पत्र का अनेकार्थी पत्ता होता है। बलि का अनेकार्थी शब्द क्या है, बलि का दोस्तों मंडल है, बलि का अनेकार्थी शब्द होता है दोस्तों मंडल, याद रखिए मंडल। नेक्स्ट है, पुरोधर, पुरोधर का अनेकार्थी क्या है दोस्तों, पुरोधर का अनेकार्थी दोस्तों अस्तन है, पुरोधर का अनेकार्थी होता है दोस्तों अस्तन, याद रखिए अस्तन। और ये सभी में दोस्तों कितना आपका आंसर सही है कितना गलत है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों 61 क्वेश्चन में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है दोस्तों विलोम, विलोम विप्रार्थक शब्द चैप्टर नंबर 7 में दिया गया, विलोम विप्रार्थक शब्द के बारे में अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है विलोम विप्रार्थक शब्द, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आलोक का विलोम शब्द क्या है, आलोक का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो आलोक का विलोम शब्द अंधकार होता है, क्या होता है, अंधकार, बिल्कुल। विलोम 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 का मतलब होता है दोस्तों विप्रार्थक शब्द, याद रखिए उल्टा मतलब होगा इसका, अंधकार। आलोक का, आलोक का विलोम शब्द होता है दोस्तों अंधकार। नेक्स्ट है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द दोस्तों कनिष्क है, कनिष्क। विस्तार का विलोम शब्द क्या है, तो विस्तार का विलोम शब्द दोस्तों संक्षेप है, संक्षेप। अनाथ का विलोम शब्द क्या है, अनाथ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा सनाथ है, अनाथ का विलोम शब्द सनाथ होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या है, अस्थावर का जंगम है, अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। मौन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, मौन का विलोम शब्द क्या है, मुखर है, मुखर। गगन का विलोम शब्द क्या है, गगन का विलोम शब्द आगमन है, आगमन। गरिमा का विलोम शब्द क्या है, गरिमा का विलोम शब्द दोस्तों लघिमा है, लघिमा। मौखिक का विलोम शब्द क्या है, मौखिक का विलोम शब्द लिखित है दोस्तों, लिखित। नेक्स्ट है, रंगीन छपे शब्द के लिए, रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। संपन्न व्यक्ति डैश की व्यवस्था नहीं जान सकता है, संपन्न व्यक्ति डैश की व्यथा नहीं जान सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये आसान का नहीं जान सकता है। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। दह, देखिए दोस्तों दह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, दह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है, इसका मतलब होता है दोस्तों क्या, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। नेक्स्ट, सकारात्मक का विलोम शब्द क्या, सकारात्मक का विलोम शब्द दोस्तों नकारात्मक होता है। अध,
अध का विलोम शब्द क्या है? तो अध का दोस्तों इति होता है, अध का इति होता है। सम्मुख का विलोम शब्द क्या है? सम्मुख का विलोम शब्द दोस्तों विमुख है। क्या है? विमुख। नेक्स्ट उर्वर का विलोम शब्द क्या है? उर्वर का विलोम शब्द दोस्तों क्या उसर है, उसर। उर्वरक का क्या? उर्वर। उर्वर का विलोम शब्द दोस्तों उसर होता है। अवनि का विलोम शब्द क्या है? अवनि का विलोम शब्द अंबर है, अंबर। मृदुल का विलोम शब्द क्या है? मृदुल का विलोम शब्द दोस्तों रुक्ष है। क्या है? रुक्ष है मृदुल का विलोम शब्द। नेक्स्ट हे का विलोम शब्द क्या है? हे का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिए क्या है? हे का विलोम शब्द ग्राह्य है, ग्राह है। नेक्स्ट कुलुष, कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कलुष का, तो याद रखिएगा क्या है? निष्कलुष है, निष्कलुष है। ऋणात्मक का विलोम शब्द क्या है? ऋणात्मक का धनात्मक है दोस्तों, ऋणात्मक का विलोम शब्द धनात्मक है। नेक्स्ट है दोस्तों चिरंतन, क्या दोस्तों? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा नश्वर है, नश्वर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? सन्यासी का गृहस्थ है दोस्तों, गृहस्थ। नेक्स्ट स्वकीय का विलोम शब्द क्या है? स्वकीय का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? परकिया। स्वकीय का विलोम शब्द दोस्तों परकिया है, परकिया। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या है? एकाधिकार का दोस्तों सर्वाधिकार है, एकाधिकार का विलोम शब्द सर्वाधिकार है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिए इति श्री है, श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री है। नेक्स्ट आकर्षण का विलोम शब्द क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण होता है दोस्तों, विकर्षण। नेक्स्ट अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? अल्पसंख्यक का दोस्तों बिल्कुल बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक। नहीं उपमान का विलोम शब्द क्या है? उपमान का विलोम शब्द दोस्तों उपमेय है, उपमेय। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? सूक्ष्म का दोस्तों स्थूल है, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? स्थूल होता है। सृष्टि का, सृष्टि का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? सृष्टि का परलय है, परलय। मंद का विलोम शब्द क्या है? तो मंद का विलोम शब्द दोस्तों द्रुत है, याद रखिएगा द्रुत। मंद का विलोम शब्द द्रुत है। थोक का विलोम शब्द क्या है? थोक का दोस्तों विष्णु है। थोक का विलोम शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों? थोक का तो याद रखिएगा विष्णु होता है, विष्णु। नेक्स्ट अधु, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है? अधुनातन का विलोम शब्द पुरातन है दोस्तों, पुरातन। निम्नलिखित में जो जोड़ा विप्रार्थक नहीं है उसे चुने, बिल्कुल विप्रार्थक जो नहीं है उसे चुने। गलत को ढूंढना है दोस्तों, कौन मेल नहीं है। तो याद रखिएगा वो धर्म का धर्म ये दोस्तों मेल नहीं है, विप्रार्थक नहीं है। बाकी सब आय का व्यय, गुरु का लघु, गुरु का लघु दोस्तों याद रखिए, गुरु का लघु सरल का कठिन, अधर्म का धर्म ये नहीं होता है। नेक्स्ट ब्रह्म का विप्रार्थक शब्द क्या है? ब्रह्म का विप्रार्थक शब्द दोस्तों जीव होता है, क्या होता है? जीव। नेक्स्ट अति का विप्रार्थक शब्द क्या है? अति का, अति का दोस्तों अल्प होता है, क्या होता है? अति का विप्रार्थक शब्द दोस्तों क्या होता है? अल्प। नेक्स्ट है बहिरंग का विप्रार्थक शब्द क्या है? बहिरंग का, बहिरंग का अंतरंग है दोस्तों, अंतरंग। नेक्स्ट अनागत, अनागत का विलोम शब्द क्या है? अनागत का दोस्तों आगत है, अनागत का विलोम शब्द आगत है। नेक्स्ट उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द दोस्तों याद रखिएगा, उत्तम का विलोम शब्द क्या है? उत्तम का विलोम शब्द अधम है, अधम। नीरस का विलोम शब्द क्या है? तो नीरस का विलोम शब्द दोस्तों याद रखिएगा सरस है, नीरस का विलोम शब्द सरस है, सरस। महान का विलोम शब्द क्या है? महान का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? क्षुद्र है, क्षुद्र। महान का विलोम शब्द का नाम है दोस्तों क्षुद्र, क्षुद्र। नेक्स्ट धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान का, तो धनवान का दोस्तों अंकिंचन है, अंकिंचन। मुख का, मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का तो बिल्कुल गौण है दोस्तों, गौण। नेक्स्ट उद्वत का विलोम शब्द क्या है? उद्वत का विलोम शब्द दोस्तों सौम्य है, सौम्य। उद्वत का विलोम शब्द सौम्य है दोस्तों। मुख का विप्रार्थक शब्द क्या है? मुख का विप्रार्थक शब्द दोस्तों वाचाल है, वाचाल, वाचाल। सही विलोम शब्द चुनिए, मानव, मानव का विप्रार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? दानव होता है। सही विलोम शब्द चुनिए, क्या है? अरवा, क्या दोस्तों? अरवाचीन, अरवाचीन का क्या होता है? तो अरवाचीन का दोस्तों प्राचीन होता, अरवाचीन का क्या होता है? प्राचीन होता है। नेक्स्ट दोस्तों कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो कृतज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों याद रखिएगा बिल्कुल, क्या है? कृतज्ञ का कृतधन, कृत, कृतघन है दोस्तों। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतघन, याद रखिए कृतघन। नेक्स्ट विपत्ति का विलोम शब्द क्या है? विपत्ति का संपत्ति है। अनुराग का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? अनुराग का विराग है, अनुराग का विराग है। नेक्स्ट उपेक्षा का विलोम क्या है? उपेक्षा का विलोम क्या है दोस्तों? तो याद रखिए उपेक्षा का विलोम अपेक्षा होता है, अपेक्षा।
शाश्वत का विलोम क्या है? शाश्वत का विलोम दोस्तों क्या अनस्वर है? अनस्वर। आचार का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? आचार का विलोम शब्द याद रखिएगा अनाचार है, अनाचार। नेक्स्ट है लाघव, लाघव का विलोम शब्द क्या है? लाघव का, तो लाघव का दोस्तों याद रखिएगा लंबा है, लाघव का लंबा होता है विलोम शब्द। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? अपेक्षा का उपेक्षा होता है दोस्तों, उपेक्षा। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है? स्वाधीन का, तो अधीन होता है, स्वाधीन का दोस्तों अधीन होता है। अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का विलोम शब्द दोस्तों निरक्त है, निरक्त। वो क्या संतोष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? संतोष का, वो संतोष है। नेक्स्ट है दोस्तों त्यक्त, त्यक्त का विलोम शब्द क्या है? त्यक्त का विलोम शब्द दोस्तों त्यक्त का गृहित है, क्या दोस्तों? गृहित है, तक त्यक्त का विलोम शब्द। नेक्स्ट दोस्तों अस्थावर का विलोम शब्द क्या है? अस्थावर का विलोम शब्द दोस्तों जंगम है, क्या है? जंगम है। महात्मा का विलोम शब्द क्या है? महात्मा का विलोम शब्द दोस्तों दुरात्मा है, क्या है? दुरात्मा। अनाहूत का विलोम शब्द क्या है? अनाहूत का, तो आहूत है दोस्तों, अनाहूत का विलोम शब्द आहूत होता है। नेक्स्ट कृतघ्न, कृतघ्न का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? बिल्कुल कृतज्ञ है, कृतघ्न का विलोम शब्द कृतज्ञ है। चेतन का विलोम शब्द क्या होता है? चेतन का जर होता है दोस्तों, जर। उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल अवनति होता है, उन्नति का अवनति। नेक्स्ट रात्रि का विलोम शब्द क्या है? तो रात्रि का विलोम शब्द दोस्तों याद रखिएगा धात्री है, धात्री। और उन्मूलन का, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मूलन का, उन्मूलन का रोपण है दोस्तों, रोपण। पक्ष का विलोम शब्द क्या है? पक्ष का विलोम शब्द दोस्तों विपक्ष है। लौकिक का विलोम शब्द क्या है? लौकिक का विलोम शब्द लौकिक का ओलेकिक होता है दोस्तों, ओलेकिक। और नेक्स्ट अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्ति का दोस्तों क्या विरक्ति है, विरक्ति, विरक्ति होता है अनुरक्ति का। नेक्स्ट प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? तो बिल्कुल याद रखिए परोक्ष है, क्या? परोक्ष। सामान्य का विलोम शब्द क्या है? सामान्य का, तो याद रखिए विशिष्ट है, क्या है? विशिष्ट है। नेक्स्ट अमर का विलोम शब्द क्या है? अमर का दोस्तों क्या है? मर्तय, क्या दोस्तों? मतर्य, मतर्य। अमर का मतर्य है दोस्तों, याद रखिएगा मतर्य। नेक्स्ट है उपकार का विलोम शब्द क्या होता है? उपकार का विलोम शब्द अपकार होता है, अपकार, उपकार का अपकार। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? तिमिर का, तिमिर का आलोक होता है। उक्त का विलोम शब्द क्या होता है? उक्त का, उक्त का अनुरक्त होता है, अनुरक्त होता है दोस्तों, अनुरक्त। नेक्स्ट निर्दय का विलोम शब्द क्या है? निर्दय का विलोम शब्द दोस्तों सदय है, सदय। नेक्स्ट उन्मिलन का विलोम शब्द क्या है? उन्मिलन का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा निमिलन है, उन्मिलन का विलोम शब्द दोस्तों निमिलन है, निमिलन। नेक्स्ट है दोस्तों उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? उत्कर्ष का अपकर्ष है, क्या दोस्तों? उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, याद रखिए अपकर्ष। नेक्स्ट है आविर्वाह, आविर्वाह का अर्थ, आविर्वाह का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिए तिरोभा है, आविर्वाह का, आविर्वाह का विलोम शब्द तिरोभा है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या है? अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में, बताइए अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष। नेक्स्ट है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है? अंतर्मुखी का दोस्तों, तो याद रखिएगा अंतर्मुखी का विलोम शब्द दोस्तों क्या? क्या चतुर्मुखी है, अंतर्मुखी का चतुर्मुखी है, चतुर्मुखी, चतुर्मुख, नहीं सॉरी, क्या दोस्तों? अंतर्मुखी का क्या है? चतुर, चतुर्मुखी है। नेक्स्ट दोस्तों अतिवृष्टि का क्या है? अतिवृष्टि का, अतिवृष्टि का दोस्तों अनावृष्टि है, विलोम शब्द। संयोग का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? संयोग का, संयोग का वियोग होता है। राजा का विलोम शब्द क्या है? राजा का विलोम शब्द रंक होता है, रंक। नेक्स्ट आकाश का विलोम शब्द क्या है? आकाश का विलोम शब्द दोस्तों पाताल है, पाताल। नेक्स्ट सगुण का विलोम शब्द क्या है? सगुण का, सगुण का निर्गुण है दोस्तों, निर्गुण। नेक्स्ट अप, क्या दोस्तों? अप शकुन का क्या होता है दोस्तों? अप शकुन का विलोम शब्द क्या है? तो इधर शकुन है दोस्तों, अप शकुन का शकुन विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम शब्द क्या है? निषिद्ध का दोस्तों विहित है, विहित। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? अनुकूल है, प्रतिकूल का अनुकूल है। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत का, शाश्वत का दोस्तों नश्वर है, शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर है। विशाल का, विशाल का, विशाल का विप्रार्थक शब्द क्या है दोस्तों? विशाल का, तो बिल्कुल क्या है दोस्तों? विप्रार्थक शब्द न्यून है विशाल का। जटिल का विप्रार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? उल्टा। जटिल का विप्रार्थक शब्द क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सरल होता है, सरल। नेक्स्ट अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुरक्त का, तो अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल याद रखिएगा विरक्त होता है, अनुरक्त का, अनुरक्त का विरक्त होता है।
परछन का विलोम शब्द क्या है, परछन का, तो परछन का क्या याद रखिए प्रतिपन है, प्रतिपन। क्या दोस्तों पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है, पाश्चात्य का, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या है, पौरसत्य है दोस्तों, क्या पौरसत्य है, पौरसत्य है पाश्चात्य का विलोम शब्द। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है, अनुग्रह का विग्रह होता है दोस्तों, विग्रह। अश्लील का विलोम शब्द क्या है, अश्लील का, तो सलील है दोस्तों, याद रखें अश्लील का विलोम शब्द सलील होता है, सलील। नेक्स्ट है दोस्तों आवेशित का विलोम शब्द क्या है, आवेशित का विलोम शब्द अनावेशित होता है दोस्तों, अनावेशित। अर्जन का विलोम शब्द क्या है, अर्जन का व्ययन है, व्ययन है दोस्तों, अर्जन का विलोम शब्द। कथित का विलोम शब्द क्या है, तो कथित का विलोम शब्द दोस्तों क्या, वो कथित है, वो कथित। समष्टि का विलोम शब्द क्या है, समष्टि का विलोम शब्द दोस्तों व्यष्टि है, याद रखिएगा व्यष्टि होता है। नेक्स्ट है जंगम का विलोम शब्द क्या है, जंगम का याद रखिएगा अस्थावर है, अस्थावर है दोस्तों। सृष्टि का विलोम शब्द क्या है, सृष्टि का दोस्तों प्रलय होता है, क्या होता है प्रलय, और याद रखिएगा इप्सित, क्या दोस्तों इप्सित का विलोम शब्द क्या है, इप्सित का, इप्सित का दोस्तों बिल्कुल क्या अनिप्सित है दोस्तों, अनिप्सित है। नेक्स्ट सहचर्य, सहचर्य का विलोम शब्द क्या है, सहचर्य का विलोम शब्द दोस्तों बिल्कुल व्यमनस्य, व्यमनस्य। सहचर्य का विलोम शब्द क्या है, व्यमनस्य है दोस्तों, व्यमनस्य। नेक्स्ट है दोस्तों विराट का विलोम शब्द क्या है, विराट का विलोम शब्द दोस्तों क्षुद्र है। अस्पृश्य, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या है, तो अस्पृश्य का ओ अस्पृश्य है दोस्तों, ओ अस्पृश्य, याद रखिएगा ओ अस्पृश्य। अग का विलोम शब्द क्या है, अग का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, यह विज्ञ होता है, अग का विज्ञ होता है। गौरव का विलोम शब्द क्या है, गौरव का विलोम शब्द दोस्तों बिल्कुल लाघव होता है, क्या होता है लाघव होता है दोस्तों, लाघव। नेक्स्ट है बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, बहिरंग का विलोम शब्द दोस्तों चतुरंग है, याद रखिएगा चतुरंग है, चतुरंग। बहिरंग का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, सॉरी बहिरंग का अंतरंग है ना, अंतरंग होता है दोस्तों, बहिरंग का विलोम शब्द क्या है, अंतरंग होता है, अंतरंग। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, ग्रस्त का दोस्तों बिल्कुल मुक्त होता है, मुक्त। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या है, तो मुक्त है, मुक्त। मुख का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, मुख का विलोम शब्द याद रखिएगा क्या कटुभाषी होता है दोस्तों, मुख का विलोम शब्द कटुभाषी होता है। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या है, उत्कृष्ट का निकष्ट होता है दोस्तों, निकष्ट। नेक्स्ट है गरल का विलोम शब्द क्या है, गरल का सुधा होता है दोस्तों, सुधा। नेक्स्ट है चिरंतन, क्या दोस्तों चिरंतन का विलोम शब्द क्या है, चिरंतन का, तो याद रखिए नश्वर है, चिरंतन का क्या है नश्वर है, नश्वर। परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, परोक्ष का, तो याद रखिए प्रत्यक्ष है, क्या है दोस्तों प्रत्यक्ष है। यौवन का विलोम शब्द क्या है, यौवन का दोस्तों जरा होता है, विलोम शब्द जरा, क्या होता है दोस्तों जरा। नेक्स्ट है ऋजुता का विलोम शब्द क्या है, ऋजुता का विलोम शब्द क्या है दोस्तों वक्रता, ऋजुता का विलोम शब्द वक्रता होता है। यथार्थ का विलोम शब्द क्या है, यथार्थ का कल्पना होता है दोस्तों, कल्पना। और प्रतिवादी का विलोम शब्द क्या है, प्रतिवादी का विलोम शब्द दोस्तों वादी होता है, याद रखिएगा वादी, प्रतिवादी का वादी। नेक्स्ट है दोस्तों कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है, कृतज्ञ का, तो याद रखिए कृतघ्न है दोस्तों, याद रखिए कृतघ्न, कृतज्ञ का विलोम शब्द कृतघ्न है। नेक्स्ट संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है, संकीर्ण का दोस्तों विकीर्ण है, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या है विकीर्ण है। कृष का विलोम शब्द क्या है, कृष का दोस्तों याद रखिएगा क्या दोस्तों, हनष्ट पुष्ट है, हनष्ट पुष्ट या हष्ट पुष्ट है दोस्तों, कृष का हष्ट पुष्ट होता है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, अल्पज्ञ का, तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। सदैव का विलोम शब्द क्या है, सदैव का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा सदैव का विलोम शब्द विरध होता है, विरध। और सहोदर का विलोम शब्द क्या है, सहोदर का दोस्तों क्या परोधर है, याद रखिए परोधर है। नेक्स्ट दोस्तों अवनी का विलोम शब्द क्या है, तो अवनी का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रखिए अवनी का विलोम शब्द अंबर है, अंबर। कोटली का विलोम शब्द क्या है, कोटली का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल क्या आर्जव है, आर्जव। कोटली का विलोम शब्द आर्जव है। निर्बल का विलोम शब्द क्या है, निर्बल का सबल है दोस्तों, सबल, निर्बल का सबल। नेक्स्ट है शोषक का विलोम शब्द क्या है, शोषक का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, शोषक का पोषक होता है, पोषक।
नेक्स्ट है दोस्तों उद्धत। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? उद्धत का विलोम शब्द याद रखिए विनित होता है। उद्धत का विलोम शब्द, विलोम शब्द। हर्ष का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? हर्ष का विषाद होता है दोस्तों, विषाद। हर्ष का विलोम शब्द विषाद होता है। नेक्स्ट अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या है? अनभिज्ञ का विलोम शब्द दोस्तों बिल्कुल क्या? अभिज्ञ, अभिज्ञ। नेक्स्ट दोस्तों कर्कश का विलोम शब्द क्या है? कर्कश का विलोम शब्द विवेकी है, विवेकी, याद रखिए विवेकी। नेक्स्ट है सुपुष्टि। सुपुष्टि का विलोम शब्द क्या है? सुपुष्टि का तो जागृत है दोस्तों, जागृत। सुपुष्टि का जागृत होता है विलोम शब्द, याद रखिए दोस्तों, जागृति होता है दोस्तों, सॉरी जागृति होता है, भूलिएगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, हो सके कोई कोई दोस्तों बोरिंग होते होंगे, बिल्कुल बोर नहीं होना है दोस्तों। जॉब ऐसे नहीं होती है दोस्तों, बिल्कुल बोर हो जाइएगा तो फिर पढ़िएगा कैसे दोस्तों? बिल्कुल बोर नहीं होना है, पेशेंस के साथ दोस्तों पूरी क्लास करनी है। बिल्कुल दोस्तों कम से कम पूरी कर लीजिएगा, ये तो होगा दोस्तों कि बिल्कुल हिंदी से अगर कुछ रहेगा क्वेश्चन तो रहता ही है दोस्तों, रहेगा तो बिल्कुल कुछ ना कुछ हम कर पाएंगे, बिल्कुल ये तो कन्फर्म हो जाइएगा दोस्तों। और एक या दो बार आप अगर रिवाइज कर लेते हैं तो कन्फर्म हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल पास तो कर ही चाहिएगा दोस्तों, ये डिफरेंट हम कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है परिसीमन। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? परिसीमन का और निरसीमन होता है दोस्तों, निरसीमन। पृथक का विलोम शब्द क्या होता है? पृथक का संयुक्त होता है दोस्तों, संयुक्त। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु का वक्र होता है दोस्तों, वक्र। उपयोग का विलोम शब्द क्या है? उपयोग का विलोम शब्द दोस्तों याद रखिएगा अनुपयोग है, अनुपयोग, अनुपयोग, उपयोग का अनुपयोग। निबिध, निबिध का विलोम शब्द क्या है? निबिध का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? बिल्कुल विहित है, विहित, विहित। निबिध का विहित होता है दोस्तों, विहित। नेक्स्ट 142 नंबर देखिए दोस्तों, शीत का विलोम शब्द क्या है? शीत का दोस्तों, शीत का बिल्कुल क्या होता है? उष्ण होता है दोस्तों, उष्ण। शीत का उष्ण होता है विलोम शब्द। नेक्स्ट है दोस्तों, शुष्क का विलोम शब्द क्या है? शुष्क का विलोम शब्द दोस्तों बिल्कुल याद रखिए आर्द्र होता है। परोच का विलोम शब्द क्या है? तो परोच का विलोम शब्द दोस्तों प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है क्या दोस्तों? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पाश्चात्य का विलोम शब्द दोस्तों क्या है? पोवार्ती है दोस्तों, पोवार्ती है। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पोवार्ती है दोस्तों, पोवार्ती है। नेक्स्ट है विपरीत अर्थ। विपरीत अर्थ बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विपरीत अर्थ बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? विलोम शब्द कहते, जो हम लोग अभी से पढ़ रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? प्रभावी का विलोम नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है? वो गलत को ढूंढनी है दोस्तों, तो यार वो प्रयुक्त नहीं है, बाकी सब है। वो प्रभावी है, निष्प्रभावी है, प्रभाव शून्य है दोस्तों, ये सभी है। नेक्स्ट है दोस्तों 148 में, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध क्या दोस्तों? शुद्ध से युग्म क्या है? शुद्ध से युग्म क्या है दोस्तों? बिल्कुल कि अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ। याद कि अल्पज्ञ को बहुयज्ञ कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल विप्रार्थक शब्द है, विलोम शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट है विलोम अर्थ दृष्टि से युग्म अशुद्ध क्या है? विलोम अर्थ दृष्टि से युग्म अशुद्ध कौन सा है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार? तो ये देखिए मौलिक अनुदति ये अशुद्ध है, गलत है, बाकी सब सही है। सचल का चल होता है, निरपेक्ष का सापेक्ष होता है, बंधन का मोक्ष होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिल्कुल विप्रार्थक शब्द का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म क्या है दोस्तों? विलोम शब्द का एक गलत क्या है दोस्तों? या देखिए उद्यम, निरुगम, ये गलत है, बाकी सब सही है। दक्षिण का वाम होता है दोस्तों, दक्षिण का क्या होता है? वाम होता है। विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है दोस्तों। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म क्या है? उद्धम का निरुद्धम, ये गलत है, बाकी सब सही है। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 150 क्वेश्चन में दोस्तों कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। हम आंसर एक जगह दे देते हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों को चेक करने में सुविधा होगी। चैप्टर नंबर 8 में दिया गया पर्यायवाची शब्द, पहला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? नीरद होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द नीरद होता है। महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महादेव का पर्यायवाची शब्द चंद्रशेखर होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों? चंद्रमा का निशाकार होता है, निशाकर, निशाकर। अंबर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आकाश होता है दोस्तों, अंबर का पर्यायवाची शब्द आकाश होता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखिएगा सूर्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों मार्तंड है, मार्तंड, मार्तंड। अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, यानी समान अर्थ क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा वाजी।
अश्व का वाजी होता है। केसरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? केसरी का दोस्तों क्या है? मृगेंद्र, याद रखें मृगेंद्र। केसरी का पर्यायवाची शब्द मृगेंद्र है। नेक्स्ट दोस्तों, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरणी का सूर्य होता है, तरणी का सूर्य होता है। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? मीन का दोस्तों मत्स्य होता है, मत्स्य। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का औदित्य होता है दोस्तों, औदित्य, याद रखिए औदित्य। नेक्स्ट कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों यमुना होता है, यमुना। यमुना का पर्यायवाची शब्द क्या है? यमुना का, तो याद रखिए यमुना का पर्यायवाची शब्द कालिंदी होता है, वही हुआ दोस्तों कालिंदी। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्राची का पूर्व होता है, प्राची का पूर्व होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट तरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरंग का पर्यायवाची शब्द दोस्तों उर्मी है, उर्मी। क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? क्रोध का पर्यायवाची शब्द अमर्ष होता है दोस्तों, अमर्ष। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का भूमि होता है दोस्तों, भूमि। नेक्स्ट जंगल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जंगल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कानन होता है, कानन। नेक्स्ट पवित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? पवित्र का पावन होता है, पावन। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अग्नि का पावक होता है, पावक। नेक्स्ट मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों मछली है, मछली। मीनाक्षी का मछली होता है दोस्तों, मछली, याद रखिएगा। नेक्स्ट रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वीटअप होता है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है दोस्तों क्या? समान अर्थ, उसी के जैसा समान अर्थ देने वाला दूसरा शब्द। नेक्स्ट हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द क्या है? हिरण्यगर्भ का दोस्तों बिल्कुल बढ़वा, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द बढ़वा होता है। नेक्स्ट केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है? केतु का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बिल्कुल ध्वज होता है, ध्वज। नेक्स्ट अमीय का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अमीय का बिल्कुल सुधा होता है। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? शत्रु का अड़ी होता है दोस्तों, अड़ी। खर का पर्यायवाची शब्द क्या है? खर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों गधा होता है, क्या होता है? गधा। नेक्स्ट अनंत का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनंत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या? निस्सीम, क्या दोस्तों? निस्सीम होता है, निस्सीम। अनंत का निस्सीम होता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? पृथ्वी का दोस्तों रत्न गर्भा होता है, रत्न गर्भा, रत्न गर्भा। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अनिल का पर्यायवाची शब्द याद रखें पवन होता है, अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन। नेक्स्ट रतन्य का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? रतनिका या पय होता है, रतन का पर्यायवाची शब्द पय होता है। अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कमल होता है, कमल, क्या होता है? कमल। नेक्स्ट मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द शार्दूल है दोस्तों, शार्दूल, क्या होता है? शार्दूल। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? दर्प का पर्यायवाची शब्द अहंकार होता है, क्या होता है? अहंकार। सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सेना का अनिक होता है, सेना का पर्यायवाची शब्द अनिक होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रसून का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बिल्कुल पुष्प होता है, पुष्प। नेक्स्ट विभावरी, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? विभावरी का दोस्तों तो याद रखिएगा छंद, छंदा होता है। विभावरी का पर्यायवाची शब्द छंदा होता है, छंदा। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिनकर का प्रभाकर होता है दोस्तों, दिनकर का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर होता है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंख का पर्यायवाची शब्द दोस्तों दृष्टि होता है, दृष्टि। और हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हवा का सलील होता है दोस्तों, सलील। और शिव का पर्यायवाची शब्द क्या है? शिव का दोस्तों पिनाकी होता है, शिव का पर्यायवाची शब्द पिनाकी होता है दोस्तों, याद रखिएगा। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? शेर का दोस्तों केसरी होता है, क्या होता है? केसरी। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? केसरी होता है, बिल्कुल 42 का बी नंबर केसरी। और धाता, याद रखिए धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? धाता का विष्णु होता है, विष्णु। तनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनु का दोस्तों शरीर होता है, तनु का पर्यायवाची शब्द शरीर होता है दोस्तों। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या है? पावक का पर्यायवाची शब्द हुतासन होता है दोस्तों, हुतासन। पावक का पर्यायवाची शब्द हुतासन होता है दोस्तों, हुतासन। किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? किरण का पर्यायवाची शब्द दोस्तों प्रभा होता है, प्रभा। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? धरती का दोस्तों अचला होता है, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या है? अचला, अचला। नेक्स्ट विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? विनायक का गणेश होता है, गणेश। विनायक का पर्यायवाची शब्द गणेश होता है। नेक्स्ट अतुन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? अतुन का पर्यायवाची शब्द कामदेव होता है, कामदेव। अतुन का पर्यायवाची शब्द कामदेव। नेक्स्ट कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कानन का दोस्तों वन होता है, कानन का पर्यायवाची शब्द वन होता है। वारिद का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वारिद का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा
बादल होता है दोस्तों, बादल। और भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? भुजंग का सर्प होता है दोस्तों, याद रखें। भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भुजंग का सर्प होता है दोस्तों, सर्प। दामिनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? दामिनी का दोस्तों विद्युत होता है, दामिनी का पर्यायवाची शब्द विद्युत होता है दोस्तों, विद्युत। नेक्स्ट, सारंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? सारंग का दोस्तों मोर होता है, सारंग का पर्यायवाची शब्द मोर होता है। नेक्स्ट, पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? पिसुन का दोस्तों चुगलखोर होता है, पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है? याद रखिएगा, चुगलखोर होता है। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? केतु का दोस्तों झंडा होता है, झंडा। नेक्स्ट, मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? मरकट का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बंदर होता है, बंदर। नेक्स्ट, सांभवी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सांभवी का दुर्गा होता है दोस्तों, दुर्गा। नेक्स्ट, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुसुमेशु का कामदेव होता है दोस्तों, कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द कामदेव होता है। नेक्स्ट, लता का पर्यायवाची शब्द क्या है? लता का दोस्तों बेली होता है, बेली। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, देखिए तीर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, तार नहीं है तीर का, बाकी सब है, सर है, वान है, नाराच है दोस्तों। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो याद रखिए, तार ये नहीं होता है दोस्तों तीर का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब सही है, वान होता है, नाराच होता है, सर होता है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है तो याद रखिए, शैवाल नहीं है, बाकी सब है, पर्वत है और भूधर है, नग है। क्या पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत होता है, भूधर होता है और दोस्तों नग होता है, लेकिन शैवाल नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट, दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दिन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है तो याद रखिए, ये दिन नहीं होता है दोस्तों, दिन का पर्यायवाची शब्द, दिन का दिवस होता है, वार होता है और बासर होता है दोस्तों। दिन का पर्यायवाची शब्द दिवस होता है, वार होता है, बासर होता है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निर्झर नहीं है, अनुचर का पर्यायवाची शब्द निर्झर नहीं है, भृत्य है, चाकर है, सेवक है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द भृत्य होता है, चाकर होता है, सेवक होता है। नेक्स्ट, बिना पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो याद रखें, सरस्वती होता है दोस्तों, बिना पानी का पर्यायवाची शब्द, बिना पानी का पर्यायवाची शब्द सरस्वती होता है। कंचन का पर्यायवाची शब्द क्या है? कंचन का दोस्तों कनक होता है, क्या होता है? कनक। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या है? केदार का महेश होता है दोस्तों, महेश। केदार का पर्यायवाची शब्द महेश होता है। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का दोस्तों निकेतन होता है, घर का पर्यायवाची शब्द निकेतन होता है, निकेतन। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या है? भवन का दोस्तों घर होता है, घर। इंद्र की पर्यायवाची शब्द क्या है? इंद्र का दोस्तों याद रखिएगा, इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है ये मधुआ होता है दोस्तों, मधुआ, मधुआ। भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या है? भागीरथी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों बिल्कुल गंगा होता है, याद रखिए, भागीरथी का पर्यायवाची शब्द गंगा होता है दोस्तों, गंगा। नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कमला होता है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कमला होता है दोस्तों, कमला। नेक्स्ट, रक्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? रक्त का दोस्तों क्या है? कासरी होता है, कासरी। रक्त का पर्यायवाची शब्द कासरी होता है दोस्तों। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? आकाश का दोस्तों व्योम होता है, व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द व्योम होता है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा, तनुजा ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुमन है, कुसुम है, पुष्प है। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनुजा नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, और ये सुमन है, कुसुम है, पुष्प है। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा बिल्कुल, सुधाकर ये भिन्न अर्थ वाला है, भास्कर, दिवाकर, रवि। भास्कर, दिवाकर, रवि, ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, भास्कर, दिवाकर, रवि, लेकिन सुधाकर नहीं होता है दोस्तों। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है? तो याद रखिएगा, सवेरा ये भिन्न अर्थ वाला होता है दोस्तों, सवेरा, ये दूसरा सवेरा है। उषा, प्रभात, दिन, ये एक जैसा है दोस्तों, उषा, प्रभात, दिन, लेकिन सवेरा अलग होता है दोस्तों। उषा, प्रभात और दिन, ये पर्यायवाची शब्द है। अंडमान का देखिए दोस्तों क्या है, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? ढोंग है, या आडंबर का समानार्थी शब्द ढोंग होता है। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? कपाल का समानार्थी शब्द दोस्तों माथा होता है, माथा। छंद का समानार्थी शब्द क्या है? छंद का तो याद पद होता है, छंद का समानार्थी शब्द पद होता है दोस्तों, पद। नागर पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिए, नागर पर्यायवाची शब्द बिल्कुल क्या है,
नागर पर्यायवाची शब्द चतुर होता है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द को चुनना है दोस्तों। देखिए भार्या ये अलग है दोस्तों, ये पत्नी का है, और बाकी सब सही है। कन्या, नंदिनी और आत्मजा ये दोस्तों समानार्थी शब्द है। क्या दोस्तों, या देखिए आत्मजा, नंदिनी, कन्या, कन्या का ये समानार्थी शब्द है, लेकिन भार्या पत्नी होता है, ये अलग है दोस्तों। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है 83 का, तो ये दोस्तों तो क्या तुरंग है, ये भिन्न, तुरंग भिन्न है दोस्तों, बाकी सब सही है। मृगेंद्र, बाघ्र, बाघ्र और मृगराज, मृगेंद्र, वाग्र, मृगराज ये समानार्थी शब्द है दोस्तों। मृगेंद्र का ये सब समानार्थी शब्द है, मृगेंद्र, बाघ्र और मृगराज, लेकिन तुरंग अलग है दोस्तों। नेक्स्ट अंधकार का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द दोस्तों याद रखिएगा तिमिर होता है। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर होता है, तिमिर। निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, निधन का, याद रखिए निधन का क्या है, देहावसान होता है, देहावसान होता है दोस्तों। निधन का पर्यायवाची शब्द देहावसान होता है, सान। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण, किरण पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, किरण का, तो याद रखिए प्रकाश ये किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। किरण का अंशु होता है, रेशमी होता है और मयूख ये सभी होता है दोस्तों किरण का पर्यायवाची शब्द, लेकिन दोस्तों क्या प्रकाश ये नहीं होता है दोस्तों किरण का पर्यायवाची शब्द, नहीं पूछ रहा था इसीलिए बी नंबर होगा इसका राइट आंसर। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, क्या नियति का समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों, भाग होता है, नियति का समानार्थी शब्द भाग होता है। नेक्स्ट है क्या दोस्तों, क्या अलंकेश्वर, क्या अल, याद रखिए अल केस, अनलेख, या दोस्तों अलकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है, याद रखिए अलकेश का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, बिल्कुल कुबेर का होता है अलकेश का पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है, बाल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, क्या वारिधि नहीं है दोस्तों, बाकी सब बाल का पर्यायवाची शब्द है, जलद है, नीरद है, मेघ है। कौन सा शब्द बाल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, वारिधि नहीं है, नहीं पूछ रहा था इसलिए सी नंबर होगा इसका राइट आंसर, बाकी सब है दोस्तों, जलद है, नीरद है, मेघ है। नेक्स्ट असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, असुर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है, यक्ष नहीं है, बाकी सब है दोस्तों, दनुज है, दानव है और याद देखिए दैत्य है। क्या असुर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों दनुज है, दानव है, दैत्य है, लेकिन यक्ष नहीं है। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आम का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा आम का पर्यायवाची शब्द पीक नहीं होता है, बाकी सब होता है, अमृत फल होता है, आम्र होता है, रसाल होता है। आम का पर्यायवाची शब्द अमृत फल होता है, आम्र होता है, रसाल होता है, या नहीं पूछा जा रहा था दोस्तों इसीलिए डी नंबर होगा पिक, पिक नहीं होता है। नेक्स्ट हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों नहीं है, तो यह विनायक हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है दोस्तों, बाकी सब याद रखिए हनुमान का पर्यायवाची शब्द है, पवन सुत है, अंजनी पुत्र है, मारुति है। हनुमान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों पवन सुत, अंजनी पुत्र और मारुति होता है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन है दोस्तों, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा करवाल। क्या दोस्तों, करवाल या चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। आशय का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, आशय का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल तात्पर्य है, तात्पर्य, आशय का पर्यायवाची शब्द तात्पर्य होता है। सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, तो सुंदर का बिल्कुल चारु होता है, चारु, क्या होता है, चारु। और गेह का पर्यायवाची शब्द क्या है, गेह का दोस्तों गृह होता है, गृह। और शशांक का पर्यायवाची शब्द क्या है, शशांक का चंद्रमा होता है दोस्तों, शशांक का पर्यायवाची शब्द चंद्रमा होता है, चंद्रमा। नेक्स्ट पेशवा का पर्यायवाची शब्द क्या है, पेशवा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों सुकुमार होता है, पर्यायवाची पेशवा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों सुकुमार, समानार्थ सुकुमार होता है। नेक्स्ट सौदामणि का पर्यायवाची शब्द क्या है, सौदामणि का विद्युत होता है, सौदामणि का पर्यायवाची शब्द विद्युत होता है। यातुधान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या, निशिचर होता है, यातुधान का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निशिचर होता है, निशिचर। गिवरा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, गिवरा का पर्यायवाची शब्द दोस्तों याद रखिएगा गर्दन होता है। सुगंध का पर्यायवाची शब्द क्या है, सुगंध का सौरभ होता है दोस्तों, सौरभ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो याद रखिएगा क्या है दोस्तों, सभी है, पारिजात होता है दोस्तों, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष होता है, पारिजात होता है, कल्पतरु होता है, देव वृक्ष होता है दोस्तों, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची शब्द।
निमिष का पर्यायवाची शब्द क्या है? निमिष का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्षण होता है, क्षण। और घुसर, घुसर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घुसर का दोस्तों गर्धव होता है, या गर्धव ये घुसर का पर्यायवाची शब्द है। विषिक के पर्यायवाची शब्द क्या है? विषिक की पर्यायवाची शब्द दोस्तों बाण होता है, विषिक की पर्यायवाची शब्द बाण होता है। नेक्स्ट धनंजय, क्या दोस्तों धनंजय का पर्यायवाची शब्द क्या है? धनंजय का याद रखिएगा गुडा केस होता है, धनंजय का पर्यायवाची शब्द दोस्तों गुडा केस होता है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का याद रखिए करवाल होता है, करवाल। शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? शरीर का वसु होता है पर्यायवाची शब्द। मित्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मित्र का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अली होता है, क्या होता है? अली, याद रखिएगा अली। अपयस का पर्यायवाची शब्द क्या है? अपयस का क्या अकृति होता है दोस्तों? अकृति, अकृति। नेक्स्ट दोस्तों निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची नहीं है, निम्नलिखित में से रात्रि का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, देखिए कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समीर, ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी होता है। रजनी होता है, विभावरी होता है, निशी ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, और नहीं पूछा जा रहा था इसीलिए इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, समीर नहीं होता है दोस्तों रात्रि का पर्यायवाची शब्द। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिल्कुल, क्या शार्दुल या घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है, बाजी है, तुरंग है, हय है। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? शार्दुल नहीं है, बाजी है, तुरंग है, है। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा भूसुर, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है, राक्षस है, दानव है, निशाचर है दोस्तों, दैत्य का पर्यायवाची शब्द। रुख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रुख का विपट, विटप, विटप, याद रखिएगा। रुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों? विटप है, विटप ये रुख का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। ब्रह्मा का कमलासन है, चतुरासन है, चतुर्मुख है, कमलासन है, चतुरासन है, चतुर्मुख है दोस्तों ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द, नहीं पूछा जा रहा था इसीलिए इसका डी नंबर होगा। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये सलभ भ्रमर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सलभ, बाकी सब है। भ्रमर का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या है? चंचलीक है, मिलिंद है, और सिलीमुख है, सिलीमुख है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, गणाधीय नहीं है, गणाधीय। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? गणाधीय नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था, बाकी सब है दोस्तों। पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, शक्र है, मधुआ है दोस्तों। नेक्स्ट हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, हिरण्य गर्भ का पर्यायवाची है कौन सा है? ब्रह्मा, ब्रह्मा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो या दास का, तो याद रखिए परिकर नहीं है, बाकी सब है दास का, अनुचर है, भृत्य है, सेवक है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परिकर नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा था इसीलिए बी नंबर होगा, बाकी सब है दोस्तों दास का पर्यायवाची शब्द, अनुचर है, भृत्य है, सेवक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निश्चित का पर्यायवाची नहीं है? निश्चित का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा निश्चित का तम दोस्तों नहीं है, तम नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था इसीलिए सी नंबर होगा, बाकी सब है। निशित का रात्रि है दोस्तों, रजनी है, निशा है दोस्तों, ये रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बिजली का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिएगा वितुंडा नहीं है दोस्तों, बिजली का पर्यायवाची शब्द वितुंडा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा था इसीलिए इसका ए नंबर होगा, बाकी सब है। क्या दोस्तों बिजली का दामिनी है, तड़ित है, चंचला है दोस्तों। जीव का पर्यायवाची शब्द क्या है? जीव का दोस्तों या रसना है, रसना। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? नहीं है दोस्तों अही का पर्यायवाची शब्द, तो याद रखिएगा बिल्कुल सरीसृप नहीं है दोस्तों अही का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, उरग है, पवनाश है, और सिंदूर है दोस्तों। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची नहीं है? सरीसृप नहीं है, बाकी सब है, उरंग है, पवनाश है, और सिंदूर है दोस्तों। नेक्स्ट नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है, नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक नहीं है दोस्तों नैसर्गिक का पर्यायवाची। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटी दोस्तों, हाथ का पर्यायवाची नहीं है, कटी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बिल्कुल विभाकर नहीं है सूर्य का पर्यायवाची, बाकी सब है, प्रभाकर है, दिनकर है, दिनेश है दोस्तों। इसमें भी याद रखिए हाथ
अर्थात का पर्यायवाची शब्द कटी नहीं है, बाकी सब है, हस्त है, पानी है, कर है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा पद्मा, बाकी सब है, वीणा पानी है दोस्तों, महाश्वेता है, धारती है दोस्तों, क्या भारती है, भारती। जनार्दन किसका पर्यायवाची है दोस्तों, जनार्दन बिल्कुल विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों, जनार्दन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा गया है, तो याद रखिएगा बिल्कुल जलद नहीं है, बाकी सब है, पयोधि है, जलधि है या जल्दी है और वारिधि है, पयोधि है, जल्दी है, वारिधि है, लेकिन जलद नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है, शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा बिल्कुल रुद्र यह शिव का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, विष्णु का पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, सार नहीं है, बाकी सब है, याद रखिए दैत्यारी है, गरुड़ ध्वज है और याद रखिए पुंडरीकाक्ष है, क्या दैत्यारी है, गरुड़ ध्वज है, पुंडरीकाक्ष ये विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा था इसलिए डी नंबर होगा। इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, बिल्कुल दुकुल नहीं है, इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दुकुल नहीं है, बाकी सब है, वीची है, तरंग है और हिलोर है, वीची है, तरंग है और हिलोर है। नेक्स्ट बगीचा का पर्यायवाची शब्द है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों बिल्कुल आशय, बगीचा का पर्यायवाची शब्द आशय होता है। नेक्स्ट विडोजा का पर्यायवाची शब्द क्या है, विडोजा का दोस्तों इंद्र होता है, इंद्र। मार का पर्यायवाची शब्द क्या है, मार का याद रखिए अनंग होता है, मार का पर्यायवाची शब्द दोस्तों अनंग होता है, अनंग। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा तमिस्त्रा है, तमिस्त्रा ये रसा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सट, क्या दोस्तों सट पद का पर्यायवाची शब्द क्या है, सट पद का ये भ्रमर है दोस्तों, भ्रमर ये सट पद का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन है दोस्तों मछली का पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल जलोदरी, क्या दोस्तों जलोदरी ये मछली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, जलोदरी याद रखिएगा दोस्तों, जलोदरी। नेक्स्ट है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिएगा हुतासन, ये मछली का पर्यायवाची शब्द है। पुत्र को यह नहीं कहते, पुत्र को यह नहीं कहते, क्या नहीं कहते दोस्तों, कहने में पुत्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अर्पणा नहीं है, बाकी सब है, क्या आत्मज है, दनुज है, तनय है, आत्मज है, दनुज है, तनय है। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों रात्रि के लिए, तो ये सागर नहीं है, बाकी सब है, यामिनी है, सरवरी है, रजनी है। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, नदी के लिए तो बिल्कुल याद रखिए पन्नग नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा जा रहा था इसलिए सी नंबर होगा, बाकी सब है, सिंधु गामिनी है, शैलेजा है, तटनी है दोस्तों। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, पन्नग नहीं है, बाकी सब है, सिंधु गामिनी है, शैलेजा है, तटनी है। तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, तालाब के लिए दोस्तों सरसी, ये तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट सोना के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना के लिए कौन सा दोस्तों पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, तो ये दोस्तों उरोज नहीं है सोना के लिए पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, हाटक है, हेम है, जात रूप है, हाटक है, हेम है, जात रूप, ये सोना का पर्यायवाची शब्द है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, मछली के लिए पर्यायवाची शब्द दोस्तों अंबर नहीं है, याद रखिएगा नहीं है अंबर, बाकी सब है, मीन है, मौद्रगी का नाम मीन है दोस्तों, अंडभव है, मत्स्य है। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अंडमर अंबर नहीं है, बाकी सब है, मीन है, अंडभव है, मत्स्य है। इससे पहले जो क्वेश्चन था दोस्तों वो देखिए, यह अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे बिल्कुल अच्छा आगे, बहुत आगे है दोस्तों, बिल्कुल वहाँ जो है बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा मीन भी मछली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। नेक्स्ट कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, कपड़ा के लिए अंबर दोस्तों पर्यायवाची शब्द है। मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं कौन सा है दोस्तों, तो ये कनक नहीं है, बाकी सब है, ध्वजी है, सिखी है, नीलकंठ है दोस्तों। अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द क्या, अतिथि के लिए याद रखिए अभ्यागत है, अतिथि के लिए पर्यायवाची शब्द दोस्तों अभ्यागत है। निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है दोस्तों पेड़ का, तो बिल्कुल अबुंद, क्या दोस्तों अबुंद नहीं है, बाकी सब है, दुम्र है, क्या दोस्तों द्रुम है, और दरख्त है, रुख है। निम्नलिखित में पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो अम्बुद नहीं है, बाकी सब है दोस्तों, क्या दरख्त है और रुख है और दोस्तों द्रुम है। नेक्स्ट दोस्तों,
मेक का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो मेक का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंबर नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, पयोध है, वारिद है, अम्बुद है दोस्तों। और बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, वो देखिए, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बिल्कुल दोस्तों चित्रक नहीं है बहिन का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, भगिनी है, बांधवी है, और याद रखिए सह गर्भिणी है, भगिनी है, बांधवी है और सह गर्भिणी है, लेकिन चित्रक नहीं है दोस्तों। शिक्षक का पर्यायवाची शब्द क्या है, शिक्षक का दोस्तों आचार्य होता है पर्यायवाची शब्द। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का इनमें से कौन दोस्तों पर्यायवाची नहीं है, जल का, तो याद रखिए पय दोस्तों पर्यायवाची नहीं है जल का, नहीं है, बाकी सब है, अंब है और आब है, भव है, अंब है, आब है, भव, ये पर्यायवाची शब्द है दोस्तों जल का, लेकिन पय नहीं है। पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है, पक्षी संबंधी पर्यायवाची कौन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या, प्राणेश नहीं है, प्राणेश नहीं है, पक्षी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है, प्राणेश नहीं है, बाकी सब है, द्विज है, संकुल है, और याद रखिएगा दोस्तों पंखेरु है। राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का पर्यायवाची नहीं है राघव दोस्तों, नहीं है, बाकी सब है, भूप है, राव है, नृप है, राजा का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों नहीं कौन है दोस्तों राजा का पर्यायवाची, तो राघव नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, भूप है, राव है, नृप है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है, हाथी का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है कौन, तो याद रखिएगा हाथी का पर्यायवाची दोस्तों चमड़ी नहीं है, बाकी सब है, दंती है और वितुंड है, कुंभी है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का याद रखिए पर्याय नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है दोस्तों, यानी क्या याद रखिएगा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा तटिनी, नहीं है, बाकी सब है, निम्ना है, तृप्त क्या दोस्तों तृप्तगा है, और क्या दोस्तों तरंगिनी है, क्या याद रखिए तृप्तगा है और निम्ना है, तरंगिनी है, लेकिन दोस्तों तटनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो जलद ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब है, राजीव का है, और याद रखिए कुवलय का है, अंबुज का है, ये क्या निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो जलद नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, राजीव है, कुवलय है और अंबुज है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, तो द्रौपदी ये कृष्णा का नहीं है, बाकी सब है, राधा है, रुक्मणी है, यशोदा है। इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची नहीं है, द्रौपदी नहीं है, बाकी सब है, राधा है, रुक्मणी है, यशोदा है। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए, बैल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन नहीं है, तो याद रखिएगा अश्म ये बैल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है, वृषभ है, वलिवर्ध है, गो है, वृषभ है, वलिवर्ध है और गो है दोस्तों। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो रमणी दोस्तों सौंदर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब है, सुषमा है, सुंदरता है, शोभा है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए, नदी का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन नहीं है, तो याद रखिएगा तरिणी नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, तरंगिणी है, तटनी है, सरिता है दोस्तों नदी का पर्यायवाची शब्द। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है, पार्थ का पर्यायवाची है दोस्तों अर्जुन है पार्थ का। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह पुष्कर नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, मरीचि है, रश्मि है, दीप्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुष्कर नहीं है, मरीचि है, रश्मि है, दीप्ति है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, हवा के लिए तो अनिल है दोस्तों, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द अनिल है। नेक्स्ट, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, पादप। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, पादप। कांच शब्द का पर्यायवाची क्या, कांच शब्द का शीशा है दोस्तों, शीशा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा क्या, वारिधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, वारिधि नहीं है, बाकी सब है, मेष है, नीरद है और जलद है दोस्तों। नेक्स्ट, तर्कस का पर्यायवाची नहीं है, तर्कस का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों तर्कस का निसंग नहीं है, तर्कस का पर्यायवाची शब्द दोस्तों निसंग नहीं है, बाकी सब है, वीर है, धनुष है और प्रतिंचा है दोस्तों। तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, निसंग नहीं है, बाकी सब है, वीर है, धनुष है, प्रतिंचा है। बसंत के
बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन है, कौन गलत है दोस्तों, बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल, ये कांतार, कांतार नहीं है बसंत का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, ऋतुपति है दोस्तों, और मधुमास है, और कुसुमाकार है। बसंत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन नहीं है, तो कांतार, कांतार नहीं है, बाकी सब है, ऋतुपति है, मधुमास है, और कुसुमाकार है दोस्तों। सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें गलत कौन है, सरस्वती के इनमें से कौन दोस्तों, ये क्या दोस्तों, सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन गलत है, पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है दोस्तों सरस्वती का, तो याद रखिए दोस्तों भामा नहीं है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, भारती है, शारदा है, वागीश्वरी है। सरस्वती के चार पर्याय दिए गए हैं, इनमें कौन गलत है, भामा दोस्तों गलत है, भारती है, शारदा है, वागीश्वरी है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है दोस्तों, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों महाश्वेता। निम्न में से कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है, पताका का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए परसुतुर नहीं है पताका का, बाकी सब है, निशान है, झंडा है, ध्वज है। निम्न में से कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिए परसुतुर नहीं है, बाकी सब है, निशान है, झंडा है, ध्वज है। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं दोस्तों, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, देखिए क्या है, देखिए दोस्तों कमल, कमल का पर्यायवाची शब्द जलज है, पंकज है, सरोज है। कमल का पर्यायवाची शब्द दोस्तों जलज है, पंकज है, सरोज है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द दोस्तों, ये सब सही है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द कुसुम है, कुल है, सुमन है, कुसुम है, कुल है, सुमन है दोस्तों। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द गीरा है, भारती है, वीणा है। लेकिन सूर्य का पर्यायवाची शब्द दोस्तों ये गलत है, ये याद रखिएगा, ये दिन का होता है, सूर्य का दोस्तों ये गलत है, ये गलत है दोस्तों, गलत को ढूंढना था। नेक्स्ट, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द को दोस्तों कौन नहीं है, तो तनय नहीं है, बाकी सब है, सूता है, आत्मजा है, और दुहिता है। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय नहीं है, सूता है, आत्मजा है, दुहिता है दोस्तों। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या है, तो याद रखिएगा ये भारिया दोस्तों भिन्न अर्थ वाला है, आत्मजा, नंदिनी, ये कन्या दोस्तों, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, आत्मजा, नंदिनी, कन्या का पर्यायवाची शब्द है, आत्मजा, नंदिनी, कन्या। लेकिन भारिया दोस्तों ये पत्नी का होता है, इसलिए गलत हो जाएगा, याद रखिए क्या है दोस्तों, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है बिल्कुल भारिया। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से हाथी का पर्याय क्या है, हाथी का पर्याय क्या है दोस्तों, कुंजर, कुंजर यह हाथी का पर्याय है, बाकी सब है, कुरंग है, कलाहंस है, केहरी है, कुरंग है, कलाहंस है, केहरी है दोस्तों। नेक्स्ट, पर्यायवाची, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है दोस्तों, सही है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सिंह, सिंह का पंचानन नाहर और मृगनी है दोस्तों, सिंह का पर्यायवाची शब्द बिल्कुल पंचानन नाहर मृगनी है, बाकी सब दोस्तों गलत है। नेक्स्ट, शुद्ध वही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, तो याद रखिए पसम नहीं है पत्थर का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, प्रस्तर है, उपल है, पाहन है। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो पसम नहीं है, पसम नहीं है दोस्तों, बाकी सब है, प्रस्तर है, उपल है, पाहन है। नेक्स्ट, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग दोस्तों शुद्ध है, तो याद रखिएगा बिल्कुल घर, घर का निकेतन होता है, आयतन होता है, निलय होता है, ये दोस्तों शुद्ध है यानी सही है दोस्तों, बाकी सब गलत है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है दोस्तों, घर, निकेतन, आयतन और निलय बिल्कुल। नेक्स्ट, जल निधि का पर्यायवाची शब्द क्या है, जल निधि का तो सागर है दोस्तों, जल निधि का पर्यायवाची शब्द सागर होता है। नेक्स्ट, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मदिरा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, तो याद रखिएगा मदिरा का कौन नहीं है, बिल्कुल अमी नहीं है दोस्तों मदिरा का पर्यायवाची शब्द, बाकी सब है, सूरा है, मधु है और मध्य है। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, अमी नहीं है, बाकी सब है, सूरा है, मधु है, मध्य है। नौका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, नौका शब्द का पर्यायवाची कौन सा है दोस्तों, जलयान, नौका शब्द का पर्यायवाची है दोस्तों जलयान। नेक्स्ट, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन सा, इनमें पत्नी का पर्यायवाची कौन है, दारा दोस्तों पत्नी का पर्यायवाची है, पत्नी का पर्यायवाची दारा है और बाकी नहीं है दोस्तों, याद रखिए। और ये 185 क्वेश्चन में दोस्तों कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम एक जगह ये सभी का दोस्तों आंसर दे देते हैं, आपको चेक करने में दोस्तों सुविधा होगी। ये सभी आंसर है दोस्तों,
नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के बारे में क्या है, मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। खाना का अर्थ आप जानते हैं, कसम खाना, मार खाना, धोखा खाना, ये मुहावरे हैं दोस्तों। यहाँ खाना का चर्चा है, इनमें खाने की नो कोई चीज़ है नो क्रिया है दोस्तों। जैसे चिकना घड़ा, चिकना घड़ा, अंधा कुआं, हवाई किले आदि, ये सभी दोस्तों मुहावरा होता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है दोस्तों अत्यधिक प्रशंसा करना, अत्यधिक प्रशंसा करना, यह आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है, आँख की किरकिरी का होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ओप्रिय लगना। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होता है, ओप्रिय लगना। नेक्स्ट लाल पीला होना, लाल पीला होना का अर्थ क्या है, तो याद रखिए क्रोध करना। सिर हथेली पर रखना, सिर हथेली पर रखना, तो याद रखिएगा दोस्तों बिल्कुल मरने के लिए तैयार होना, सिर हथेली पर रखना, मरने के लिए तैयार होना। अंतर के पट खोलना, अंतर के पट खोलना, यानी दोस्तों विवेक से काम लेना, विवेक से काम लेना दोस्तों। नेक्स्ट है अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या है, अंगूठी का नग होना, याद रखिएगा दोस्तों अनुरूप जोड़ा होना, अनुरूप जोड़ा होना। कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखिए काम न जानना, क्या काम न जानना। नेक्स्ट है दोस्तों जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना, याद रखिएगा क्या अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ होता है दोस्तों अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना। नेक्स्ट टस से मस न होना दोस्तों, या अनुनय विनय से न पसीजना। टांग अड़ाना का अर्थ होता है दोस्तों अवरोध पैदा करना। मुंह का निवाला का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा बहुत आसान काम, मुंह का निवाला है ये, मतलब बहुत आसान काम है। समुद्र मंथन करना का मतलब होता है कठोर परिश्रम करना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है खो देना के लिए सही मुहावरे क्या, खो देना, याद रखिए खो देना का अर्थ होता है हाथ धोना। विरोध करने के लिए बहुत सही मुहावरा क्या है, विरोध करने के लिए दोस्तों याद रखिए सिर उठाना। बुरी तरह हारने के लिए सही मुहावरा क्या है, बुरी तरह हारना, याद रखिए दोस्तों बिल्कुल मुंह की खाना बुरी तरह हारना। नेक्स्ट नाश कर देना का बिल्कुल अर्थ होता है पानी फेर देना। अगर मगर करना का मतलब बहाने बनाना। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ होता है दोस्तों कठिन परिस्थिति में पड़ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों बिल्कुल पास रहकर दुख कर देना। नेक्स्ट तीर मारना का अर्थ क्या होता है बड़ा काम करना। नेक्स्ट है तेली का बैल होना का अर्थ होता है दोस्तों बुरी तरह काम में लगे रहना। युद्ध में मृत्यु पाने के लिए सही मुहावरा दोस्तों काम आना। मालूम होता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है, क्या मालूम रहता है तुम्हारे रहने का संयोग समाप्त हो गया है, तो याद रखिए दोस्तों ये मुहावरा का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल दोस्तों अन जल उठ जाना। अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांक के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों, इसमें तो रेखा है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एड़ी चोटी का जोर लगाना। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई, इसका मतलब ये है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा लुटिया डूब जाना। नेक्स्ट आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल क्या निर्लज हो जाना, आँख का नीर ढल जाना। नेक्स्ट है दोस्तों
कान फूकना का अर्थ क्या है? कान फूकना का अर्थ होता है दोस्तों दीक्षित करना, दीक्षित करना। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या? कच्चे घड़े पानी भरने का अर्थ होता है दोस्तों ठीक ढंग से काम नो करना, ठीक ढंग से काम नो करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है? छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना, हराना। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद है, किसी न किसी प्रतिष्ठा बनाए रखना। चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ होता है किसी न किसी प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट, दाम लगाना का अर्थ क्या है? दाम लगाना का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल मूल्य आंकना, मूल्य आंकना। तोते की तरह, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या है? बिल्कुल दोस्तों पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या है? पुराने पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट है दोस्तों, दिन को दिन और रात को रात नो समझना। दिन को दिन और रात को रात नो समझना का अर्थ होता है दोस्तों कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का भी ध्यान नो रखना। नेक्स्ट, पी बारह होना का अर्थ है दोस्तों लाभ ही लाभ होना। पी बारह होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। नेक्स्ट, मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारने का अर्थ होता है दोस्तों मीठी बातों से लज्जित करना। रीढ़ टूटना का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल आधार ही नो रहना। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत लंबी वस्तु। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है देखिए दोस्तों, जी हाँ, छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल क्या, हार। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है हराना दोस्तों। नेक्स्ट, 30 नंबर, चांदी का ऐनक लगाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी न किसी प्रतिष्ठा बनाए रखना। दाम लगाने का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल मूल्य आंकना। नेक्स्ट, तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। नेक्स्ट, दिन को दिन और रात को रात नो समझने का अर्थ क्या है? कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का भी कुछ ध्यान नो रखना। पी बारह होना, अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे इसके बारे में, वही रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। पी बारह होने का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों लाभ ही लाभ होना। मखवली जूते मारना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, मीठी बातों से लज्जित करना। नेक्स्ट, रीढ़ टूटने का अर्थ होता है आधार ही नो रहना। शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है बिल्कुल दोस्तों बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सुबह शाम करना का अर्थ होता है बिल्कुल दोस्तों क्या, बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना का अर्थ बहुत लंबी वस्तु। 38 का बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूरत नज़र आना का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। सूरत नज़र आने का अर्थ क्या? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। हाँ, नेक्स्ट दोस्तों, हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल याद रखिएगा, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। हाथ ऊंचा होने का अर्थ क्या है? दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। नेक्स्ट, बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं दोस्तों का अर्थ होता है बिल्कुल बहुत परेशान करना। अंगूठा चुमना का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों क्या, खुशामत करना। नेक्स्ट, अक्ल का पुतला का अर्थ क्या है दोस्तों बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट, गागर से सागर में भरने का अर्थ होता है दोस्तों कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना। नेक्स्ट, चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल क्षमता अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है दोस्तों क्षमता अधिक व्यय करना। जौहर खुलना का अर्थ क्या है? जौहर खुलना का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल क्या, भेद का पता लगाना। नेक्स्ट, ढंपोर शंख का अर्थ होता है दोस्तों बेवकूफ़। नेक्स्ट, दिल
दिल पक जाना का अर्थ क्या है? दिल पक जाना का अर्थ क्या है दोस्तों? अत्यंत प्रीत होना। दिल पक जाना का अर्थ होता है अत्यंत प्रीत होना। 9-2-11 होना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल रफू चक्कर होना। 9-2-11 होने का अर्थ होता है रफू चक्कर होना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है दोस्तों बहुत परेशान करना। पेट में दाढ़ी होना का अर्थ क्या होता है? पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा बिल्कुल दोस्तों, छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। छोटी उम्र में ही क्या दोस्तों? बुद्धिमान होना। 52 नंबर है, पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल काम निकालने के लिए सोचना। पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या होता है? काम निकालने के बाद सोचना दोस्तों। नेक्स्ट है विगम दृष्टि का अर्थ। विगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है? तो बिल्कुल दोस्तों सम्यक दृष्टि। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो बिल्कुल दोस्तों क्या है? कलेजे धक धक करना। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा क्या है? किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होने के लिए सही मुहावरा क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट, पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसी तैसी हो रही है। पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा ऐसी तैसी हो रही है। नेक्स्ट है आधा तितर आधा बटरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल दोस्तों क्या? बेमेल तथा बढ़ेंगा होना। नेक्स्ट, गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है? गुलर का फूल होने का अर्थ होता है दोस्तों कभी कभी दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ होता है बहुत अनुभव होना। नेक्स्ट, टिप्पस लगाना का अर्थ होता है सिफारिश करना। मधु जहर का घूट पीकर रह गई रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा क्या? क्रोध को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है वीरू और जय ने दामन चोली का साथ है और रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? वीरू और जय ने दामन चोली का साथ है, मतलब अर्थ इसका क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, एक दूसरे पर निर्भरता। नेक्स्ट, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, उत्तेजित करना। नेक्स्ट है अंधे की लकड़ी का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल एकमात्र सहारा। अंडे का सहजादा का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल क्या? अनुभवहीन व्यक्ति। अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है दोस्तों महामूर्ख। नेक्स्ट है आगा पीछा करने का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल हिचकना। नहीं, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है प्रतिरक्षा करना। आकाश से बातें का अर्थ क्या होता है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ऊंचा होना। नेक्स्ट है काटा बोना का अर्थ क्या होता है दोस्तों हानि पहुंचाना। नेक्स्ट, कलम तोड़ने का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना। नेक्स्ट, कोड़ी को नो पूछना का अर्थ होता है दोस्तों निकम्मा समझना। नेक्स्ट, गाल बजाना का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा डिंग हाँकना। घुटने टेक देना का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल हार मानना। चुलू भर पानी में डूबने का अर्थ होता है बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ाने का अर्थ है घबरा जाना। ठन ठन गोपवाल का अर्थ होता है बिल्कुल कंगाल। नेक्स्ट, तालू में जीभ नो लगना का अर्थ क्या होता है दोस्तों बिल्कुल चुप नो रहना।
बांसों क्या दोस्तों, बांसों उछलना का अर्थ क्या है? बांसों उछलना का अर्थ होता है प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। भार झोंकना का अर्थ क्या है? भार झोंकना का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल व्यर्थ समय नष्ट करना। भार झोंकना का अर्थ होता है व्यर्थ समय नष्ट करना दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुछ, मुछ मुराना का अर्थ क्या? मुछ मुराना का अर्थ होता है दोस्तों हार मानना। क्या? हार मानना, मुछ मुराने का अर्थ। नेक्स्ट है लंगोटी, लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या? लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल हार मानना, ये भी हार ही मानना है। नेक्स्ट सीधे मुंह बात नो करना, सीधे मुंह बात नो करना, घमंड करना, घमंड करना। नेक्स्ट अब सुनीता के हाथ, देखिए अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, विवाह करना, विवाह करना, हाथ पीले करना, विवाह करना करने का। नेक्स्ट मेरा बेटा आशीष मेरी, मेरा बेटा आशीष मेरी आँखों का तारा है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिए, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय। नेक्स्ट कपटी, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? कपटी मित्र के लिए आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप। मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। और रेखांकित वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है दोस्तों? क्या दोस्तों? लेखन अति उत्तम है, क्या अर्थ होता है दोस्तों? बिल्कुल क्या? तूती बोलना, तूती बोलना। नेक्स्ट अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा का अर्थ होता है दोस्तों यदि अज्ञानियों में अल्पज्ञ वाले का सामना होना, सम्मान होना। क्या? वो ज्ञानियों में अल्पज्ञ वाले का सम्मान होना दोस्तों अंधों में काना राजा का अर्थ है। नेक्स्ट अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है स्वयं अपने को हानि पहुँचाना, स्वयं अपने को हानि पहुँचाना। नेक्स्ट है अंधेर, अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ होता है दोस्तों अनन्या, याद रखिए अनन्य की जगह ओ नि, याद रखो ओ न्याय। क्या दोस्तों? अनन्याय की जगह, ओ न्याय का जगह। नेक्स्ट दोस्तों आग में घी डालने का अर्थ क्या है? आग में घी डालने का अर्थ होता है दोस्तों किसी के क्रोध को भड़काना, किसी के क्रोध को भड़काना। नेक्स्ट आधे समय, आधे समय पर काम आना का अर्थ क्या? आधे समय पर काम आने का अर्थ होता है दोस्तों मुसीबत में सहायक होना, मुसीबत में सहायक होना। नेक्स्ट ईमाना बेचना, ईमान बेचना दोस्तों का अर्थ क्या है? बिल्कुल याद रखिएगा अपने कर्तव्य से हट जाना, अपने कर्तव्य से हट जाना। नेक्स्ट काठ का उल्लू का अर्थ क्या? काठ का उल्लू का अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख, मूर्ख। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है कभी समाप्त न होना। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञा। खून पानी होने का अर्थ क्या है? खून पानी होने का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल कोई असर न होना, कोई असर न होना। नेक्स्ट दोस्तों अंतडियो, क्या अंतडियो में बल पड़ना का अर्थ क्या? अंतडियो में बल पड़ना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत हंसना, बहुत हंसना। अंगूठा दिखाने का अर्थ क्या है? बिल्कुल इनकार करना, इनकार करना। उल्लू सीधा करने का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल ठगना। क्या दोस्तों? ठगना। माथा माठा, क्या दोस्तों? ठनकना का अर्थ क्या? माथा ठनकना का अर्थ क्या है दोस्तों? बिल्कुल क्या? अनिष्ट की आशंका होना, अनिष्ट की आशंका होना। नेक्स्ट ठिकरा फूटना का अर्थ क्या है? ठिकरा फूटना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा क्या है? किसी के सर झूठा दोष लगाना, या ठुकरा फूटना का अर्थ होता है दोस्तों किसी के सर झूठा दोष लगाना दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट उलट फेर होना का अर्थ क्या? उलट फेर होने का अर्थ होता है दोस्तों परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। नेक्स्ट पापड़ बेलना का अर्थ होता है, पापड़ बेलना का अर्थ होता है मुसीबत उठाना, मुसीबत उठाना। ने 19-20 होने का अर्थ क्या? 19-20 होने का अर्थ होता है बिल्कुल बहुत कम अंतर होना, बहुत कम अंतर होना। पानी नो मांगना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल तत्काल मर जाना, तत्काल मर जाना। कलेजा होने का अर्थ क्या है? कलेजा होने का अर्थ होता है हिम्मत होना, कलेजा होने का अर्थ होता है हिम्मत होना। नेक्स्ट आँखों पर चर्बी छाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल क्या? अभिमान करना। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ होता है अभिमान करना। नेक्स्ट कुपमंडूक होने का अर्थ, कुपमंडूक होने का अर्थ क्या होता है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना दोस्तों कुपमंडूक होने का अर्थ होता है। तलवार की धार पर चलने का अर्थ क्या है? तलवार की धार पर चलने का अर्थ होता है दोस्तों कठिन कार्य करना, कठिन कार्य करना।
नेक्स्ट है बाधा डालना। बाधा डालना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याद रखिए, बाधा डालने का अर्थ होता है बिल्कुल क्या, रोडा अटकाना, रोडा अटकाना, अटकाना, रोडा अटकाना। नेक्स्ट है भीगी बिल्ली होना, भीगी बिल्ली होने का अर्थ होता है दोस्तों डर जाना, डर जाना। नेक्स्ट हाथ नो आने का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पकड़ में नो आना, पकड़ में नो आना। जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, जैसी करनी वैसे भरनी। नेक्स्ट है खिसियानी, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या है दोस्तों, बिल्कुल क्या, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ क्या दोस्तों, झुंझलाना। नेक्स्ट काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, क्या दोस्तों, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मतलब क्या है, बिल्कुल क्या, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, दोनों ओर मुसीबत होना, दोनों ओर मुसीबत होना। पत्थर को जोक नहीं लगती, देखिए दोस्तों, पत्थर को जोक नहीं लगती, इसका मतलब हुआ कि हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट उंगली उठाना, उंगली उठाना का अर्थ हुआ दोस्तों दोष की ओर संकेत करना, दोष की ओर संकेत करना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का अर्थ क्या है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, कहीं ठोर ठिकाना न होना, कहीं ठोर ठिकाना नहीं होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो याद रखिए अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक कंजूस होना। नेक्स्ट क्या छछुंदर, क्या दोस्तों, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल क्या, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, कोई दूर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बिल्कुल तालमेल न होना, तालमेल न होना। अपनी डफली आना राग, अपनी डफली आना राग का मतलब हुआ दोस्तों क्या, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। नेक्स्ट है हसवी के ब्याह में खुरपी का गीत, हसवी के ब्याह में खुरपी का गीत, मतलब दोस्तों वो संगत बातें करना, वो संगत बातें करना। नेक्स्ट दोस्तों जाके पाँव, जाके पाँव नो फटे बिवाई सो क्या, मतलब जाने पीर पराई, जाके पाँव नो फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका मतलब हुआ दोस्तों जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है दोस्तों। जस दुल्हा तस बनी बरात, जस दुल्हा तस बनी बरात, इसका मतलब हुआ सभी साथी एक ही जैसे हैं, सभी साथी एक ही जैसे हैं। चोर चोर डैस भाई, चोर चोर मसूरे भाई दोस्तों, चोर चोर मसूरे भाई होते हैं ना। ऊँट के मुंह में तिनका, ऊँट के मुंह में जीरा होगा दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरा, बिल्कुल। नेक्स्ट दोस्तों डैस के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, डैस के अंधे को हरा ही हरा नज़र आते हैं दोस्तों। सावन, याद रखिए सावन, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट कर डैश तो हो भला, याद कर डैश तो हो भला, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। अंधों में डैश राजा, अंधों में डैश राजा, याद रखिए अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा दोस्तों। नेक्स्ट घर का भेदी डैश ढाए, घर का भेदी डैश ढाए, घर का भेदी दोस्तों लंका ढाए, लंका ढाए। नाच नो जाने, नाच नो जाने डैश टेढ़ा, याद रखिए नाच नो जाने क्या आंगन टेढ़ा, नाच नो जाने आंगन टेढ़ा। नेक्स्ट जहाँ नो पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ नो पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसका मतलब हुआ कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, अगम्य नहीं है दोस्तों। नहीं पुचकारा कुत्ता सिरे चढ़े, पुचकारा कुत्ता सिरे चढ़े, इसका मतलब हुआ ओछे लोग मुँह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं, क्या अच्छे लोग, अच्छे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते दोस्तों, यहाँ गलती लिखा है अच्छे लोग होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अधजल, अधजल गगड़ी छलकत जाए, अधजल गगड़ी, याद छलकत जाए, बिल्कुल डी नंबर होगा दोस्तों,
ये सब मुहावरा है। नेक्स्ट डैश डैश धतुरे सो कहत गहनो गढ़ो नो जात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल याद रखिए, कनक धतुरे सो कहत और क्या है गहनो गढ़ो नो जात, कनक धतुरे बिल्कुल। नेक्स्ट दोस्तों तवेली की बला बंदर के सिर, तवेली की बला बंदर के सिर, इसका मतलब हुआ दोस्तों किसी का अपराध दूसरे के सिर, किसी का अपराध दूसरे के सिर। एक और ग्यारह होते हैं, एक और एक ग्यारह होते हैं, इसका मतलब हुआ संगठन में शक्ति है। नेक्स्ट काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, समदर्शी, समदर्शी। नेक्स्ट गए थे रोजा छुराने नमाज गले पड़ी, गए थे रोजा छुराने नमाज गले पड़ी, इसका मतलब हुआ दोस्तों गरीब हो जाना, गरीब हो जाना। गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, इसका मतलब हुआ दोस्तों क्या, देखिए इसका मतलब जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, गंगा गए गंगा दास जमुना गए जमुना दास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता, यही हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्या है देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब हुआ दोस्तों बिल्कुल आकाश पाताल का अंतर होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगा या कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट डैश टूट चाप नहीं जुड़े रिसारे, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों देखिए क्या है, देखिए दोस्तों नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है, टूट जाप नहीं जुड़े रिसरे, इसका अर्थ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब हुआ किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, किसी कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट अंधा पावे आँखों तो पति, क्या दोस्तों पति आए, और क्या अंधा पावे आँखों तो पति आए, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, क्या अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। नेक्स्ट दोस्तों उधो का लेना नो माधो को देना, इसका मतलब हुआ दोस्तों अपने काम से काम रखना। नेक्स्ट यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लकोक्ति है दोस्तों, यह प्रेम का पंथ कराल महा के लिए सही लकोक्ति क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा तरवार, याद रखिए तरवाल के दोस्तों, तलवार की धार पर धावनो, तलवार होगा दोस्तों। नेक्स्ट राम नाम जपना अपराय माल अपना, देखिए राम नाम जपना पराय माल अपना का अर्थ होता है दोस्तों बिल्कुल क्या, धोखे से धन जमा करना दोस्तों। नेक्स्ट फिसल पड़े तो हर गंगे, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा मजबूरी में काम पड़ना। नेक्स्ट नीम हकीम खतरे जान, बिल्कुल दोस्तों अल्प विद्या भयंकर होता है, सोस याने एक मत, याद रखिएगा बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं, नेक्स्ट तल पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका मतलब हुआ दोस्तों झूठा दिखावा करना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब हुआ दोस्तों दोहरा लाभ होना। आ बैल मुझे मार का मतलब जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नेक्स्ट अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है दोस्तों अल्पज्ञ द्वारा गर्व प्रदर्शन। नेक्स्ट दोस्तों घर का जोगी जोगरा आन गांव का सिद्ध, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर। आगे नाथ नो पीछे पघा का मतलब हुआ दोस्तों बंधन रहित होना। नेक्स्ट
तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी का मतलब हुआ जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई कर, क्या दोस्तों, बढ़ाई करना, बढ़ाई करना, जरूरत से ज़्यादा बढ़ाई करना, तीन लोक से मथुरा न्यारी। ने खरबूजे को देख, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, इसका मतलब हुआ दोस्तों संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात, तू डाल डाल में पात पात, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या दोनों चालाक, दोनों चालाक, तू डाल डाल में पात पात, मतलब दोनों चालाक। नेक्स्ट कोयले के, देखिए कोयले की दलाली में मुँह काला, कोयले की दलाली में मुँह काला का मतलब हुआ बुरे काम से बुराई मिलना, बुरे काम से बुराई मिलना। नेक्स्ट नौ दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ, नौ दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ का मतलब हुआ दोस्तों बहुत धीमी गति से चलना, नौ दिन चले अढ़ाई कोस का अर्थ हुआ बहुत धीमी गति से चलना। नेक्स्ट एक तो करेला, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ, एक तो करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल बुरे का और बुरे से संग होना, बुरे का बुरे से संग होना दोस्तों, करेला और बिल्कुल ये नीम दोनों सेम है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए, खग जाने, खग जाने खरा ही की भाषा, खग जाने खरा ही की भाषा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं दोस्तों, क्या सराहते हैं, क्या खग जाने खरा की ही भाषा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। सिर सहलाए भेजा खाए, सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बन, दोस्त बनाकर हानि पहुँचाना, सिर सहलाए भेजा खाए, दोस्त बनकर हानि पहुँचाना, इसका अर्थ हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लकोक्ति कहावत बताइए, लकोक्ति कहावत क्या है दोस्तों, तो याद रखिए एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से लकोक्ति कहावत क्या है, एक पंथ दो काज, और ये दोस्तों बिल्कुल दोस्तों ये मुहावरा दोस्तों कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और ये 168 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, हम एक जगह आंसर दे देते हैं, आपको चेक करने में सुविधा होगी दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। जो पहले नहीं हुआ हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अभूतपूर्व कहा जाता है, अभूतपूर्व। जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके दोस्तों उसे कहा जाता है अकथनीय, अकथनीय, समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल कहलाता है दोस्तों, समयानुकूल कहलाता है। नेक्स्ट जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं दोस्तों। जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव कहलाता है, सुग्रीव। लौकिक, जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपति कहलाता है दोस्तों, दंपति। नेक्स्ट विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या कहलाता है, अधिनियम। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाता है, कार्य को नए ढंग से करने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है दोस्तों, नवीकरण, नवीकरण। नेक्स्ट निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिए अनुस्मारक क्या है, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है, अनुस्मारक कहलाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए उसे देशद्रोही कहा जाता है, देशद्रोही। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे बांझ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट रसवादन, ये क्या दोस्तों, रसवादन क्या है, रसवादन क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा किसी रस का उपभोग करना उसे रसवादन कहते हैं। नेक्स्ट वर्णानीति, क्या दोस्तों, वर्णातीत, वर्णातीत किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्णन से परे वर्णातीत कहलाता है। नेक्स्ट जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो उसे क्या कहेंगे, अप्रतिम कहेंगे दोस्तों, अप्रतिम, अप्रतिम। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहेंगे, तो उसे सुगम कहेंगे दोस्तों, सुगम। जहाँ पहुँचा न जा सके उसे क्या कहेंगे, तो याद रखिए उसे दोस्तों सुगम कहेंगे, सुगम। नेक्स्ट जो बहुत बातें करता हो, जो बहुत बातें करता हो बहुभाषी कहलाता है, बहुभाषी। नेक्स्ट अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक वर्षा होना। अनुमति का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अनुमति का मतलब हुआ, देखिए दोस्तों अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, याद रखिएगा अनुमति के बदले क्या हुआ, बिल्कुल दोस्तों किसी को आश्रित बना देना अनुमति कहलाता है दोस्तों, किसी को आश्रित बना देना उसे अनुमति कहते हैं। नेक्स्ट
क्या अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो यदि किसी को आश्रित बना देना अन्योन्याश्रित कहलाता है। वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, वह सायकालीन बेला जो पशु वन से चढ़कर लौटते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों गोधूली कहते हैं। गोधूली जो दूसरे के सहारे जीवित रहे, जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे दोस्तों परोपजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, परोपजीवी कहते हैं, परोपजीवी। नेक्स्ट, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या, अवग्रह। क्या दोस्तों, अवग्रह कहलाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं, उपत्यका, उपत्यका कहते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं दोस्तों, दुर्गम। जो शत्रु की हत्या करता है, जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहते हैं दोस्तों शत्रुधन, शत्रुधन। जिसके आर पार मतलब देख जा सके, जिसके आर पार देख जा सके उसे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों पारदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट, हर काम को देर से करने वाला क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा दीर्घसूत्री कहलाता है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री कहलाता है दोस्तों, दीर्घसूत्री। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद, आयु में बड़ा व्यक्ति ज्येष्ठ कहलाता है, ज्येष्ठ। क्या कहलाता है दोस्तों, ज्येष्ठ कहलाता है। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे परित्यागता कहते हैं, परित्यागता। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ कहते हैं दोस्तों, सुलभ, याद रखिएगा सुलभ। नेक्स्ट है, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे नश्वर कहेंगे। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है दोस्तों, यानी कि क्या पदावनति कहलाता है। कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा पदावनति कहलाता है। बिना घर का याद रखिएगा क्या, अनिकेत कहलाता है, अनिकेत। जिसका भोजन दूध ही होता है उसे दोस्तों दुग्धाहारी कहते हैं, दुग्धाहारी। नेक्स्ट है, ओ गोचर का मतलब क्या हुआ, ओ गोचर का मतलब दोस्तों जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे ओ गोचर कहेंगे। हमेशा रहने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल शाश्वत कहलाते, शाश्वत। नेक्स्ट, अंकेक्षक को क्या कहेंगे दोस्तों, अंकेक्षक को, तो बिल्कुल याद रखिएगा आय व्यय के आंकड़े की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहेंगे। नेक्स्ट, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ दोस्तों वो नास्तिक है, क्या है, नास्तिक है। जिजीविषा का मतलब क्या हुआ, तो याद, जिजीविषा का मतलब होता है दोस्तों जीवन की इच्छा। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, इसका मतलब हुआ प्रत्यक्ष रूप से दोस्तों। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसका एक अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या, निराकार। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, इसका मतलब हुआ दोस्तों श्रेष्ठ कुल जन्म लिया, इसका मतलब क्या है, तो बिल्कुल दोस्तों कुलीन। श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया इसे कुलीन कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनाकर जाना है दोस्तों। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनाकर जाना है, इसका मतलब हुआ बिल्कुल परीक्षक बना के जाना है। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, मतलब दोस्तों ये क्या है, तन्मयता। जो किसी का हित चाहता हो उसे हितेशी कहते हैं दोस्तों, हितेशी। जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों जिज्ञासु कहलाता है, जिज्ञासु। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे कहेंगे दोस्तों, यानी कि संकालु। मोक्ष की इच्छा करने वाला दोस्तों क्या, मुमुक्षु।
क्या दोस्तों, क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है, मुमुक्षु कहलाता है दोस्तों। 49 का राइट आंसर होगा डी नंबर, जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो वो किंचन कहलाता है। वो किंचन थोड़ा जानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? थोड़ा जानने वाला या देखिए अल्पज्ञ कहलाएगा, अल्पज्ञ। स्त्री जो अभिनय करती है, स्त्री जो अभिनय करती है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों अभिनेत्री कहते हैं, अभिनेत्री। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यानी आशातीत हुआ, आशातीत। जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानते हैं दोस्तों उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ कहेंगे। जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान न हो सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे क्या कहेंगे? अतीन्द्रिय कहेंगे। क्या? अतीन्द्रिय कहेंगे दोस्तों। ने किसी बात को करने का निश्चय, किसी बात को करने का निश्चय का मतलब हुआ दोस्तों संकल्प। किसी बात को करने का निश्चय संकल्प। जो पूजा के योग हो, जो पूजा के योग हो पूजनीय। जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो अजात शत्रु। जिसका जन्म न हो, जिसका जन्म दोस्तों न हो उसे अजर कहेंगे। क्या कहेंगे? अजर। जिसका जन्म न हो अजर। नेक्स्ट दोस्तों, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे क्या कहेंगे? देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे नास्तिक, देखिए दोस्तों आस्तिक नास्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो दोस्तों उसे नास्तिक कहते हैं। जो विश्वास रखता है दोस्तों उसे तो आस्तिक कहेंगे। देखिए दोस्तों, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो उसे क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, उसे बिल्कुल प्रियदर्शी कहेंगे, प्रियदर्शी कहेंगे। नेक्स्ट, अहसान, अहसान न मानने वाला क्या कहलाता है? बिल्कुल क्या? कृतघ्न कहलाता है, कृतघ्न। क्या? अहसान न मानने वाला कृतघ्न कहलाता है दोस्तों। जो गणना योग न हो, जो गणना योग न हो उसे कहेंगे दोस्तों असंख्य, असंख्य। दूर की सोचने वाला के वाले मतलब वाला के लिए शब्द क्या है? दूर की सोचने वाला के लिए शब्द क्या है? तो याद रखिए दूरदर्शी। वीर पुत्र को जन्म देने वाला स्त्री के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा वीर प्रसू, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाला स्त्री को वीर प्रसू कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है पत्र या, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है? पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिए उत्तरा पक्षी कहलाता है। हमेशा रहने वाला क्या कहलाएगा? हमेशा रहने वाला दोस्तों क्या? के शाश्वत कहलाता है, शाश्वत। नेक्स्ट दोस्तों, युत्सु, युयुत्सु, युयुत्सु क्या कहलाता है? युयुत्सु या युद्ध करने के इच्छुक युयुत्सु कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, प्रत्यु, क्या दोस्तों? प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति का मतलब क्या हुआ दोस्तों? बिल्कुल जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्न मति कहेंगे दोस्तों। पार्थिव, पार्थिव का मतलब हुआ दोस्तों क्या है? जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहेंगे, पार्थिव। आयावर, आयावर क्या दोस्तों? यायावर, यायावर का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिए एक स्थान पर टिक कर नो रहने वाला यायावर कहलाता है, यायावर। नेक्स्ट दोस्तों, पिष्टव्य, पिष्टव्य का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिए पूछने योग्य, पूछने योग्य को पिष्टव्य कहते हैं। ममता कम बोलती है, ममता कम बोलती है इसका मतलब हुआ दोस्तों बिल्कुल मितभाषी, मितभाषी। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे कहेंगे दोस्तों निर्मम। क्या? निर्मम कहेंगे, निर्मम। जो ममत्व से रहित हो उसे निर्मम कहेंगे। नेक्स्ट, पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर का मतलब हुआ क्या? निर्मिष, निर्मिष, निर्मिष दोस्तों। याद रखिए निर्मिष, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, तो इसका मतलब हुआ विवेचन, विवेचन करना दोस्तों। नेक्स्ट, अंतेवासी, अंतेवासी का मतलब क्या हुआ? अंतेवासी का मतलब हुआ गुरु के समीप रहने वाला शिष्य अंतेवासी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट, क्षेपक, क्या दोस्तों? क्षेपक का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिए किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक कहलाता है। जिस तर्क का कोई जवाब न हो, जिस तर्क का कोई जवाब न हो उसे क्या कहेंगे? अकाट्य कहेंगे दोस्तों, अकाट्य। क्या कहेंगे? अकाट्य कहेंगे। जिसे बुलाया न गया हो, जिसे जिसे बुलाया न गया हो उसे दोस्तों क्या? अनाहूत कहेंगे। क्या दोस्तों? अनाहूत कहेंगे। जो आँखों के सामने न हो, जो आँखें के सामने न हो उसे क्या कहेंगे? परोक्ष कहेंगे दोस्तों, परोक्ष। जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधव कहेंगे दोस्तों, सधव। नेक्स्ट, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार क्या है? फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार का मतलब हुआ दोस्तों
क्या, तो याद रखिएगा, अस्त्र, अस्त्र जल समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है? जल समुद्र में लगने वाली आग को बिल्कुल क्या कहेंगे? बरवाग्नि कहेंगे दोस्तों, बरवाग्नि। पेट की आग, पेट की आग का मतलब हुआ दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा, क्या? जठराग्नि। जठराग्नि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, समीक्षक कहलाता है। समीक्षक किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है दोस्तों? क्या? थाती कहलाती है, याद रखिएगा, थाती। नेक्स्ट, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहेंगे दोस्तों अन्योदर। क्या कहेंगे? अन्योदर। जिसके बराबर का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो उसे अनुपम कहेंगे, अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाई? गोद में सोने वाली स्त्री को याद रखिएगा क्या कहेंगे? अंक सियानी कहेंगे, अंक सियाईनी कहेंगे दोस्तों। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या कहलाता है? कष्ट से संपन्न होने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? याद, कष्ट साध्य कहलाता है, कष्ट साध्य कहलाता है। नेक्स्ट, किसी संख्या के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए शब्द क्या है? किसी संख्या के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत जयंती। रजत जयंती, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे वाचाल कहेंगे दोस्तों, वाचाल। क्या कहेंगे? वाचाल। नेक्स्ट, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके, जिसे कठिनाइयों से जीता जा सके उसे दोस्तों दुर्जय कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्जय। बचपन और जवानी जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों? याद कि व्यय संधि कहलाती है, व्यय संधि कहलाती है दोस्तों। अभिज्ञ, अभिज्ञ का मतलब क्या हुआ? अभिज्ञ का मतलब हुआ जानने वाला, जानने वाला। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण क्या कहलाता है दोस्तों? बिल्कुल अभिभाषण कहलाता है, अभिभाषण। निर्गम, निर्गम का मतलब क्या हुआ? 98 का दोस्तों, जो सत्व रज वो तम तीनों गुणों से परे हो, जो सत्व रज वो तम तीनों गुणों से परे हो उसे निर्गम कहेंगे दोस्तों। अज्ञ, अज्ञ शब्द के लिए वाक्यांश क्या? अज्ञ शब्द के लिए जिसे देखा न जा सके उसे अज्ञ कहेंगे, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे अजय कहेंगे। क्या कहेंगे? अजय। नेक्स्ट दोस्तों, निर्देश क्या है? निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए 4 विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है दोस्तों उसे कहते हैं युधिष्ठिर। और इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला दोस्तों क्या? जितेंद्रियाँ। क्या? जितेंद्रिय कहलाता है, जितेंद्रिय। जिसकी मत झट सोचने वाली है, जिसकी मत झट सोचने वाली है दोस्तों उसे क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमिति। नहीं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाएगा, अग्रज। नेक्स्ट दोस्तों, अमृत के समान वचन, अमृत के समान वचन अमृत वचन कहलाएगा। जिसे जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो उसे कहेंगे दोस्तों अबोध, अबोध। जिसका मन वो ध्यान दूसरी तरफ हो उसे कहेंगे दोस्तों, याद रखिएगा क्या? अन्य, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क कहेंगे, अन्य मनस्क। जिसका मन वो ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनस्क। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो, व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल क्या? भूगर्भवेत्ता कहेंगे। किए हुए उपकार का फल नो मानने वाले क्या कहलाते हैं? किए गए उपकारा का फल नो मानने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? क्या? कृतघ्न कहलाता है, कृतघ्न। नगर में रहने वाला क्या कहलाता है? नागर कहलाता है दोस्तों, नागर। नेक्स्ट, सांध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, गोधूली कहलाता है, गोधूली कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे दोस्तों सर्वज्ञ कहेंगे, सर्वज्ञ। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे दोस्तों क्या? परमेय कहेंगे। क्या कहेंगे? परमेय।
ने जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं है निर्दय कहलाता है। निर्दय गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्या? अंतेवासी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जो व्याकरण जानता है, जो व्याकरण जानता है दोस्तों, उसे व्याकरण कहेंगे। क्या दोस्तों? व्याकरण कहेंगे। जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? नास्तिक कहेंगे दोस्तों, नास्तिक। देखिए नास्तिक, बिल्कुल, जो ईश्वर को मानता हो नास्तिक, जो नहीं मानता हो आस्तिक। जो देखा न जा सके, जो देखा न जा सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वो दृश्य कहेंगे, वो दृश्य। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? चंद्रशेखर कहेंगे। उपकार को न मानने वाला, उपकार को न मानने वाला दोस्तों क्या कहलाता है? कृतघ्न कहलाता है, कृतघ्न। जो संविधान, जो संविधान के प्रतिकूल हो, जो संविधान के प्रतिकूल हो उसे वो संवैधानिक कहेंगे दोस्तों। जो कठिनाई से, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके उसे दोस्तों क्या? दुर्भय कहेंगे, दुर्भय। आदि से, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक को क्या कहेंगे दोस्तों? आघात कहेंगे। क्या कहेंगे? आघात। जिसका इलाज न हो सके, जिसका इलाज न हो सके वो क्या कहेंगे? वो साध्य, वो साध्य। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या? वाचाल कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? वाचाल, याद रखिएगा, वाचाल। नेक्स्ट दोस्तों, जिसका जन्म छोटी जाति निचली वर्ण में हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे क्या कहेंगे? अंत्यज्य। क्या? अंत्यज्य कहेंगे, अंत्यज्य, याद रखिएगा। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है दोस्तों? तो याद रखिए, अक्षत का, अक्षत का। पति युक्ता स्त्री क्या कहलाती है? तो यह सधवा कहलाती दोस्तों, पति युक्ता स्त्री। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है दोस्तों? नारद कहलाता है, नारद मुनि। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो इसका मतलब ये हुआ उसे दामोदर कहेंगे दोस्तों, दामोदर। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है? तो मिताहारी कहलाता है दोस्तों, मिताहारी, याद रखिएगा, मिताहारी। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि अंतेवासी कहलाता है, अंतेवासी। जो अपने पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहेंगे दोस्तों, पदच्युत। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को क्या कहेंगे? तो अवसरवादी कहेंगे दोस्तों, अवसरवादी। बिना पढ़ा हुआ अंश, बिना पढ़ा हुआ अंश क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है दोस्तों, अपठित। किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाला, किसी बात का गुड़ रहस्य जानने वाला को क्या कहेंगे? मर्मज्ञ कहेंगे, मर्मज्ञ, याद रखिए, मर्मज्ञ। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक किसे कहेंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा क्या? धीरोदांत, धीरोदांत कहेंगे, धीरोदांत। वन में लगने वाले आग क्या कहलाती है दोस्तों? दाव, क्या? दवाग्नि कहलाता है, याद रखिएगा। वन में लगने वाली आग दवाग्नि कहलाता है दोस्तों। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण वो दुखी हो उसे कहेंगे दोस्तों वियोगिनी, वियोगिनी। जल में रहने वाला प्राणी क्या कहलाता है दोस्तों? जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाएगा। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो उसे कहेंगे दोस्तों यायावर, यायावर कहेंगे। जो हर समय पर मतलब साधता हो, जो हर समय पर मतलब साधता हो दोस्तों उसे क्या? स्वार्थी कहेंगे, स्वार्थी। जो पसीने से उत्पन्न हो, जो पसीने से उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? याद रखें, स्वेदज कहेंगे, स्वेदज। पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी दोस्तों, या पर्वत की तलहटी क्या है दोस्तों? बिल्कुल याद रखिएगा, क्या? उपत्याका। पर्वत की तलहटी को उपत्याका कहेंगे, उपत्याका। नेक्स्ट है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। मन को अनादित करने वाला, मन को अनादित करने वाला मनोरंजक कहलाता है दोस्तों। जिसको प्राप्त न किया जा सके, जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य कहेंगे उसे। क्या कहेंगे? अलभ्य, अलभ्य। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे दोस्तों? याद रखिएगा, बड बड वग्नि कहेंगे। समुद्र में लगने वाली आग को बड वग्नि कहते हैं दोस्तों। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या कहलाता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला दोस्तों, याद रखिएगा, क्या? याद रखिएगा,
अनुव्यागत अनुव्यागत कहलाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाने आने वाला अनुव्यागत कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये 150 क्वेश्चन में कितना आपका सही हुआ दोस्तों और कितना गलत हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आंसर दे देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 है दोस्तों, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित आते हैं। इन प्रश्नों में वाक्य या अनुच्छेद में रिक्त स्थान होता है और उसकी पूर्ति के लिए चार विकल्प दिए जाते हैं जिनमें एक विकल्प सही होता है। यदि सही विकल्प रिक्त स्थान पर रख दिया जाए तो वह वाक्य सार्थक बन जाता है यानी पूर्ण हो जाता है। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति तथा अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित होते हैं दोस्तों। देखिए क्या पहला क्वेश्चन है, सॉरी देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधित कुछ नियम है दोस्तों, उसको पढ़नी है और उसके बाद आंसर देनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंधित कुछ नियम, पहला है दोस्तों वाक्य के भाव अर्थ को समझ लेना होगा। वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों की प्रकृति देखिए, वो संस्कृत निष्ठ या अरबी फारसी उर्दू के हो सकते हैं और आपको जिन शब्दों का चयन करना है वह उनसे मेल खाता होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा नंबर क्या नियम है, दिए गए शब्दों के अर्थों को कि वो उनकी ध्वनि को ध्यान से देखिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को ध्यान से देखिए। जिन शब्दों को आप सही समझ रहे हैं मन ही मन उन्हें रिक्त स्थानों पर रख कर देखिए और अनुचित शब्द वाक्य में सदैव ही क्या अटपटा लगता है दोस्तों। यदि शब्द को रिक्त स्थान में रखने के बाद वाक्य पढ़ने में सहजता रहे और अर्थ बन जाए तो आपने सही शब्द का चयन किया है दोस्तों, ऐसे ढूंढना है बिल्कुल। पहला देखिए क्या है, देखिए इसका निर्देश क्या दिया गया है, निर्देश निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करके आपको आंसर देना है। माता जी को क्या, तो माता जी को दोस्तों याद रखिएगा, माता जी को प्रणाम। नेक्स्ट है दोस्तों, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, तो याद ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा जघन्य डैश करोगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल अपराध करोगे, अपराध। विकास के लिए आर्थिक डैश आवश्यक होती है, तो याद रखिए दोस्तों क्या सक्षमता के विकास के लिए आर्थिक सक्षमता आवश्यक होती है। नेक्स्ट है जिसे उचित उत्तर मतलब सूझ जाए वह डैश कहलाता है, जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह डैश कहलाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क्या प्रत्युत्पन्न मिति कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है शास्त्र में हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का डैश सीखते हैं, क्या सीखते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा उपभोग सीखते हैं, क्या सीखते हैं उपभोग। नेक्स्ट दोस्तों अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में डैश है, क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा झिझकते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य डैश रहा, क्या रहा दोस्तों, तो याद रखिए बाजार रहा, एट का राइट आंसर बाजार नहीं होगा, केंद्र हो जाएगा दोस्तों, केंद्र एट का केंद्र होगा, देख लीजिए अच्छी तरह से। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश धार्मिक सांस्कृतिक आर्थिक और राजनीतिक क्रियाकलापों का मुख्य डैश रहा, तो केंद्र रहा दोस्तों। नेक्स्ट सरकार की नीति है कि हिंदी के प्रयोग को प्रेरणा प्रोत्साहन वो डैश से बढ़ाया जाए, तो याद रखिए दोस्तों सद्भावना से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट सच्चरित्र व्यक्तियों की आत्मकथा अन्य व्यक्तियों के लिए डैश का स्रोत बन जाती है, तो याद रखिए दोस्तों प्रेरणा की स्रोत बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन दिनांक और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे डैश कहते हैं दोस्तों, तो उसे याद रखिए अतिथि कहेंगे, अतिथि। नेक्स्ट स्वतंत्रता के उपरांत हमने ज्ञान और विज्ञान के डैश में प्रगति की है, तो याद रखिए दोस्तों क्षेत्र में प्रगति की है, क्षेत्र में। वह डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया, तो याद रखिए दोस्तों वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया। मुझे इस कार्यक्रम का डैश नहीं पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा दोस्तों, तो बिल्कुल निमंत्रण नहीं पहुंचा। सांप्रदायिकता राष्ट्र एकता के लिए डैश है, सांप्रदायिकता राष्ट्र एकता के लिए डैश है, तो याद रखिए दोस्तों क्या अभिशाप है, अभिशाप है। हैजा
हैजा एक डैश रोग है, हैजा एक डैश रोग है दोस्तों, तो हैजा एक संक्रामक रोग है, संक्रामक, अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है, अथक परिश्रम और सतत डैश चरम सीमा प्राप्त कर सकता है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए व्यवसाय चरम सीमा प्राप्त कर सकता है। मदर टेरेसा का डैश संसार भर में फैला हुआ है, क्या फैला हुआ है दोस्तों, तो याद रखें यश, मदर टेरेसा का यश संसार भर में फैला हुआ है। भगवान बड़े दयालु हैं, डैश सबकी सुनते हैं, क्या सुनते हैं, तो वे भगवान बड़े दयालु हैं, वे सबके सुनते हैं दोस्तों। महात्मा बुद्ध क्या करुणा के साक्षात डैश थे, क्या थे, तो याद रखिए अनुग्रह थे, अनुग्रह थे दोस्तों। उस स्त्री को, उस स्त्री के डैश ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विलाप, उस स्त्री का विलाप ने सभी का हृदय द्रवित कर दिया। हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के डैश की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, तो बिल्कुल लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर। आप पधारिए और डैश ग्रहण कीजिए, तो इसका मतलब हुआ आसन ग्रहण करिए, आसन। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित था, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और डैश पर आधारित था दोस्तों, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा अहिंसा पर आधारित था। नेक्स्ट डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, डैश दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, किस रूप में जागृत करता है दोस्तों, तो याद रखें स्वाभाविक के रूप में करता है। क्या लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है, स्वाभाविक रूप में करता है। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शत्रु। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुँचा सकता दोस्तों। ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के कारकों में श्रेष्ठतम डैश है, क्या है दोस्तों, तो याद रखिएगा स्मारक है, ताजमहल वास्तुकला की मुगल शैली के कारकों में श्रेष्ठतम स्मारक है। ईश्वर की भक्ति है सौभाग्यशाली बनने का डैश होना चाहिए, तो याद रखिए दोस्तों साधन होना चाहिए, साधन। इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डैश गुण नहीं है, इस संसार में चरित्र से बढ़कर कोई और डैश गुण नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए श्रेष्ठ गुण नहीं है। काम ऐसा करो जिससे सबका डैश हो, तो याद रखिए दोस्तों जिससे भला हो, काम ऐसा करो जिससे सबका भला हो। नेक्स्ट शरद चंद की डैश ज्योत्सना शीतलता भरी है, शरद चंद की डैश ज्योत्सना शीतलता भरी है दोस्तों, तो याद रखिएगा विमल, क्या शरद चंद्र की विमल ज्योत्सना शीतलता भरी है दोस्तों। नेक्स्ट देश के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए, देश के लिए भारतीय जनता ने बड़े बड़े बलिदान दिए, तो याद रखिएगा दोस्तों आज़ादी। नेक्स्ट आवेदन लिखते समय शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, आवेदन लिखते समय शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रयोग, क्या प्रयोग। विद्वान अपने गुणों के कारण डैश होते हैं, तो विद्वान अपने गुणों के कारण दोस्तों विख्यात होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों निर्देश क्या है, प्रश्न संख्या 36 से 43 तक वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा पूर्ति की जानी है, इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है और उचित विकल्प का चयन करें दोस्तों। क्या है देखिए, क्या ये देखिए अच्छी तरह से, विलोम द्वारा पूर्ति की जानी है। मोहन की कविता मौलिक न होकर डैश है, मोहन की कविता मौलिक न होकर क्या है दोस्तों, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा क्या अनुदित है। ईश्वर की कृपा से मुख भी क्या हो सकता है दोस्तों, तो वाचाल हो सकता है, वाचाल। नेक्स्ट कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसीलिए उसकी डैश आवश्यक है, क्या आवश्यक है दोस्तों, तो विज्ञाता आवश्यक है। कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसीलिए उसकी विज्ञाता क्या है दोस्तों, विज्ञाता याद रखिए आवश्यक है। प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास डैश शैली में लिखे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यास, प्रायः निबंध समास शैली में और उपन्यास व्यास शैली में लिखे जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, आजकल
आजकल निजी क्षेत्र के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है तथा डैश क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। दोस्तों तो याद रखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा डैश के क्षण आते जाते रहते हैं दोस्तों। तो इसके राइट आंसर होंगे क्या, विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं। नेक्स्ट, दसवीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय डैश है दोस्तों। कतिपय क्या है, तो याद रखिए ये जो कतिपय है, कतिपय दोस्तों याद रखिएगा वैकल्पिक है। वैकल्पिक व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में डैश अधिक व्यावहारिक होती है। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में डैश अधिक व्यावहारिक होती है दोस्तों। तो याद रखिएगा उदारता एक व्यावहारिक होती है। नेक्स्ट, डैश किसी ने गिरा दिया तो याद रखिए उसे किसी ने गिरा दिया। डैश कल आगरा जाएंगे, तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, शुद्ध करनी है, वह कल आगरा जाएंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट, दरवाजे पर डैश खड़ा है, तो दरवाजे पर दोस्तों कोई खड़ा है। दाल में डैश काला है, तो याद रखिएगा दाल में कुछ काला है दोस्तों। क्या कुछ काला है। 49वां, डैश बहुत ज़्यादा बोलती है, तो याद रखिए वह बहुत ज़्यादा बोलती है। नेक्स्ट, आज माँ ने बड़ा डैश भोजन बनाया। याद रखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल लजीज। आज माँ ने बड़ा लजीज भोजन बनाया। रविवार को डैश अवकाश रहता है, तो याद रखिएगा रविवार को दोस्तों साप्ताहिक अवकाश रहता है। जोरों की दोस्तों सुहानी हवा चलने लगी। डैश धूप की जो चांदनी देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देती है। नेक्स्ट दोस्तों, डैश ज्ञानन से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पुस्तकीय ज्ञानन से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है। वस्तुतः डैश मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करता है। आदर करता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सच्चा मनुष्य वही होता है जो मानवता का आदर करता है। नेक्स्ट, डैश प्रदेशों की यात्रा बहुत ही आनंदप्रद होती है। तो याद रखिएगा पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा बहुत ही आनंदप्रद होती है। वह लड़की बहुत डैश है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह लड़की बहुत ही शर्मीली है। उस जालक का चेहरा बड़ा डैश था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा तेजस्वी। उस जालक का चेहरा बड़ा तेजस्वी था दोस्तों। नेक्स्ट, कई मोहल्लों की गलियां बच्चों के बिना डैश हो गई है। क्या हो गई है, तो वे सुनसान हो गई है। डैश व्यक्ति जीवन में कमी सपाल नहीं होते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होते। ये गलती लिखा गया लग रहा है, कभी सफल नहीं होते, ये होगा दोस्तों। नेक्स्ट, ये डैश रास्ते उन्हें बस्तियों की ओर जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते उन्हें बस्तियों की ओर जाते हैं। नेक्स्ट, डैश गाय अपने बछड़े के लिए परेशान है, तो याद रखिए दोस्तों बिलखती गाय अपने बछड़े के लिए परेशान है। डैश रसीले आम देखकर लार टपकने लगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल दोस्तों पीले रसीले आम देखकर लार टपकने लगी। नेक्स्ट दोस्तों, 64वां, डैश बादलों को उमड़ते घूमरते देख कृषक प्रसन्न हो उठे, तो याद रखिएगा काले कजराले बादलों को उमड़ते घूमरते देख कृषक जो है दोस्तों प्रसन्न हो गए। आप जो कुछ पढ़े उसकी डैश का अभ्यास करें,
तो याद रखिएगा उसके दोस्तों लिखने के अभ्यास करें, आप जो कुछ पढ़े उसकी लिखने की अभ्यास करें। घर आया डैश भी नहीं भगाया जाता है, घर आया डैश भी नहीं भगाया जाता है, तो बिल्कुल कुत्ता, घर आया कुत्ता भी नहीं भगाया जाता है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ निश्चित डैश होते हैं दोस्तों, क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। समस्त पद डैश पदों के मेल से बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा दो, समस्त पद दो पदों के मेल से बनता है। नेक्स्ट, गंगा का जल बहुत डैश माना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल पवित्र, गंगा का जल बहुत पवित्र माना जाता है। भगत सिंह के लिए डैश ही सबसे बड़ा धर्म था, भगत सिंह के लिए डैश ही सबसे बड़ा धर्म था दोस्तों, तो याद रखिएगा देश की भक्ति, भगत सिंह के लिए देश की भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म था। पथ से भ्रष्ट व्यक्ति की डैश पर लाना सरल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मार्ग, पथ से भ्रष्ट व्यक्ति की मार्ग पर लाना सरल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रार्थना क्या दोस्तों, प्रधानाचार्य की ने अतिथि की डैश पहनाई, क्या पहनाई दोस्तों, तो ये बिल्कुल माला पहनाई, प्रधानाचार्य ने अतिथि को माला पहनाई, माला। वचन से डैश बोध होता है, वचन से दोस्तों बिल्कुल संख्या का बोध होता है। कणिका की डैश में कुछ गिर गया, तो याद रखिएगा दोस्तों क्या, कणिका की आंख में कुछ गिर गया, डी नंबर होगा। नेक्स्ट, मैं कमल डैश पत्र लिख रहा हूँ, तो याद रखिएगा दोस्तों मैं कमल को पत्र लिख रहा हूँ। पायल काजल डैश बड़ी बहन है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पायल काजल की बड़ी बहन है। डैश सड़क महादेव मंदिर को जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों यह सड़क महादेव मंदिर को जाती है, बिल्कुल फील करना है। खेत में दोस्तों डैश सरसों बहुत अच्छी लगती है, तो याद रखिएगा पीली, खेत में पीली सरसों बहुत अच्छी लगती है। मेरे घर के सामने पीपल का एक डैश वृक्ष है, क्या है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा बड़ा वृक्ष है, मेरे घर के सामने पीपल का एक बड़ा वृक्ष है दोस्तों। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने तो याद अहिंसा का संदेश दिया। छात्र परीक्षा में डैश कर रहा था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नकल कर रहा था। रचना के आधार पर वाक्य के डैश भेद होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा तीन भेद होते हैं वाक्य के। नेक्स्ट, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि दोस्तों याद रखिएगा देवनागरी है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी डैश की राजभाषा है, हिंदी दोस्तों भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट दोस्तों, राजा निर्धन डैश धन देता है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों को, राजा निर्धन को धन देता है। यह खिलौना डैश पिताजी लाए, तो याद रखिएगा दोस्तों यह खिलौना मेरे पिताजी लाए। इस घटना में किसी डैश उपद्रव के बीच मतलब निहित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भावी, इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीच निहित है दोस्तों। नेक्स्ट है, अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें डैश परिश्रम करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा दोस्तों अथक, अपने जीवन की उद्देश्य की पूर्ति के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना पड़ेगा। विश्व में डैश की ही प्रधानता है, तो विश्व में दोस्तों कर्म की ही प्रधानता है, कर्म की ही। नेक्स्ट, प्रेमचंद्र ने अपने डैश उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परवर्ती। मानव हृदय का जगत डैश जगत जैसा नहीं है, तो याद रखिएगा प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। रानी युद्ध डैश वीरतापूर्वक लड़ी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रानी युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ी। नेक्स्ट दोस्तों, विधि का यही डैश है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, तो याद रखिएगा दोस्तों विधि का यही विधान है। नेक्स्ट, वृद्ध भिखारी दो रोटी खाकर डैश हो गया, क्या दोस्तों होगा इसका, तृप्त हो गया,
तृप्त हो गया। यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, प्रयास तो करने ही पड़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, बंदूक एक उपयोगी डैश है, बंदूक एक उपयोगी दोस्तों शस्त्र शस्त्र। नेक्स्ट, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को किसको दोस्तों, याद रखिएगा, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति क्या है, जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डैश से आवेदन करें। तो याद रखिए दोस्तों, माध्यम, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। नेक्स्ट दोस्तों, 100 नंबर देखिए, माननीय न्यायाधीश ने वाद की खारिज करते हुए वादी की कोई डैश प्रदान की, क्या प्रदान की दोस्तों, तो याद रखिएगा, अनुतोष प्रदान की। माननीय न्यायाधीश ने वाद की खारिज करते हुए वादी की क्या दोस्तों, वादी की कोई डैश प्रदान किया, तो अनुतोष प्रदान किया दोस्तों, अनुतोष, याद रखिएगा। और ये 100 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। यह दोस्तों कैसा वीडियो लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा, और हाँ 100 में कितना नंबर आ रहा है आप लोग बताइएगा दोस्तों। इस बुक का अंतिम चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर 14, रचना एवं रचयिता, या फिर रचना या उसके लेखक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है, साधो देखो जग बुराना कबीर ने लिखे हैं, और चाणक्य का अंग कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, नेमा पढ़ी मंझधार गुरुबिन कैसे लागे पार कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, मोकी कहाँ कबीर ने लिखे हैं, दीवाने मन भजन बिना दुख पे हो कबीर ने लिखे हैं, सहज मिले अरिनाशी कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बीत गए दिन मंजर बिना रे, बीत गए दिन मंजर बना रे कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, कबीर की साखियाँ कबीर ने लिखे हैं, कबीर के पद कबीर ने लिखे हैं, जीवन महक का अंग कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, धोवियों क्या धोविया हो बेराग कबीर ने लिखे हैं, अब भैंस का अंग कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, अब मधि का अंग कबीर ने लिखे हैं, पतिव्रता का अंग कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है, माया का अंग कबीर ने लिखे हैं, अब माया महा ठगनी हम जानी कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, हमन है क्या हमन है इश्क मस्ताना कबीर लिखे हैं, और नेक्स्ट घूंघट के पट कबीर ने लिखे हैं दोस्तों, याद रखिए आँखियाँ आँखियाँ तो छाई पड़ी कबीर ने लिखे हैं, सांच का अंग कबीर ने लिखे हैं। नेक्स्ट है, मुख्य रचना वो रचनाकार जिसे आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए सूरदास, सूरदास क्या क्या लिखे हैं, सुर सागर लिखे हैं, और या सुरसा वाली लिखे हैं, साहित्य लहरी लिखे हैं, नल दयमंती लिखे हैं दोस्तों, व्याली आदि लिखे हैं, ये सूरदास जी याद रखिएगा। चंदवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है। जायसी पद्मावत लिखे हैं, वो अखराहट या अखरावट लिखे हैं दोस्तों, और आखिरी कलाम लिखे हैं जायसी। बिहारी दोस्तों, बिहारी सतसई लिखे हैं, मीराबाई राम गोविंद और गीत, याद रखिएगा गीत गोविंद मीराबाई लिखे हैं दोस्तों, राम गोविंद गीति गोविंद नरसी का मेहरा राग सरोठ के पद ये लिखे हैं दोस्तों मीराबाई। नेक्स्ट लल्लू लाल प्रेम सागर लिखे हैं, मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतली की कहानी लिखे हैं दोस्तों, धर्मवीर भारती नदी व्यासी थी लिखी है। नेक्स्ट दोस्तों, लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर लिखे हैं दोस्तों, लाला श्री निवास दास, विनोबा भावे भूदान यज्ञ लिखे हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली लिखे हैं दोस्तों, काका कलेलकर याद के हिमालय प्रवास लिखे हैं, हरिशंकर परिसाई हंसते हैं रोते हैं लिखे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विनय मोहन शर्मा हिंदी गीत गोविंद लिखे हैं दोस्तों, विनय मोहन शर्मा, अज्ञ दोस्तों सन्नाटा लिखे हैं, संपूर्णानंद समाजवाद लिखे हैं, याद संपूर्णानंद ने लिखे हैं समाजवाद। नेक्स्ट हिंदी में प्रथम के बारे में देखिए, हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद है जो 9वीं शताब्दी के थे, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है दोस्तों जो श्रीनिवास ने लिखे हैं, हिंदी का प्रथम रिपोर्टार्ज लक्ष्मीपुरा है दोस्तों जो शिवदान सिंह चौहान ने लिखे हैं, और हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है दोस्तों जो महादेवी वर्मा जी ने लिखे हैं, हिंदी का प्रथम गद्य काव्य साधना है जो क्या दोस्तों कौन लिखे हैं, राय कृष्ण दास ने लिखे हैं। नेक्स्ट हिंदी
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य क्या एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक ने लिखे हैं? हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक ने लिखे हैं। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ भाषा योग वासिष्ठ ने लिखे हैं, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी का साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रदाई ने लिखे हैं। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पद्मावत है दोस्तों, जो जायसी ने लिखे हैं। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखे हैं। हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं। हिंदी में प्रथम छंद शास्त्र की प्रथम रचना छंद मालपा ने लिखे हैं दोस्तों। हिंदी में प्रथम गीत रचनाकार विद्यापति ने लिखे हैं। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना है। नेक्स्ट, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। नेक्स्ट, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खड़े हैं दोस्तों। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड है। हिंदी का प्रथम पत्रिका क्या संवाद कौमुदी है। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या सुमित्रा नंदन पत लिखे हैं? क्या दोस्तों, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है सुमित्रा नंदन पत को मिला है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम साहित्य एकेडमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है, तो याद रखिए। क्या नाम है? हिम तरंगिनी लिखे हैं थे दोस्तों। नेक्स्ट, हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था आत्मकथा के लिए। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा था दोस्तों, जो 1907 में ये लिखे थे। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर है दोस्तों, जो 1916 ईस्वी में इन्होंने लिखे। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, जो 1930 ईस्वी में लिखी। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदुस्तानी ग्रामर है, जो 1698 में लिखा गया। लेखक जे केटलर हैं दोस्तों, डच भाषा में लिखा गया ये। नेक्स्ट, हिंदी की प्रथम कवित्री मीराबाई है दोस्तों। नेक्स्ट, जनेंद्र का प्रथम उपन्यास परख है, जो 1929 ईस्वी में लिखा गया। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है। नेक्स्ट, इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामती है दोस्तों। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, जो 1939 ईस्वी में लिखे। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्रलेखा है, जो 1939 ईस्वी में इन्होंने लिखे दोस्तों। नेक्स्ट, साहित्य अकेडमी पुरस्कार जिसको मिला है और कौन कौन से रचना के लिए वो देखिए दोस्तों। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी जी को मिला है दोस्तों, जो याद रखिएगा, हिम तरंगिनी काव्य के लिए मिला है 1955 ईस्वी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार। राहुल संकृतियायन को मिला है, मध्य एशिया का इतिहास लिखे थे 1958 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा को मिला है दोस्तों, जो भूले बिसरे चित्र लिखे हैं, उपन्यास है दोस्तों, जो 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट, अमृत राय कलम की सिपाही लिखे हैं दोस्तों, ये जीवनी है, जो 1963 ईस्वी में लिखे। अमृतलाल नागर ये अमृत और विष उपन्यास लिखे थे दोस्तों, जो 1967 ईस्वी में लिखे। नेक्स्ट, दो चट्टाने काव्य हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखे 1968 ईस्वी में। भगवती प्रसाद मिश्रा बनी हुई रस्सी काव्य 1972 ईस्वी में लिखे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आलोक पर्व निबंध 1973 ईस्वी में लिखे। भीष्म सहनी तमस लिखे दोस्तों, जो 1975 ईस्वी में। यशपाल तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास लिखे, जो 1976 ईस्वी में इसे मिला साहित्य एकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट, घूमिल जो कल सुनना मुझे काव्य लिखे हैं, जो 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों, कृष्णा सोबती देखिए, जिंदगी नामा और जिंदा रुख लिखे हैं दोस्तों, जो 1980 ईस्वी में इसे मिला है साहित्य पुरस्कार। नेक्स्ट, हरिशंकर परसाई विकलांग श्रद्धा का दौर याद लिखे हैं, जो 1982 ईस्वी में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। रघुवीर साहे लोग भूल गए हैं काव्य लिखे हैं दोस्तों, 1984 ईस्वी में इसे मिला या साहित्य अकेडमी पुरस्कार। निर्मल साहे
कोवे और काला पानी लिखे हैं दोस्तों, जो 1985 ईस्वी में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला दोस्तों किसके लिए, मगध काव्य के लिए 1987 में। केदारनाथ सिंह को मिला साहित्य अकेडमी पुरस्कार क्या, अकाल में सारस काव्य 1989 के लिए। शिव प्रसाद सिंह को मिला दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार, नीला चांद को 1990 में मिला। विष्णु प्रभाकर क्या, विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर लिखे दोस्तों उपन्यास 1993 ईस्वी में। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए उपन्यास लिखे हैं 1996 में। अरुण कमल जो नए इलाके में काव्य लिखे 1998 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल दोस्तों याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल की पुस्तक है दोस्तों दीवार में एक खिड़की रहती थी, और कब इसे मिला दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1999 में। नेक्स्ट है राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच काव्य लिखे 2002 ईस्वी में दोस्तों। कमलेश्वर कितने पाकिस्तान लिखे उपन्यास दोस्तों 2003 याद रखिएगा, कमलेश्वर इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2003 में मिला। मनोहर श्याम जोशी क्याप लिखे उपन्यास जिसे 2005 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, अमरकांत देखिए हिंदी हथियारों से 2007 ईस्वी में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट उदय प्रकाश मोहनदास महाकाव्यात्मक कहानी लिखे गद दोस्तों 2010 ईस्वी में इसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। चंद्रकांत देवताले जो पत्थर फेंक रहा हूँ कविता संग्रह लिखे 2012 ईस्वी में इसे क्या दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास लिखे 2014 में इसे दोस्तों मिला क्या तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पथ को मिला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए, चिदंबरा के लिए 1968 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर को मिला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में उर्वशी के लिए। अज्ञ के मिला अज्ञ कितनी नावों में कितनी बार 1978 ईस्वी में इसे दोस्तों क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है यामा के लिए 1982 ईस्वी में। केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दोस्तों अकाल में सारस 2013 ईस्वी में। नेक्स्ट दोस्तों रघुवीर चौधरी को मिला दोस्तों रघुवीर चौधरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है गुजराती साहित्य 2015 में। शंख घोष को मिला दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार मुखरो बारो सामाजिक नाम से। नेक्स्ट दोस्तों कृष्णा सोबती को मिला क्या जिंदगी नामा डार सेनी छुरी 2017 में इसे मिला। अमिताभ घोष को मिला दोस्तों द रोडो लाइन्स अंग्रेजी भाषा के लिए मिला 2018 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों अकितम अच्युतम नबुतरी को मिला है दोस्तों जो मलयालम के प्रमुख कवि को चुना गया 2019 में। इसका पूरा नाम है अकितम अच्युतम नबुतरी, इसे दोस्तों क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला याद रखिएगा। और यहीं पे दोस्तों पूरी तरह से ये दोस्तों पूरी कंप्लीट हो जाता है दोस्तों बुक, शुरू से लेकर अंत तक हम इसको कंप्लीट कर दिए हैं दोस्तों। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल देखिए दोस्तों ये जो हिंदी था दोस्तों ये बिल्कुल हिंदी दोस्तों बोरिंग सब्जेक्ट है ही, कहीं कहीं प्रॉब्लम होता होगा दोस्तों तो आप लोग घबराइएगा नहीं दोस्तों, अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों, बिल्कुल घबराइएगा नहीं क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट होता ही है दोस्तों, बिल्कुल बोरिंग सब्जेक्ट है ये। चलिए दोस्तों दूसरे वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और हाँ सबसे खास बात दोस्तों अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखिए, हमेशा पढ़ते रहिए दोस्तों। जब तक जॉब नहीं होता है एक बात याद रखिएगा, मेहनत का फल दोस्तों मीठा होता है, जितनी अधिक आप मेहनत करते हैं दोस्तों फल भी उतनी ही अधिक मिलेगा आपको, याद रखिएगा दोस्तों।